ही फिनलैंड में अपना काम हेलो किया। एवरीवन एंड वेलकम उसके टू बाद द मैं लाइव 6 महीने बाद स्ट्रीम। मैं मैनेजर के सीट पे आ गया। तो प्रमोशन कैसे मिलता है आपको? प्रमोशन आज क्या आज ये तीसरी स्ट्रीम स्टाफ है। में नहीं मिलता, तो इधर मैनेजर ही काफी है। ठीक है, उससे आगे अभी प्रमोशन हम कुछ नहीं कुछ होता। नाइट तो में सिंपल आते खेले हो, हैं। फिलरमैन के रूप में आते हो, और उससे आगे मैनेजर आता है। मैनेजर के ऊपर प्रमोशन किसी की नहीं होती। फिलरमैन हाँ से प्रमोशन होता है वो किस बेस पे होता है, लाइक परफॉर्मेंस या जस्ट ज्यादा दिन? फिलरमैन से सीधा वालेकुम सलाम मैनेजर के नहीं जीशान भाई, क्या हाल आता है? ठीक है, बंदा। कैसे हैं? किस बेस पे मतलब ज्यादा दिन अगर हाउ जॉब आर किया यू तो डूइंग प्रोविजन टुडे? मैनेजर पे, या अच्छा कमाया तो? शेयर में अच्छा डालोगे तो तुम्हें प्रमोशन मिलेगा। ऐसा इस धंधे में ऐसा नहीं होता। इस धंधे में तो क्या होता है कि आप ट्रस्ट पे चलते हैं। इस धंधे में अच्छा आप बाहर बैठे मैं भी हो, ठीक ठाक, धंधा दिया आपको, जबरदस्त। मैंने को 2 लाख का माल बेच के मुझे 2 लाख दिए। ठीक है, तो ऐसे पैसे की गणतरी में ये धंधा नहीं चलता है। ये धंधा अपने विश्वास पे चलता है कि आज मैं पंप पे नहीं हूँ, मैंने इसको बोला कि आज तुझे तुझे पंप संभालने का है, मैं नहीं हूँ 2 घंटे तक, तुझे ध्यान रखना है पंप पे, कुछ नुकसान ही नहीं करने का, और कोई बंदा आपके साथ झगड़े तो उसको शांत पाड़ने का और समझाने का, वो मेन होता है इसमें। हाँ, पेट्रोल पंप पे झगड़ते भी है। हाँ, आवाज आ मेरा भी रही हुआ है, तो बहुत नहीं देखा ज्यादा। आपने किसकी आवाज आ भी रही है? अभी? बैकग्राउंड में दूसरे लोगों की बोल रहे कोई दूसरा लोग नहीं है। हो? नहीं, वो यूट्यूब पे लोग बोल रहे हैं बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। तो अच्छा, तुम्हारा साइड है वो। नहीं, मैं मैं एक एक बंदा तो होता ही मेरे उनकी साथ, आवाज थोड़ी एक कम कर देता हूँ। होता है जो वो लोग बिना कुछ काम बात कर रहे हैं, करे चले। भी कम हो जाएगी। हाँ बताओ। 12:30 बज गए, उस बंदे को सोने बुलाओ, हम काम करते हैं। वो आपकी बातें सुन के पक गया है। बात से मुझे लगता है पक गया, गैस स्टेशन से मिलेटर से पक गया। मैंने भाई गैस स्टेशन में वो क्या करता है, वो दिमाग से भाई बोल के आप ही बताओ। भाई, नॉलेज मिल रहा है तो हम खुश नहीं हो रहे? नॉलेज मैं मिलता क्या है खुश तो हूँ, महीने में 2 बार पेट्रोल पंप जाता हूँ, वो भी 2 करोड़ का रोजगार, मेरे को भी तो 100 रुपए का, उसको भी इतना ज्ञान दूँ। लेलुच को तो, लेलुच को तो कितना इंटरेस्ट है? लेलुच का इंटरेस्ट चेक करो मैं करूंगा भाई, कहीं जाने वाला नहीं है मेरा। तो। फिलर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया इसने, ऑनलाइन अभी अभी अप्लाई कर दिया इसने। क्या पता लेलुच कल अपना गाड़ी फुल टैंक करा रहा हो, इसीलिए पूरा ज्ञान ले रहा है। फुल वाह, सही। टैंक का बिना क्यों लेते जॉब के लिए? अगर किसी कोई जेब में रख सकता है पैसे, लाइक कोई कस्टमर तू किए बात। सबसे बड़ा ये काम कर, लेलुच लेलुच तू एक काम कर, यस ब्रो, प्रो मोड है, प्रो मोड। कल सुबह जा और जॉब ले ले, आपको ठीक है? दिखाता हूं मैं प्रो समझा? मोड का मैप, ललुच चेक करना। फिलर का जॉब ले ले, तेरा गाड़ी फुल टैंक कर और बोल दे आई ये क्विट। देखो प्रो मोड का मैप चेक करो, ये ऊपर वो टॉप मैप राइट देखा साइड था में मैंने, उसमें तो रशिया, लेलुच का ऊपर नाम था। ये बहुत बड़ा मैप हो जाता है प्रो मोड से ना। देखो ललुच रेड ऊपर कलर ये का है। आइसलैंड है, ठीक है? ये लोग ए अभी रशिया में खेल रहे हैं तो इनकी जॉब लेते हैं। वो बादशाह का आधा तो भी सही रहेगा, 42 किलोमीटर ही बचा है। अरे तुम रात के 12:30 बजे ज्ञान मत दो रे, जाओ जाके काम करो। 42 किलोमीटर ही बचा है। तो आपको ज्ञान लगता है वो सही बात मैं हेलो बोलूं भाई, तो यस ब्रो। फोर्टी टू किलोमीटर ही बचा है, मत लो। अच्छा चलो, नहीं ले रहा मैं ट्रेलर तो ले लूँ। हाँ ट्रेलर कौन सा लेना? कट कट नहीं रेंट। कंटेन साइडर एक ही रखो, अच्छा मैं कर्टन साइड ले रहा मैनेजर का जॉब होता है या ऑर्डर करना पेट्रोल हूँ। अबे जाके बस लेना, कर जा सवाल, ना पूछ ना पूछ न, इसको बोल सवाल पूछना बस अरे करे। इसको की करो, इसको की करो, तुम लोग खामोश रहो, पूछने दो मुझे। नहीं, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है इतना ज्यादा तुम्हें इसमें? क्या लगी पड़ी है? हाँ सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। साला तुम 50 रुपए का पेट्रोल भराने वाले, यहाँ पे ये होता है ना, किसका भराने वाला, इसीलिए मैं बात ही नहीं सुन रहा। देखो यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा होता है ना, सब लोग बोलते हैं कि
पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, तो एंड पे क्या सीन होता है, इसके डीएलसी में भी प्रमोट ही है या भाई क्या? ब्रो मेरे पास डीएलसी परचेज नहीं है, डीएलसी का है वो जुगाड़ जो एक्स्ट्रा भाई ने आपको बताया था ना, बस वही चल रहा है। तो मेरे पास अभी डीएलसी परचेज नहीं, मेरा बेस मैप है और उसपे ऊपर ऊपर डीएलसी और फिर उसके ऊपर प्रो मॉड। हाँ मैं कुछ बोल रहा था, एक चीज मैं बोल रहा था, यहाँ पे पेट्रोल महंगा होता है ना तो लोग बोलते हैं यार हमें क्या पेट्रोल महंगा हो गया, हमने तो 100 रुपए का ही भराना है सिर्फ। पता नहीं होगा, आप जब टंकी फुल कर रहे थे वो ना, हाँ मुझे पता है क्वांटिटी कम हो जाती है ना वो, लेकिन जिन लोगों को पक्का ये होता है बस 100 100 रुपए का या 50 50 रुपए का डेली भरवाना है उनका। 100 या 200 का, तो हम उसमें से कट मार सकते हैं। हाँ वैसे ये बताओ कि आप पेट्रोल स्टेशन में काम करते हैं तो आपको पता होगा क्या 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 सीन्स होते हैं, मतलब मैंने ऐसा सुना है कि आपको मीटर में पूरा 200 नजर आता है बट उसमें से आपका बीच में से फ्यूल मिस हो जाता है, वो कैसे होता है, क्या उसकी क्या प्रोग्रामिंग होती है? उसकी प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होती, वो मैं सेट करता हूँ। मैं सेट करूंगा, इसमें बहुत पकड़ इजी है। हाँ पकड़ो इसको, पकड़ के मारो। चीटिंग चीटिंग दिलक, पूरी बात सुन लो फिर बोलोगे आप। पकड़ करके मारो, चीटिंग है, वो बहुत सुनाओ गलत है। सुनाओ। तुम जितने बोल चुके हो ना, चलो बाकर भाई जॉब लो नेक्स्ट, रशिया में लो, अब रशिया में एक स्ट्रीम पे लोग बोल रहे हैं हमको प्रोमोट का देखना है, एक हमारे हैं जुबैर अभी भाई, 350 किलोमीटर बाकी है भाई, रुक जाओ। तो क्या अब आपके लिए हम 350 किलोमीटर रुके रहे? टेलीपोर्ट नहीं है, टेलीपोर्ट है ना आपके पास, नेक्स्ट जॉब लो और है ना, टेलीपोर्ट मार के आओ। अपॉर्चुनिटी है भाई, जिसके आप वो वेट कर रहे देखो हो, तो जिसके आप वेट कर रहे थे ना, ये ज्यादातर सिखा रहे हैं आप लोग, जिसके आप वेट कर रहे हो, आधा घंटे से वेट कर रहे हैं, जो मेरे को बता रहे कि 1.5 घंटा पे खड़ा रहने के लिए, वो मुझे बोलने लगा है अभी पेट्रोल पंप के बारे में। भाई मैं पेट्रोल पंप सुन सुन के पक गया हूँ, मेरे को ड्राइव करना है अभी, मैं और नहीं वेट कर सकता। कल सुबह तुम एक काम करना, कल सुबह उठ के पहले 100 रुपए का जाके डाल आना पेट्रोल। नहीं मेरा मैं बस मैं एक दफा जाता हूँ टैंकी फुल, क्योंकि 100 100 वाला काम मुझसे नहीं होता। तुम बड़े खिलाड़ी हो नहीं, नहीं बड़े खिलाड़ी की बात नहीं है, जब यूज होता ही होता है तो फिर आप 100 का डलवाओ या एक ये 100 100 का उनके लिए ठीक रहता है, मतलब जो डेली वेजेस पे होते हैं। अब हमें तो मंथली सैलरी मिलता है तो ऐसे मंथ के स्टार्ट में सैलरी मिला तो फ्यूल टैंक फुल, क्योंकि इतना तो पता है कि पूरे मंथ में यूज तो होना है। नहीं हम लोग वेट करते, हो सका 2 दिन बाद पेट्रोल प्राइस गिर जाए, नहीं गिरता कभी नहीं है भाई, इधर नहीं गिर गिरता, जाए। हमारे इधर नहीं गिरता, हमारे इधर बढ़ता है। वो तुम्हारे एक क्या वाला प्रॉब्लम नहीं हो रहा से, बोल, हमारे यहाँ गिरता है, आज गिर गया हमारा, आज मैं कल सुबह जाके भरा। भाई इधर ऐसे होता है ना, सुनो इधर ऐसे होता है, इधर गिरता है और उसके बाद हमें गारंटी होता है कि अभी कुछ दिनों के बाद ये दोबारा चढ़ा देंगे। अभी ऐसे हुआ था ना कि उन्होंने प्रपोजल दिया था कि फर्स्ट को फ्यूल प्राइस इंक्रीज करो, बट हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है नहीं इंक्रीज करना, नहीं इंक्रीज करना, हमने कहा वाह ये जबरदस्त प्राइम मिनिस्टर है, बट 4 दिन गुजरे और उसने बोला अभी हमें इंक्रीज करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। 4 दिन बाद ऑप्शन क्यों है, रूल जब रूल फ्यूल ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो सुनो चालू कर देते हैं। सुनो, उसका अपना बनाया हुआ रूल है, पहले यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टू फर्स्ट प्राइस इंक्रीज होती थी, फिर उसने रूल चेंज किया कि फर्स्ट और 15 को प्राइस एडजस्टमेंट होगी। हमारे यहाँ तो बनाया हुआ है, रोज होती है। अब उसने उसी रूल को खुद तोड़ा कि फर्स्ट फर्स्ट को नहीं बढ़ाया और 5 तारीख को बढ़ा दिया। कम कभी भी नहीं करते, अगर कम होना हो ना कभी कभी कभार कम का ऑर्डर आ जाए तो वो बोलते हैं 15 तक वेट करो तब कम होगा, 15 का रूल है, जब बट जब ज्यादा करना हुआ तो 5 तारीख को भी ज्यादा कर दिया हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं, ये तो अब स्कैम है स्कैम। बाकर भाई क्या करना है यार, जॉब लो यार, मैं कब से वेट करूं? मैं जा रहा हूँ फैक्ट्री में, इंडिया में ना कभी भी
रुको ब्रो रुको, मैं थोड़ा सा वॉइस का एडजस्टमेंट कर लूं। वो बोल रहा है आवाज क्लियर नहीं आ रही भाई, मैं हेडसेट के माइक से हूं तो इसलिए मे भी आपको ना आवाज क्लियर आ रही हो, तो थोड़ा सा गुजारा करो। तो नेक्स्ट क्या खुद का पेट्रोल पंप खोलोगे? अबे भाई चुप कर जा, एक तो मैं इधर जॉब के बगैर बैठा हुआ, ऊपर से तुम्हें पेट्रोल पंप की पड़ी हुई है। तो बहुत अच्छा भाई, उसके लिए कम से कम 2-3 करोड़ पे चाहिए, ऐसे नहीं होता। हाँ हाँ जी, इंडिया में इतना नहीं लगता। चलो 1 करोड़ तो लगता होगा। नहीं, नहीं। क्या 1 लाख में पेट्रोल पंप मिल जाएगा? भाई मैंने जॉब लिया है। बट आपको सेफ साइड के लिए एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट तो चाहिए ना? ठीक है, बट अगर आपके पास 30-40 लाख रुपीज हो ना, बट सुनो, हाँ वो लीज की बात ठीक है, लीज की बात मैं समझ गया, बट ये बताओ कि अगर 34, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि कंपनी पे भी तो डिपेंड करता है। अब जैसे बड़ा कोई ब्रांड है, शेल या कोई इस तरह का बड़ा ब्रांड है, तो उसका तो एक्सपेंसिव होता है ना। कोई लोकल ब्रांड हो उसका सस्ता हो सकता है। रैक्स्टर भाई किधर रह गया? रैक्स्टर भाई बोल के गया था आऊंगा, आया नहीं। क्या मैं बस ये बोल रहा था कि वो कोई बड़े ब्रांड का पंप हो तो वो महंगा होता है ना, प्राइसेस वो ब्रांड पे भी डिपेंड करती है ना। आप कोई लोकल सा ब्रांड हो, अभी यहाँ पे लोकल ब्रांड भी है उनके सस्ते होते हैं, बट वो जो ऐसे शेल हो गया, एक हेस्कोल है, PSO हमारा है, वो बड़े ब्रांड है, तो उनके ऐसे 2-2.5-3 करोड़ पे से नीचे नहीं मिलती फ्रेंचाइज। नहीं आप अपनी करेंसी में देख रहे हो ना, हम अपनी करेंसी में देख रहे हैं, हमारी करेंसी काफी डिवेल्यूएटेड है। जैसे हमारे घर के पास अभी एक शेल का पेट्रोल पंप है, वहाँ पे उसने शायद वो पेट्रोल पंप मार्मिक रुको 70-80 लाख रुपीस में लिया हुआ है। हाँ बट अगर आप उस 70-80 लाख को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करो तो 2 करोड़ से ऊपर बन जाता है, क्योंकि 2 point something प्राइस है उसकी। बाकर भाई आपने सुबह शाम को क्या किया था पता है? आपने जहाँ पे मैंने पार्किंग लगाना था वहां पे आप अपना ट्रक खड़ा करके आप खाना खाने चले गए थे, फिर मुझे पार्किंग लगाने में इतना मुश्किल हुआ था, और अभी भी आपने वही हरकत की हुई है जहाँ पे मैंने कार्गो लोड कर रहे हैं वहां पे पार्क करके खड़े। वाह लॉल लॉल लॉलूच किधर है? लॉलूच मिस्टर रैक्स्टर वेयर आर यू मिस्टर रैक्स्टर? यार रैक्स्टर भाई को कोई डीएम करो, उनको बोलो आ जाओ। मैंने उनको शाम को ही बोला था कि डाउनलोड पे लगा दो इसको रशिया में आपको, बट वो आज कुछ अपने ही ख्यालों में खोए हुए हैं। एक बात का आप आंसर देंगे मुझे? वो बोल रहा है नहीं नहीं। लाल सेल का पंप है ना घर के पास? हाँ वहाँ पे 70-80 लाख बोल रहा है ना? ओ 70-80 लाख ठीक है। हाँ ओ बंदा है, उसकी लैंड है, लैंड जो जमीन होती है हाँ खुद या दूसरों की है? हाँ तो फिर प्राइस ज्यादा हुई ना? आज तो चलता है। अगर आप लैंड की भी वैल्यू इंक्रीज करो तो फिर तो बहुत महंगा पड़ता है। इंडिया में फ्यूल के लिए लैंड बहुत
इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे यहाँ परमिशन नहीं देते हैं अगर रेजिडेंशियल इलाका हो या कुछ हो। बाकर भाई सीधा करके लगाओ, ये क्या मजाक है, उसमें घुसा के लगाया हुआ है आपने। तो कहीं पे भी मतलब कहीं पे भी लगा रहा हूँ। नहीं मतलब उसके अंदर घुसा के मत लगाओ ना, ऐसे लगाओ जैसे उसने प्यार से लगाया हुआ है, इज्जत से। गुजरात में 6 करोड़ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए पंप के पास, मतलब वो पेट्रोल पंप के लिए। हाँ 6 करोड़ रुपए। हाँ कुछ में सुने रखियो, मेरे दोस्त ने टोटल 30-40 लाख डाले उसका आईडियो बताओ था। कुछ भी बात सुनो, 6 करोड़ में लैंड भी आ जाती है अपनी। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, तुमने गलत सुना है। अबे भाई वो खुद काम करता है, उसको पता होगा ज्यादा। भाई हमने पेट्रोल पंप उस दोस्त को दिलवाया है। इलाके की प्राइस अलग होती है ना, हर इलाके की प्राइस। हाँ पेट्रोल पंप दिलवाया है हमने, उसको लेने के लिए हम लोगों ने मदद की है, हमने उसके कागजात वगैरह सब किए हैं, वी नो कि कितना खर्चा होता है। बाकर भाई और मार्बल भाई ने आज पेंट स्कीम चेंज की है, बाकर भाई की तो बहुत, दोनों की अच्छी लग रही है, अच्छा लग रहा है चेंज चेंज देख के। मैंने भी थोड़ा चेंज लाया अपना, आज थोड़ा लाइम ग्रीन किया। हरेक को 7 करोड़ देना पड़ता ना, तो इतने सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। होते हैं भाई, बहुत लोग इतने होते हैं कि वो 10-10 करोड़ भी लगा सकते हैं। नहीं इंडिया में नहीं होता है, बहुत कम लोग। ऐसे कैसे, 90% पॉपुलेशन जो है वो महीना 30,000 से कम कमाता है। हाँ तो वो तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे इलीट क्लास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। यूएसए में, यूएसए या उस तरह के कंट्री। हाँ ये बात सही है। कुछ भी ये नहीं होता, आई नो ये 40-50 लाख रुपए लगते हैं। कौन रह गया तो 10-12 लाख रुपए में भी तुम्हें इंडियन ऑयल का या फिर वो भारत पेट्रोलियम का मिल जाता है। ले लो इधर ला के लगाओ, पार्किंग इधर लाओ। वो आपकी बात सही है, मैं आपके साथ समर्थ हूँ, क्योंकि मेरी बात सुनो एक बार। ले लो पिक्चर लेनी है। आप जो बोल रहे हो ठीक है कि उसने 22 लाख में ले लिया। हाँ 22 लाख में लिया, अबे बताओ 40 लाख में लिया। 40 में लिया ना। हाँ 40 में लिया ठीक है, उसके पास पेट्रोल या डीजल नहीं होगा, सिर्फ पंप ही देगा आपको 40 लाख में। हाँ उसको आपको स्टॉक भी तो चाहिए ना फ्यूल की। स्टॉक तो पहले भराएगा ना अपना खुद के हिसाब से। हाँ तो उसका अलग पैसा होगा ना। नहीं क्यों, उसका पता है कितने 1000 लीटर्स में डलता है वो, उसको उसको मल्टीप्लाई करो ना 1000s of liters। इतना भी हो, एक समझ लो एक टैंकी है वो कुछ बहुत बड़ा है समझ लो ठीक है, उसको भी भरने के लिए ना 5 लाख रुपए भी बहुत होते हैं। तो वो कमा भी तो रहा है इस चीज से। चले जाओ आप, सोने चले जाओ। मुझे 107 रुपए जब भाव थे ना हमारे गुजरात में, वो मत सुनाओ मुझे। हाँ मैं बात बताता हूँ, 107 रुपए जो नहीं सुनना, मुझे बस बताओ कितने रुपए में भरा है। 107 रुपए के हिसाब से 21 लाख का टैंक होता था मेरा। हाँ वो बस पेट्रोल है तुम्हारा। माल आता है कितना, वो तुम्हारा बस पेट्रोल है। वैसे डीजल कितना है उसमें से, डीजल भाई डीजल नहीं पेट्रोल सब एक ही बिल बनता है, पेट्रोल या डीजल का दो। हाँ ओवरऑल अभी आए ना औकात में, फिर वो फिर दो उसको डिवाइड कर दो, आधा डीजल आधा पेट्रोल। अबे बादशाह भाई आ जाओ, छोड़ो इसकी बातों को, हमने चाप करनी है शुरू में। मैं कल जाके साला एक पेट्रोल पंप ही खरीद लेता।
उस पेट्रोल पंप को जो खरीदोगे उसमें लेलूच को फिलर रख लेना। इसके बाद बहुत नॉलेज है। मैनेजर नहीं रखना अभी, इसको मैनेजर नहीं रखना। मैनेजर बाकर को मैनेजर रखो। कहाँ रहता है? हैदराबाद। पंजाब। हमारा वाला हैदराबाद ना इधर सिंध में है, सिंध में। कराची के साथ है हैदराबाद। मामले का निकाल चुके हैं। आपका ही वेट कर रहे थे सिर्फ। आज तो यार जा रहे हो, पार्किंग लगा रहे हो। ये हुई ना बात, बाकर भाई ने समझदारी वाला काम खुद से कर लिया। तीसरी दफा पार्किंग सही करके लगाई। एक दफा उन्होंने उधर लगाई भी थी। आगे लेके आओ बाकर भाई, आगे। जल्दी करो, लोग बोल रहे होंगे ये चलाते नहीं है, बस खड़ी करके रख लेते हैं ये। लुच जॉब करनी है, फोटोशूट नहीं। नहीं, फोटोशूट का नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूँ एक दफा एक्स्ट्रा भाई को मैसेज करके बोलो किधर रह गए। उनको आना चाहिए था। लवली, आपको आपको मिलता है 500 रुपये का फ्री फ्री पेट्रोल। जिगर के पंप से। हाँ, जिगर का पंप नहीं। चले, मेरा हो गया, मेरा हो गया फोटोशूट भाई। चलो, हाँ, हमारा तो पता नहीं। चले, मैंने मैंने ले लिए फोटोस। बादशाह भाई आगे जाओ, आप लेफ्ट से निकलो, जो जिस ऑर्डर में है, पहले बादशाह निकले फिर लेलूच। लेलूच फिर मार्मिक आप निकलो, क्योंकि मुझे ऑर्डर था, बट मैं स्ट्रीम भी कर रहा ना, ये भी तो देखो ना। और बाकर भाई पीछे, बाकर भाई पीछे, क्योंकि क्योंकि बाकर भाई, अबे ये वाह। ऐसा मत बोलो, बाकर भाई का बेस्ट। बाकर भाई किधर रह गए? ये भी एक पेट्रोल पंप गुजरा। कौन सी कंपनी का है? हाँ, अच्छा, एचपी। मैं बोला वो कंप्यूटर वाला एचपी। नहीं, कहीं एचपी का पेट्रोल पंप भी होता है। रेक्स्टर, रेक्स्टर आ रहा है। रेक्स्टर ने गेम चला ली, इसका मतलब आ रहा है वो। मुझे नोट, किधर? रशिया में। वो आगे मुझे भी देखना है, मुझे तो देखना है। नहीं, ये पिरामिड वो वाला नहीं है, सैंड वाला पिरामिड नहीं है, ये ग्लास वाला या ब्रिक वाला पिरामिड है। रश आपको दिखा रहा हूं तो बोलो। वो आपको बाकर लाइव स्ट्रीम में दिखा रहा है। बाकर कुछ बोल नहीं रहा और अभी तक आया भी नहीं है।
क्या चक्कर है पीछे हूँ। बाकर भाई आज इतने खामोश क्यों हो यार? कुछ कुछ मेरी लाइफ स्ट्रीम तो एंड हो गई कब की। क्यों? अब तो का टाइम हो गया मेरा तो। हाँ तो बातें तो करो ना, मेरी तो चल रही है ना। जब तक आप बातें नहीं करते हैं, मेरा लाइव स्ट्रीम तो फनी ही नहीं होता। फनी हाँ, कुछ बोल नहीं रहे पेट्रोल पंप के बारे में, आपका दोस्त जिगर के बारे में, पिरामिड है। फेक पिरामिड है, उसका कोई फायदा नहीं है। लॉल अभी तो रोड थोड़ी अच्छी है। कुछ है ही नहीं ना इस रोड पे कुछ खास। वही कुछ बस पिरामिड ही था और क्या था। लॉल रेक्स्टर भाई ने गेम रन की बट वो वीसी में नहीं आया अभी तक। हाँ तो वीसी में तो आ जाए। यार ये मेरा ट्रक भाग क्यों नहीं रहा लेलुच? रुच मेरा ट्रक भाग नहीं रहा। रशिया में आ रहे हैं बट भाग नहीं रहा। 148 पे लॉक हो गया यार। उसको मैं बता रहा हूँ ना कि भाग नहीं रहा, वो इतना भगा रहा है। और यार 150 से ऊपर ना जाओ प्लीज। 145 मेरा 148 पे लॉक हुआ है, पता नहीं क्यों, क्या सीन है। यार पता नहीं क्या सीन हुआ है। मैं 2000 हॉर्स पावर इंजन डाला है, 12 स्पीड गियर भी है, फिर भी 105। टर्न है, टर्न है। अच्छा ये साइड में आंटीज खड़ी होके गपशप मार रही हैं, उनको हाय बोलो। बाकर भाई हेलो। ओ बाकर भाई तो मुझे लगता है फुटपाथ के करीब चला रहा है, अभी किसी आंटी पे चढ़ा भी देगा ये गाड़ी। बाकर भाई रे रेस लगानी है क्या? रेस ये बहुत तेज चलाता है भाई। भाई मुझे या तो इंजन चेंज करना है, गियर बॉक्स चेंज करना है, मेरा जा ही नहीं रहा। क्या हो, मेरा 150 पे ऊपर जा ही नहीं रहा। 150 पे लॉक हो गया हूँ मैं भाई। आगे मुझे नहीं पता, आगे वो सर्विस स्टेशन पे रुको, मुझे चेंजिंग करना है। मैंने गियर बॉक्स गलत ले लिया आई थिंक। क्या मस्त है भाई, 150 भी नहीं जा रहा है। मार्मिक किधर जा रहे हो? उधर नहीं जा रहा था। मार्मिक तो ना एक भाई 148 पे जा रहा हूँ, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मेरे आगे स्पॉन हो गया मार्मिक। वाह भाई, काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि अगले सर्विस स्टेशन पे रुका जाए उमर भाई के लिए। प्लीज प्लीज रुको प्लीज। थैंक यू ब्रो।
देखो सर्विस स्टेशन है, थैंक यू फॉर द लवली सपोर्ट। आगे चला जाओ, आगे चला जाओ, पेट्रोल पंप के आगे। ये देखो रोड के दरमियान में खड़ा हो गया ये, वाह। वो मेरे भाई ने देखा ही नहीं कुछ। क्या कुछ एडवर्टाइजमेंट है कुछ? ठीक हाँ, ये देखो ये देखो ये क्या है। है किधर इसका है? अच्छा ये यहाँ पे घुसेगा कैसे ट्रक इतनी तंग जगह पे? जाएगा जाएगा, डाल के तो देखो। देखा जी लेता ही हूँ ना, बहुत ही तंग जगह है। नहीं देखो आगे जाके हिट हो गया मेरा ट्रक दोनों साइड से। डैमेज ऑफ है ना, बस सही है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे इंजन तो 2000 ही रखूंगा मैं, 4000 नहीं कर रहा मैं, 4000 से ना बनती है हमारी। बट हम इसको क्या करूं, 24 स्पीड पर कर दूं? नहीं हाँ 24 पे कर देता हूँ, फिर 4000 भी कर दूँ या 2000, ठीक है 4000 कर दो। चलो सही है। हाँ बाकर भाई अब बोलो, क्या क्या बोल रहे थे, रेस लगानी? मान लो वहाँ पे क्या है देखो। अरे अरे ऐसे कहाँ रुका हूँ मैं, पीछे पीछे देख। हाँ मिस्टर मिस्टर बाकर पीछे ले। अरे रास्ते पे घास उगी हुई है। के आप लोग किधर चले गए? अच्छा आगे हो, बहुत सारे बंदे हैं। मैं निकला यार, वो आदित्य भाई गाना सुनाएगा वो मुझे। हाँ एक एक मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया। पूरा सुनाओ ने, क्या बीच में से एक लाइन सुनाई है आपने? मार्मिक भाई ये क्या था? क्या क्या इवेंट हो रहे हैं बाकर भाई? मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। नहीं आएगा ना, 200 पे चलाओगे तो कहां से आएगा? हम मार्मिक पूरे मतलब अब जा रहा है भाई 170। तो बस आपके स्क्रीनशॉट देखेंगे ना, अभी हम ड्राइव का मजा ले रहे हैं। बाकर भाई ये लोग किधर गए ले लू चोर? ये वो देखो वो इतना आगे जा रहा है बाकर। चलो आप जहां जहां मुझे बताओगे वहां वहां मैं रुक जाऊंगा, बट इन लोगों को भी बोलो ना फिर। ये देखो अब बादशाह लेलुच कितना आगे जा रहे हैं, ये तो चीटिंग है ना। तो वो मुझे दिखाओ ना, बट इनको भी बोलो ना कि रुके, ऐसे तो नहीं है ना खाली। रैक्स्टर भाई आ गया, रैक्स्टर भाई डिस्कॉर्ड पे आओ ना, वीसी पे, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। हाँ हाँ ओ ओ ओ ओ ओ ओ अभी पलटने वाला था। हाँ देखा था, बट इनको बोलो रुके तो फिर मैं भी आहिस्ता चलता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं आहिस्ता, मेरे पास खुला टाइम है भाई। मेरी तरफ से रात के लेलुच को जाने दो, लेलुच को जाने दो, बस हम लोग रुकते हैं क्योंकि मुझे मुझे फोन करना है, फोनी। चलो लेलुच उस टाइम तुम क्या जोक सुना रहे थे, जरा दोबारा सुनाना जोक मुझे। सिटी आया तो सिटी में 200 से निकल जाए के बंदे, फिर बोला कि मैं कुछ ना दिखा। लेलुच मैं बोल रहा हूँ बस बस इनके साथ पहुंच जाऊँ ना, फिर अभी ये सिटी से गुजर रहा हूँ
और ये मुझे जिगर का पेट्रोल पंप नजर आया, खाली पड़ा हुआ है, कोई भी पेट्रोल नहीं भरवा रहा इधर से। और वो करते रहते, वो अगर ध्यान से देखोगे तो सब नजर आएगा। स्पीड में जाओगे तो फोन भी रिंग होगा, उससे पहले तो आप निकल चुके होते हैं। रेक्स्टर भाई वीसी तो आ जाओ। मैं सुबह का वर्क कर रहा हूँ इसीलिए बाहर नहीं गया। लुच तू मुझे देख, दिख रहा हूँ क्या मैं? इस साइड में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। देखो अभी अभी रुकना, सब लोग रुक के एक साथ हो जाओ, फिर एक साथ चलते हैं। ये आपको आज पता चले? ये तो मैंने मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने उस दिन स्क्रीनशॉट में भी डाला था, इसका कैरेक्टर फीमेल है। चलो चलो, बाकर भाई सुना रहे थे, दोनों में से कोई भी सुना दे, या बादशाह भाई सुना दे या बाकर भाई सुना दे, वो गाना मुझे सुना दो। मेरा अवतार फीमेल है। हाँ फीमेल अवतार, मेल बंदा कैसे रखता है? ये अदर है, अदर, ये ना ना मेल है ना फीमेल है, ये अदर है, अदर। इसको बोलते हैं अनरेटेड। ये अब मैं, ये पेट्रोल पंप किसका है? ये भी किस जिगर का है? ये लेलुच का है, ये लेलुच का है। वो देखो अभी देखो ये कितने स्पीड से जा रहे हैं। तो हम तुम्हारे लोग तुम्हारे पास आने के लिए, आप ही बोले तो रुको। चलो अब चलो, देखो यार साइड में तीन बंदे बाहर आ रहे हैं। सुनो एक एक काम करते हैं, स्पीड वाली खारिश सिर्फ लेलुच को होती है, तो लेलुच को सजा देते हैं कि उसने सबसे लास्ट में रहना है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, महिलाएं खड़ी हैं। अंदर देखो पूरा क्या हो रहा है, पूरा मतलब देखो कैसा मस्त, मतलब रियल लाइफ जैसा बैठे हो। हां रेस्टोरेंट बना हुआ है, रेस्टोरेंट है। शॉपिंग देखो, साइड में शॉप मॉल देखो। अरे ऊपर से धुआं भी निकल रहा है। हां वो तो मैंने देखा। हां तो ये सब क्या बना रहे हैं वो लोग? हां यहां पे तो बस में पुलिस वाले ने बस बस वाले को पूरा रोका है। देखो रेक्स्टर भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे, ट्रक तो उनका आ गया। ये देखो रेक्स्टर भाई, इतनी खामोशी अच्छी नहीं होती। काम एक मिनट भाई, एक मिनट रेक्स्टर भाई की सुनने दो, क्या बोल रहे हैं यार? ये क्या बात हुई मोबाइल पे, इधर हम गपशप मार रहे हैं, अभी अभी हमारा मूड फुल फ्रेश हुआ है, आप मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं। अच्छा 10 दफा मैंने आपको कॉल की, उस वक्त आपका मोबाइल पे ध्यान ही नहीं, अभी जब गेम खेलने का टाइम है उस टाइम आप मोबाइल पे वीडियो, जब भी कॉल करो कभी भी कॉल नहीं उठाई, कभी भी कॉल नहीं उठाई। मुझे लगता है इन्होंने इन्होंने नंबर मुझे गलत दिया हुआ है, कोई फेक नंबर दिया हुआ है मुझे। नहीं मतलब मैं सोचता हूँ मोबाइल का फायदा क्या, अगर कॉल ही नहीं उठानी। मोबाइल आपको पता है मोबाइल का बेसिक पर्पज ही कॉलिंग था, ये बाकी 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 मजाक तो बाद में आए, कैमरा शैमरा वाले, यूट्यूब वगैरह वाले, पहला बेसिक पर्पस था सिर्फ कॉलिंग, और वही तो आपने खत्म कर दिया। चलो अब बताओ रशिया मैप कैसा लग रहा है आपको अभी तक? चलो बाकर भाई दिखाओ, ये लेलुच क्यों रुक गया? बादशाह भाई आप सिंगर हो, आप गाना नहीं सुनाते यार हमें, मुझे कोई भी गाना नहीं सुनाता, गाना तो सुना दो यार। कौन सा गाना सुना है?
वही वाला, एक मोड़ पे वो मुटियार मिली। शुरू से, शुरू से मैं निकला, वहीं से है ना, मैं निकला ओ गड्डी लेके, ओ रस्ते पे ओ सड़क पे, एक मोड़ आया मैं उत्ते दिल छोड़ आया। टर्निंग तो मस्त होता है। अरे पास आ जाए हो तो इतनी जल्दी। आया मैं उठे दिल छोड़ आया। वाह वाह भाई, बीच में इंटरप्ट मत करो, डोंट इंटरप्ट। खुद गा के नहीं सुनाते, कोई और गा रहा होता है उसको भी इंटरप्ट करते हो तुम। हाँ, मुझे मुझे भी नहीं पता, आप गाना चेंज कर लो। ये देखो भास्कर गेमिंग की हरकतें। हाँ ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है। हमें बोल रहा था 80 पे चलाओ, 80 पे, 80 पे चलाओ। गाना गाना चेंज कर लो आप। मैं तोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया मैं उठे दिल छोड़ आया। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। अबे तू चुप कर, पीछे हूं मत कर, बैकग्राउंड म्यूजिक मत दो, तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक गंदा है। नहीं, अभी गाना चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये हाँ, आप जो मर्जी सुनाओ, इनमें से जो बोला उसको मैं, चलो सुनाओ गाना। यार गाना, मुझे पता है मेरा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे सुने बहुत ज्यादा है बट मुझे याद नहीं रहता नाम। आप याद कर लो ना, कोई पुराना सुनाओ, पुराना बट सुरीला, सुरीला। हाँ एक मिनट, एक मिनट, मैं साइड में रुक रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी आपकी आवाज खोलनी है, मैंने आवाज कम की थी स्टार्ट में, रुको वो डिस्को उसमें। चलो भाई जान, आप लोग साथ नहीं चलते। बादशाह भाई आप बहुत तेज जा रहे हो। नहीं, धीरे धीरे है, मैं रुक गया। मैंने 140 पे क्रूज किया हुआ है। मेरे पास रुको, एक पुराने गानों की कलेक्शन है, उसमें से मैं कोई गाने बताता हूँ। ये देखो बाकर, बाकर को देखो, वाह सही है बाकर, सही ऐसे ही अटक करते हैं, है, वाह। बात भी शीशा देख लेना। क्या शीशे में अपने आप को देख लेना। नहीं, मुझे देख लेना, मेरी इज्जत है। शीशा देख लेना, सुबह उठ के शीशा नहीं देखा बाकर ने आज। सही है। अच्छा देखो, मैं लेलुस्ट लेलुस्ट पलट पलट के पीछे से आ रहा है। वो गाना गाना ढूंढने दो, गाना 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 वो अब वही भी लेलुस्ट आपको बोला था, सेंसिटिविटी बहुत तगड़ा है। गाना सुना आपने? गाना। कौन सा? वो अभी इतनी देर से सुना रहा था, तब आप किधर थे? वो नहीं, वो नहीं, दूसरा बता रहा हूँ मैं। अच्छा आप सुनाओगे? नहीं, वो बादशाह भाई सुनाएंगे ना। अच्छा
सुनने वाले ही हैं। सारे सुनने वाले, कोई सुनाने वाला तो नहीं है। भाकर हाँ सर, मेरा ये क्रूज क्यों नहीं लग रहा? जब भी मैं क्रूज दबा रहा हूँ वो बोल रहा है रिटार्डर एक्टिवेटेड। हाँ तो डोट दबाओ। हाँ दबाया। अच्छा अब करो। हाँ अभी दबाया फिर भी बोल रहा है। तो क्रूज कर को लो ना, सेटिंग में जाके। सेटिंग में जाके ऑटो बंद करना है, ऑटो रिचार्जर। हेलो मंसूर तो भाई, ऑटो पे कैसे जाना है। हो? आपका रैक्स्टर भाई, वो मंसूर नहीं है वही? हाँ, जिसने उसने पीसी ले लिया है, उसका व्हील भी है उसके पास। और पीसी मैं बोल रहा था कि मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है, बट वो केसिंग देख के मुझे लग रहा है कि वर्थ इट है, क्योंकि मैं आज खुद सदर गया हुआ था, तो वहां पे मैंने पता किया यार 21,000 रुपये का 660 है, 20,000, 21,000 रुपये का 750 Ti और 660 बीस इक्कीस बीस इक्कीस रैक्स्टर भाई, आपकी आवाज कम आ रही है वैसे। गेम प्ले के अंदर ड्रग होगा। अच्छा भाई उस दिन तो बड़ी क्लियर और ऊंची आ रही थी आपकी आवाज, बोलो। आपकी रैक्स्टर भाई, आपकी अब क्या करो। थोड़ी सी हाँ वो बेहतर भी है। एक अच्छा गाना है, आप सुना दो। आपको रिटर्न मिला आदित्य भाई? मंसूर भाई, मैंने बहुत गौर से तो नहीं देखा, बट मैंने गेम ऊपर प्ले ऊपर का से नया गेम देखा, आया बहुत है, अच्छा है, वो मैं आपको केसिंग बताता हूँ। अच्छी है। साइड पहले वाला मुझे गेम लग आया रहा है था थोड़ा महंगा है, बट मैंने केसिंग नहीं देखी थी ना, तो केसिंग अच्छी है वो, और बहुत अच्छी प्राइस में, और अच्छा मिल गया आजकल के हिसाब से, क्योंकि हाँ, मैंने आज आजकल के खुद हिसाब से बहुत सही लग रहा था। मैंने वो आज इसका खुद जो है प्लेयर और ट्रेल लिखा है ना वहाँ पे, जहाँ पे अच्छा 750 या 660 का चाहता है। आप 20-21 हज़ार प्ले रुपये के अंदर क्या बीस होता है हज़ार ना, इक्कीस हज़ार और वो ड्रग्स भी लिमिटेड है ना उसके सिक्सटीन अंदर। सिक्सटी का नहीं पता, 1050 Ti, वो पैंतीस तो चालीस लिमिटेड है। चालीस के आसपास, टेन नहीं फिफ्टी टी एक अपने उसने 660 मिला लिखवाया ना, उसका प्राइस क्या हो गया? ना। हाँ उसे वो वही है। बीस इक्कीस हज़ार रुपये है ना, और सिक्स कोई सा सिक्सटी मंसूर? अच्छा दोनों वो सेम है। सेम है ना, एक उन दोनों की मंसूर है। परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम हाँ है, एक मार्क बट का सिक्स है, सिक्सटी एक परफॉर्मेंस। हाँ नहीं था परफॉर्मेंस 660 की ज्यादा है। हाँ, और वो 3 GB भी है, 750 Ti 2 GB है, बट वो एक जनरेशन पुराना है ना, टेक्नोलॉजी थोड़ी सी पुरानी, बट अच्छा है। वो चेंज करवाइयो ना, मतलब वो चेंज कर लेता है ना, उसके रिटार्डर साथ नहीं हो रहा है, ऑफसाइड हो रहा है। अभी हाँ भी वो बोल रहा है रिटार्डर एक्टिवेटेड। उसके साथ हाँ मैं परफेक्ट क्लच चला कॉम्बिनेशन है ना, लीजिए और ये वापस क्लच डालो, मार के बंद कर दो। ये ये आई करता फाइव हूँ के साथ मंसूर। ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, आई फाइव 4th Gen के साथ। हाँ i5 4th के साथ 660 इसके का ऊपर बोल रहा जाए है। तो होगा। हाँ दोनों उसी उसी ईयर के हैं और कंपैटिबिलिटी हो इशू रहा है नहीं आगे भाई। हाँ, बस अच्छा मिल गया, मतलब आजकल के मेरे को हिसाब तो से अच्छा मिला बहुत, हाँ तो उसके पास वो, मैं आपको उसके सेटअप की भेजूंगा पिक्चर, उसने मुझे भी भेजी, तो वो बोल रहा है कि कल मैं वो इंटरनेट वगैरह का करके, गेम मैंने परचेज कर लिया तो इंटरनेट वगैरह का करके, तो परसों तक मे बी ये हो गया। आ जाएगा। यार बोल रुक रहा हूँ रुक क्यों गए आप लोग, रुक क्यों गए हो? कुछ नहीं, हम इवेंट देख रहे थे साइड में। इवेंट? वाह, कॉन्सर्ट में आए हुए, इधर इवेंट हो रहा है। अच्छा वो सुनाओ बादशाह भाई, वो आपको आता है गाना? अभी मैं कौन सी वो, आवाज कर रही? अबे यार आवाज, नहीं वो नहीं अभी ठीक है, बोलो। गाना अच्छी लगती हो मुझे, तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो, ना भाई नहीं सुना। नहीं सुना नहीं ना, ऐसा ये, गाना है क्या? वो यार वो है ना, मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो, इतना पॉपुलर गाना यार, आपने नहीं सुना ये? क्या बात है, बना कब वही नहीं पता हम लोगों को, पुराना पुराना है, पुराना है हो या नया, बट बना कब यही पता नहीं है। अभी, ये तो मुझे भी नहीं पता, बट मेरे वो ओल्ड कलेक्शन में पड़ा हुआ है वो वाला, वो तो आता होगा यार, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, हाँ वो आता है थोड़ा थोड़ा। हाँ तो वो सुनाओ।
शुरुआत वहीं से होता है ना। वहीं से होता है। इनमें से तो कोई, ये सब एम्प्टी माइंड, इनको तो कुछ भी नहीं आता। बाकर वैसे गाता रहता है, जब इसको नहीं बोलोगे ये गाता रहेगा बीच में डिफरेंट डिफरेंट गाने। जब इसको स्पेशल रिक्वेस्ट करो तो कहता है मुझे तो आता ही नहीं, गाना क्या होता है। कुछ कुछ लाइन ही याद होती है, पूरा गाना याद नहीं होता। नहीं, है मतलब बाकर अच्छा गा लेता है। गा तो मैं भी अच्छा लेता हूँ, और कुछ कुछ लाइन पूरा नहीं आता, उसका क्या होता? अरे यार कुछ गाने इतने सिंपल होते यार। ये सब लोग, आप लोग खड़े हुए क्यों हैं? थोड़ी देर बाद एक बंदा खड़ा हुआ होता है। मैं तो वेट कर रहा था सबको, लूट तो बहुत ज्यादा। ललुश तो लगता है अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़। ओके बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। लेलू शट अप। वो शीशा तोड़ देंगे हम, जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तेरे दिल में रहेंगे। फिर क्या होता है तुमको? ऐसा ही कुछ होता है। हाँ लेलूच शट अप, लेलूच शट अप। जब जब नहीं, जो लाइन, जो लाइन, जो जो लाइन, अब ऐसे जो लाइन नहीं आता ना बीच में, फिर बंदा ऐसे करने शुरू होता है। सात समुंदर पार। रेक्स्टर भाई मुझे आगे ना जाने दिया करो प्लीज। मैंने बोला था 150 पे। मैं 120 पे हूँ। जाओ बाकर भाई, आप भी आगे जाओ। बाकर भाई 150। ये क्या है यहाँ पे? ये भाई एक एक सात समुंदर पार। सुना दो सुना दो सुना दो। चलो ठीक है, वो शुरुआत कैसे होता है? ऐसे ही होता है सात समुंदर। यहाँ पे है ना, यहाँ पे 18 प्लस है। नहीं नहीं मैंने नहीं दिखाना भाई, मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो मेरा लाइव स्ट्रीम बच। उसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट बैनर है। बाकर भाई लॉन्ग लेन घुस गया। वाह लेलूच शट अप, इसको लेलूच को म्यूट मारो कोई। बाकर भाई मैं बोल रहा हूँ लेलूच को म्यूट मारो भाई। मार में किसको म्यूट मारो? ये पता नहीं क्या करने आता है, कॉन्वॉय में क्या खेलने आता है।
जब कॉन्वॉय में आता है सबसे आगे जा रहा होता है, सबसे अलग, और जब कोई कोई बात कर रहे होते हैं बीच में डिस्टर्ब भी करता है ये। स्लो स्लो ओवर स्लो। मैं मॉस प्रैक्टिस कर रहा हूँ फास्ट जाके। मुझे लगता है इसकी रीसेंट ब्रेकअप हुई है, ये लोगों से हाँ दूर भाग रहा है। हाँ इसके साथ कोई मसला तो है। रैक्स्टर भाई लेन लेन, रैक्स्टर भाई ये क्या है लेन, ये क्या अपने आगे टर्न पे आने लगा है। नहीं जा रहा मैं, बट लेन में एक दबा क्यों रहे हो मुझे। आपको जाने से आपको जी ऐसा नहीं लग रहा कि क्या आपके साथ मसला भी कुछ हुआ है और उसका असला भी खराब हो गया है। नहीं, ऐसे नहीं हुआ। इसीलिए वो लोगों से दूर भाग रहा है, उसने अपना फीमेल अवतार लिया हुआ है। बादशाह भाई ऐसे ना बोलो, बिल्ली थी। हाँ ही एज अ कैट। बिल फोकस कर रहा है, फोकस कर रहा हूँ मैं, अकेले खाली रोड पे ड्राइव करने पे फोकस कर रहा हूँ मैं। वाह ये सही है, ना कॉन्वॉय के साथ है ना ट्रैफिक है और फिर भी फोकस कर रहा हूँ। हम लोग तो इधर बातें भी कर रहे हैं, स्ट्रीम भी कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं, फिर भी फोकस हो रहा है हमारा। इसका अकेले खाली रोड पे ही फोकस हो रहा। वाह तुम लोग हेवी ड्राइवर, तुम क्या हो नूबड़े। वैसे फ्यूल भरने वाला। इसको जिगर भाई, आप जिगर भाई आपका कभी भी फ्यूल वाला फिलर बैग जाए ना तो ये लेलूच को बुला लेना, ये बहुत अच्छे करेगा फ्यूल फिलिंग। ए उसको क्या क्या मुझे आज समझ में नहीं आया। जो ललित भाई ने अभी बोला बीच में डिस्टर्ब किया सभी लोगों को, तो मैं ऐसा सोच रहा था कि ललित भाई अभी लकी है, वो 1 मंथ तो मैं कम टाइम बोल रहा हूँ, लेकिन 15 दिन के अंदर आप सबको दिखाएंगे कि मैंने पेट्रोल पंप किया। नहीं मुझे बात नहीं समझ आई, क्या कहना चाह रहा है जिगर भाई। नहीं मुझे नहीं आई। 90% आई है बट एंड वाली नहीं आई। माथा टाइप बहुत मारते हुए हाँ। अच्छा, ये बोलना चाह रहा है। नहीं ये नहीं ले सकता फ्यूल पंप, इसका लाइफ में कोई गोल्स ही नहीं है लाइफ में इसका, इसका बस यही काम है सारा दिन ETS 2 खेलना। तुम पकड़े क्यों नहीं जा रहे हो ना, 150 झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। 150 पे जा रहा हूँ मैं सीरियसली, 140 पे हूँ अभी। कि आपका कितना स्पीड कितना जा रहा है, पास आप हमारे पास ही हो। बाकर भाई आगे हेलीकॉप्टर है रॉन्ग लेन में, एक्सीडेंट हुआ हुआ है तो, और फिर राइट हो जाना बाक्सर भाई, राइट हो जाना एक्सीडेंट के आगे, राइट लेन में आ जाना वरना दरमियान में वो ग्रिल आ जाता है। मैसेज आया, चलो भाई मैं चलता हूँ, सोना भी है। हाँ सोने का टाइम तो हो गया। ये वैसे वही मंसूर भाई, सैटरडे ये वाली स्ट्रीम सैटरडे नाइट को बनती है कि संडे अगले दिन छुट्टी होती है ना, मंडे को तो लोग सुबह जाते हैं। बट अब मेरी टेंशन खत्म होगी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, पूछो मत कितना खुश हूँ। मुझे पता है बस मत पूछो अब तो मुझे यार। देखो मुझे साफ कैसे किया, वो सेफ्टी पिन नहीं होती। हाँ उसके अंदर से। अच्छा वैसे मैंने उसमें लाइट मारी थी तो ऐसे लग रहा था थोड़ी डस्ट है, बट मैंने बोला मैंने पहले ऐसे ही थोड़ा सा टिश्यू वगैरह मारा तो उससे तो नहीं हुआ, बट वो डस्ट ना ऐसे जमी हुई होती है, ऐसे हार्ड होती है, तो जब मैंने उसमें से निकाली तो इतनी ज़्यादा निकली और ऐसे लग रहा था कि इसके अंदर ये बहुत जगह खा रही थी।
तो उसके बाद तो ऐसी ग्रिप हो गई कि मैंने कहा भाई अभी भी चार्ज पे लगा हुआ है। अभी ये फायदा है कि मेरे को दोबारा से आने नहीं देना। उसने फंसा लिया फिर भी इधर इतना बनी जीनो ओके किया भाई 250 में इतना बनी जीनो है। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मैं लेलू जब ये हुआ कि मैं और एक्स्ट्रा जा रहे थे साथ साथ और पीछे से बादशाह आ रहा था फुल भगाता हुआ, वाकर एक्शन ने बोले इसको आगे नहीं निकलने देना। हमने उसको दरमियान में दबाने की कोशिश की बट उसने ब्रेक नहीं मारी और हमें उड़ा के चला गया। फिर ब्रैक्स्टर भाई रोड में खड़े हुए थे, मैं साइड पे पीछे भागकर आया, रैक्टर भाई को फिर से उड़ा के चला गया, दो दफा रैक्टर भाई के साथ हुआ। फुल फनी सीन था। फुल क्यों, अब क्या है, वैसे 150 से ऊपर नहीं जाने, क्या मजाक है। हमें कंट्रोल नहीं होता, फिर फायदा उसको चलाने का जब जिसके फिर खाली रोड है, नो ट्रैफिक, 200 तक कंट्रोल हो जाता है। हमारा तो कंट्रोल हो रहा है 250 पे भी, तो सीधा रोड है वहां। वो माउस स्टीयरिंग पे है ना, माउस स्टीयरिंग का और सीन है थोड़ा सा। जो सिंगल लाइन होता है ना यूटर्न वाला, उसमें हार्ड है माउस का। ये तो भाई देखो 220 तक जा रहा है मेरा अभी, 225 230। बादशाह भाई मैं लेना चाहूँ तो आपसे बदला ले सकता हूँ, अभी मैं 240 पे हूँ। मैं जो लेना है ले दो, 240 245 पे हूँ मैं, ये देखो। क्या हुआ, ये क्या हुआ, आप क्यों नहीं लगे? मैं तो जा रहा हूँ सीधा सीधा। और ये मेरा ट्रेलर की मुंडी को क्या हो गया? मेरे ट्रेलर की मुंडी टेढ़ी हो गई और ये सही नहीं हो रही, मुझे रिस्पॉन करना पड़ेगा। इसीलिए बुरा ना देखो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो। नहीं कुछ तो आपने मुंडी टेढ़ी हो जाती है। बाकर भाई खामोश क्यों है? चलो बादशाह भाई, आप कोई कल हम लोग ये गेम खेल रहे थे कि अपनी अपनी लाइफ की कोई स्टोरी सुनाओ ना, ऐसे कोई इंटरेस्टिंग या कोई फनी या कुछ भी ना, स्कूल टाइम की किसी टाइम की। तो मैंने तो बहुत सुनाई, ठीक है। उसके बाद फैज भाई थे, फैजुर रहमान, उन्होंने सुनाई। ये लेलूच बोलता है मेरी ऐसे 30 साल की लाइफ में ऐसा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, मतलब 30 साल का है ना लेलूच? हाँ ये देखो गंदी गंदी बातें करते है, बोलता है 69 का हूँ मैं। 69 इज अ डर्टी फिगर। 69 के उम्र के हिसाब से तुम जैसे ट्रक चला रहे हो ना ऊपर से 16 तुम्हें जला डालना चाहिए ऊपर से 69 की, ये कह रहा है। ओ शिट, मैं रॉन्ग लेन घुस के पोजीशन है उसका वो। हाँ वही तो बोल रहा, गंदी बातें कर रहा है ये। हाँ मैंने इससे पूछा जेंडर कल, लिटरली मैं इससे पूछ रहा था, मैंने बोला मैं तुम्हारी स्केच बना रहा हूँ तो मुझे अपनी डिटेल्स बताओ, तो हाँ जेंडर पूछा तो कहता है मेरा अदर है और वो लाइव लाइव स्ट्रीम पे रिकॉर्डेड है बाकर भाई की, कंफर्म किया जा सकता है। रैक्स्टर भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? मुझे लग रहा है भाकर पलट चुका है उसमें, नई नई मतलब पलटा होगा इसमें, नई बात क्या है?
इसमें नई बात क्या है? कोई नई बात बताओ यार, छोड़ो इनको। या तो अच्छा, तो फिर बाकर भी बोलता है कि मेरी भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं हुई। बाकर ने भी कुछ स्टोरी नहीं सुनाई, मार्मिक ने भी कुछ नहीं सुनाई। रैक्स्टर भाई का एक्सक्यूज सुनो, मैं तो पूरा दिन घर में रहता हूँ, मेरे साथ भी कुछ नहीं होता। मतलब इन लोगों ने सारी जिंदगी कुछ किया ही नहीं। मैंने आपको बोला बातों में मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो मैं मैप को देखा ही नहीं, अभी मोड़ के आ रहा हूँ। इतने बंदे रुके हैं, उतना तो देख सकते हो। मैंने अकेले होते तो भी समझते। ओह शिट, आगे तीन तीन बंदे ब्रेक मार के खड़े हैं। ओह शिट, ओह शिट, ओह शिट। भाइयों एक मिनट के लिए रुक सकते हो प्लीज, मुझे अकेला आना अच्छा नहीं लगता। एक मिनट के लिए रुको, मैंने ये जिस फोन पे ट्रैक्टर देखा था आपने, ओरिजिनल जिस फोन पे वीडियो स्ट्रीम देख रहा हूँ उसका बैटरी गया। क्या रिकॉर्डिंग तो उसको बस चार्ज पे लगा रहा हूँ, क्योंकि दूसरे का तो फुल है। आगे मत जाना, मेरे पीछे पीछे रोक दो गाड़ी। बादशाह भाई कितने अच्छे हैं, देखो मेरे मेरे लिए आगे फेंका, एक को नहीं दोनों को फेंक दिया। हाँ इसे बोल दे पावर। हाँ बाकर भाई, मैं बोल रहा हूँ बादशाह भाई कितने अच्छे हैं, देखो हर दफा मेरे लिए रुक जाते हैं। नहीं हम ये जुलम करते हैं आपके। या ऑफ कोर्स या। ये कौन बोल रहा है या? हु इज बोलिंग हियर? खुद का कान हो गया। ये कौन बोल रहा है या? मैं जा रहा हूँ, ठीक है? पक्का भाई लो। क्या मैं पुल से नीचे जा सकता हूँ? हाँ हाँ, पानी में भी जा सकता, पानी में जा, मस्त आएगा। आदित्य भाई पानी में जाओ। अच्छा आदित्य भाई, मैं आपको चला सकते हो आदित्य भाई। आदित्य भाई मैं अगर आपको नेक्स्ट गाना भी बता दूं, गाने को, और फिर उसके बाद आपकी एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनेंगे हम। देखो मैं पानी से जा रहा हूँ। चलो गुड नाइट, ये रेक्स्टर भी जा रहा है। हाँ तुम रास्ते पे गाड़ी क्यों ही चला रहे हैं? रेक्स्टर में मजा आया ना? बहुत भाई। पानी हो गया सब जगह। ये तो अभी अंधेरा होना, दिन होता तो बहुत मजा आता है वहाँ पे आपको। क्या नहाते क्या? थोड़ा ग्राफिक मस्त आ रहा है इस पानी में। ये उमर भाई कहाँ रह गए? मैं इधर ही आ गया हूँ, बस अभी चलाना शुरू किया। पहले बात सुनो, मैंने क्या कांड किया वो बताता हूँ मैं आपको। बताओ बताओ, पेट्रोल पंप के रिलेटेड नहीं होना चाहिए बस, बाकी खैर है। रैक्स्टर भाई आपके आने से पहले पता क्या सीन हो रहा था इधर? कहाँ पे, पेट्रोल पंप पे या कहीं और? आपके आने से पहले ये सीन हो रहा था कि जिगर भाई हमें पूरा पेट्रोल पंप का डिटेल्स बता रहे थे कि मैं ऐसे पेट्रोल पंप में काम करता हूँ और ये होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो लेलुच भाई हमारे इतना इंटरेस्ट लेके उससे सवाल पे सवाल पूछ रहे थे और हम लोग खामोशी से सुन रहे थे और हम लोग फुल ऐसे पक रहे थे कि ये इतना इंटरेस्ट क्यों लो रहा है। हाँ ये बोलने भी ना दे रहे थे। हाँ ये ऐसे फुल स्पीड में आपस में लगे हुए थे। तो अभी जिगर भाई फिर से कोई सीन बताने लगे हैं, तो हमने उनको बोला है कि पेट्रोल पंप के रिलेटेड नहीं होना चाहिए वो, रास्ता ब्लॉक कर दे, रास्ता ब्लॉक कर दे। क्योंकि लेलुच ऐसे इंटरेस्ट ले रहा है जैसे इसने कल जाके पेट्रोल पंप पे जॉब अप्लाई करना है, डिटेल्स पूछ रहा होता है। अभी कौन आया? अबे म्यूजिक वाला तो नहीं है बॉट? म्यूजिक है बट आप तो 24/7 को म्यूट कर सकते हो ना। मैंने किया हुआ तो है बट कोई पता नहीं चलता। नहीं नहीं वापस नहीं जाओ इसको। हाँ जिगर भाई सुनाओ सुनाओ, हमें इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ,
इंटरेस्टिंग होनी चाहिए बट। लगे क्या किधर चला गया जिगर भाई? अच्छा बादशाह भाई, नेक्स्ट सॉन्ग है, आपने ये सुना है वो मैं अगर सामने आ भी जाया करूं, सुना वे? तो वो सुनाओ, गेम क्रैश। ले लूच क्या? आपका गेम क्रैश है तो हम लोग कैसे खेल रहे हैं अभी तक? ब्लैक स्क्रीन आ गई, पता नहीं अब कब व्हाइट स्क्रीन होगी वापस। बंदा करना आप देखते। मुझे तो अच्छा ज्यादा नहीं आता ये गाना, मुझे बस 2 लाइन ही आते हैं। ठीक है, नहीं नहीं बस छोड़ो फिर छोड़ो, ऐसे नहीं। पूरा गाना कौन याद रखी है यार, नहीं नहीं रुको, पूरा याद है। मैं गाना और कोई बताता हूँ, रुको। मैं चला सुन नहीं तो पड़े, तुम मैं जहां पे भूल जाऊंगा याद दिला देना। मुझे खुद नहीं इतना मैं तो बस लिस्ट में देख रहा हूँ नाम थे ना, वो आता है मेरी जिंदगी के मालिक, मेरे दिल पे हाथ रखते तेरे आने की खुशी में। नहीं इतने भी नहीं याद है। भाई ये पुराना गाना है ना, 1999 का है। चलो 1999 में हम पढ़ाई कर रहे थे, इतने गाने नहीं सुन रहे भाई। तो बकार हाँ चलो भाई, जिगर भाई मैं सुनाओ बोर यार, हो गया है। स्टोरी तो सुना दो। हाँ स्टोरी है हाँ, आप सुना दो, तो आपके पास कोई है इंटरेस्टिंग स्टोरी? मेरे पास हाँ स्टोरी वैसे ये बहुत आया देखो, एक बार इतना आवाज भूतिया पूरा स्टोरी है करके। थोड़ी। हाँ बुतिया सुनाओ, चलो बुतिया सुनाओ। ओके तो वैसे भी मेरे मेरा पास मेरे मामा जी जो है वो, लाइट्स ऑन है, मुझे डर नहीं लगेगा। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे मामा जी जो है वो एक वेटनरी डॉक्टर है, अच्छा मतलब वो एनिमल्स के डॉक्टर है। ओके तो ओके ओके हाँ वो गवर्नमेंट में एक जगह पोस्टेड थे, तो वहाँ पे उनका डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, जहाँ पे लोग आते हैं अपने एनिमल्स को लेके, मतलब गाय भैंस बकरे एक सेकेंड, डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया सर्वर। मैं बनाओ, आगे। हाँ मेरा कपड़ो वो क्रेश हो गया आगे। मैं बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ। ट्रैफिक नहीं इनेबल करनी, एक सेकेंड, सब दोबारा से ज्वाइन कर लो, मैंने बना लिया सर्वर। और फिर आईपीवीटीसी ओमार करके ना, चलो सुनाओ फिर। तो वहां पे वो पोस्टेड थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो अपना अपना सब काम खत्म करके इवनिंग को 7:30-8 बजे आराम से अपने खाना वगैरह पका रहे थे। सही अकेले रहते थे तो खाना वगैरह खुद ही पकाते थे, ओके अकेले वगैरह रहते थे तो खाना वगैरह खुद पका के कर रहे थे। तो उनके साथ एक कंपाउंडर काइंड ऑफ बंदा रहता था, तो अच्छा वो हेल्प वगैरह कर देता था कुछ सामान वगैरह लाने में। तो ओके उनको एक कॉल आया, और कॉल पे ऐसा उन्होंने बोला कि गांव से, मतलब जहाँ पे उनका हॉस्पिटल है वहां से एक 15-20 किलोमीटर दूर एक और एक जगह पड़ती है, वो एक छोटा सा गांव है, अच्छा वहां पे किसी के घर में एक गाय है जिसका बेबी पैदा होने वाला है, अच्छा बट वो नहीं रहा है, मतलब वो अच्छा नेचुरल की जैसे घुस आता है वैसे हाँ नहीं रहा है। हाँ ओके तो उन्होंने बोला कि आप आइए, वो पैदा नहीं कर पा रही है गाय, तो आपको आना पड़ेगा। तो मेरे मामा ने बोला कि अभी कंडीशन क्या है वो बताओ। तो उन्होंने बोला अच्छा उनको जो भी, तो उन्होंने बताया कि ठीक है मैं 1-1.5 घंटे में अपना यहाँ का सारा काम निपटा के आपके यहाँ जाता हूँ। ओके तो तब मामा जी ने सब कुछ काम अपना निपटा के रात को 1:30-1 बजे उनके पास एक छोटी सी स्कूटी थी मोपेड, वो अकेले जा लेके रहे थे निकल वो, पड़े, वो लेके निकल पड़े अकेले। अकेले? हाँ कितने बजे? रात के 12:30। 12:30 12:30 के टाइम, मतलब वो तो और ऑफ जो ड्यूटी उनका टाइम वाला नहीं बॉस है होता?
हाँ बताओ। मैंने कहा वो ऑफ ड्यूटी टाइम नहीं होता। नहीं वो हॉस्पिटल में होना, आप डॉक्टर हो ना, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको जाना पड़ेगा, ओके तो फिर। गाय मर जाएगी क्योंकि वो लेके नहीं आ पाएंगे, तो हाँ उनके लिए हाँ सुविधा नहीं है। सेम इंसानों वाला सीन। तो ठीक है वो आगे। तैयार होके निकल पड़े, तो वहां से उनका वो गांव 15-20 किलोमीटर था, तो पंद्रह ओके बीस किलोमीटर के लिए रात के अंधेरे में फिर बाइक स्कूटी चला पे। के जाना है, हाँ वो भी स्कूटी पे, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो बाकर भाई एक किधर रह दिन गए? आप भी आ रहे हो? हाँ बोलिए। नहीं मैं बाकर का पूछ रहा हूँ, किधर गया? अरे वो ऑपरेटिंग नेविगेशन हो रहा है। ओके ओके अच्छा बताओ बताओ बाकर बादशाह भाई। तो वो आगे निकलने लगे, वो गांव की तरफ जाने लगे, तो वो गांव को लगने से पहले एक बहुत बड़ा ऐसे खेतों वाला एरिया आता है, और उसके बाद एक छोटा सा ऐसे जंगल वाला पैच आता है। अच्छा ठीक है, तो जंगल के पैच के बाद फिर वो गांव लगता है। ओके तो मामा जी गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे, उनको ऑलमोस्ट एक एक 1.5 घंटा लग जाना था, 15-20 किलोमीटर है, धीरे धीरे करके जा रहे थे 30-35 के स्पीड पे। तो मुझे आपकी इस स्टोरी से अपनी भी एक स्टोरी याद आएगी, वो मैं इसके बाद सुनाता हूँ मैं भी। आप हाँ बताओ। पक्का। तो वो जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो अचानक से उनको ना, वो सर्दियों वाला दिन था नहीं, सर्दियां आई नहीं थी, बट अचानक से उनको बहुत ठंडी लगने लगी। ओके उन्होंने एक शर्ट वगैरह पहना हुआ था हाफ शर्ट, बट उनको बहुत ठंडी लगने लगी। तो उन्होंने क्या किया ना, उनके साथ एक शॉल वगैरह रहता है हमेशा बैग में, वो ओके निकाल के उन्होंने ओढ़ लिया, ओके और ओढ़ के जब उन्होंने गाड़ी पे फिर बैठे और गाड़ी स्टार्ट की, तो उनको ऐसे फील हुआ कि गाड़ी के पीछे के सीट पे कोई बैठा हुआ है। अच्छा तो उनको ऐसे फील हुआ, मतलब ऐसे लगा वजन है गाड़ी के पीछे के सीट के ऊपर। ठीक है, तो वो तो डर गए, इतना डर गए कि वो पीछे मुड़ के देख भी नहीं पा रहे, उनको इतना डर लग रहा है। बट ऐसा नहीं उन्हें तो फील हुआ कि टायर पंक्चर हो गया है कुछ इस तरह? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो गाड़ी मेन स्टैंड पे लगाए हुए थे, और जब फिर से गाड़ी उतार के बैठे तो उनको ऐसे फील हुआ कि गाड़ी यार पीछे से बहुत भारी हो गई है। ठीक है, तो बहुत डर गए अचानक से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है क्या पता शायद मुझे ही कुछ गलत एहसास हो रहा हो, तो वो फिर से आगे धीरे धीरे करके चलने लगा। थोड़ी दूर बाद वो जंगल वाला पैच आता है, तो थोड़ी दूर आगे जाने के बाद थोड़े टाइम के बाद एक कोई तो भी पीछे बैठा है, और आपके कंधे पे अगर वो हाथ रख दे तो आपको कैसा महसूस होगा, कि जैसे पीछे कोई बैठा है और आपके कंधे पे एक हाथ रखेगा, वो हाँ वो तो लेकिन भाई, उनके कंधे पे किसी ने एक हाथ अगर रख दिया। अगर आपका हार्ट वीक हो तो आपको वहां पे लिटरली हार्ट अटैक आ जाएगा। तो मेरे मामा जी को पहले से ही ऑलरेडी वो एहसास हो गया था, और वो जो थे वो थोड़े ऐसे सख्त किस्म के इंसान है, इतना जल्दी डर नहीं जाते हैं, हाँ वरना अगर कोई डरने वाला बंदा हो तो हार्ट अटैक सीधा। तो वो डरे नहीं, और ये भी है कि वो डरे नहीं, या उन्होंने मिरर में भी देखा नहीं कि पीछे कौन है, बट एक बात बताऊं, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन होती है तो अच्छे से अच्छा स्ट्रांग बंदा भी ना थोड़ा बहुत क्या काफी शॉक हो जाता है। तो मामा जी बहुत मतलब ऐसे उनको लगा यार मैं शायद खत्म होने वाला हूँ, द टाइम इज नियर। ओके तो रैक्षर भाई कुछ हुआ है? एक सेकंड बादशाह भाई, रैक्षर भाई हाँ वो जालिम बादशाह मुझे कॉल कर रहा है, उसको उसको इधर डिस्कॉर्ड में बुला लो, मैं वो स्ट्रीम कर रहा हूँ अभी, मैं वो रुकना पड़ जाएगा, दो हाँ तीन हाँ दफा रुक जाए, उसको कॉल कर दो या मैसेज कर दो कि बाकर के वीसी में आ जाए।
बाकर भाई आपके उसमें है ना वो जालिम बादशाह या नहीं? अच्छा तो बताओ भाई, बादशाह भाई। अरे आपकी स्टोरी में तो जॉब भी कंप्लीट हो गई, वाह। कि यार मैं तो मरने वाला हूँ, ये मेरी आखिरी ट्रिप ही है। और इतना डर गए वो कि लिटरली उनको मतलब गाड़ी में बैठे बैठे टॉयलेट भी हो गया, ठीक वाह, हाँ हो जाता है वो, मैं यही बोल रहा हूँ, अच्छे से है। अच्छा स्ट्रांग बंदा भी हो जाता है पैनिक। और ठीक वो जंगल वाला पैच जब तक चल रहा था तब तक वो हाथ उनके कंधे पे था। जब वो जंगल वाला पैच खत्म होने से बस 100 मीटर पहले वो जो भारीपन था गाड़ी से वो खुद में खुद गायब हो गया और वो हाथ भी हट गया। वाह, और मेरे मामा जी वहां पहुंचे, उन्होंने पूरा वो गाय का जो ऑपरेशन था वो पूरा किया, उन्होंने सब कुछ कंप्लीट किया और सुबह हॉस्पिटल आए। और सही। हॉस्पिटल आके उन्होंने वो कंपाउंडर को ये सब चीजें बताई कि मेरे साथ ये कल रात हुआ। तो वो कंपाउंडर बोलने लगा, नहीं, आपको वहम हुआ होगा, पीछे मंकी बैठा होगा। हाँ तो सबने यही बताया कि आप यही मान लो कि पीछे कोई मंकी वगैरह बैठा था जो कि ऐसा कांड करके गया। बट मेरे मामा जी बोलते हैं कि एक मंकी अगर होता तो वो इतने शांत से इतनी देर आखिरी तक, उनकी गाड़ी हाँ में नहीं बैठा। हाँ वो बात सही है। मंकी तो ऐसे, और मंकी कैसे अब बैठ सकता है, मतलब सेंस नहीं बनती। तो तो ठीक उनकी है। मामा जी को महसूस कब हुआ कि जब वो गाड़ी से उतर के फिर से गाड़ी पे बैठे। हाँ, और देखो ऐसे रियल लाइफ इवेंट्स होते हैं, ऐसे गोस ये डेफिनेटली होते हैं, बैठे क्योंकि बैठे। हाँ, मैं आ गया। हाँ, मेरे जालिम बादशाह है ना, उसे डिजर्व कर लियो। अच्छा तो सुनो, एक मतलब स्केरी सीन है, इतना स्केरी नहीं है बट स्केरी है, इसी तरह हुआ। मतलब बचपन में मूवीज वगैरह तो हम देखते ही हैं, बट ये रियलिटी है कि मैं था कोई 10-12 साल का। डॉक्टर भाई अंदर ही जॉब उठा हो, रशिया के अंदर ही कुछ बाकर भाई आपको डर मुझे तो नहीं बताया ना। लग वापस बोलो। रहा? हाँ बाकर भाई को डर तो नहीं लग रहा? डेक्स्टर भाई आपको तो नहीं डर लग किसको क्या डर है, बेटा बोलो। रहा? हाँ क्योंकि और क्योंकि मैं क्योंकि एक सेकंड हो पा, रुक जाओ, मैं एक ओके सेकंड ये लैपटॉप बंद करके मोबाइल पे आता। ओके ओके। पार्किंग कंप्लीट हो जाए तो बता देना मुझे। भाई यस ब्रो, अभी मैंने 3,000 रुपये गवा दिए आज का दिन, यार दोपहर एक में। तो इतना नुकसान क्यों करते हो पहले? इतना नुकसान, पहले 22 लाख फिर 3,000, क्यों बाकर भाई? ये इसको पूछो इतना नुकसान कैसे कर लेता है, कैसे? अब ये भी बता दो कैसे हुआ। मैं इधर एसके फैशन नाम की एक शॉप है, उसपे 5 पेंट बढ़िया बढ़िया निकल के ले आया, ठीक अच्छा है। फिर पंप से फोन आया तो मैं पंप के काम पे चलाया, फिर पंप से घर पे जा रहा था कि मैंने बैग साइड में कैरियर में लटकाई। तो गिर गई। मिनट गाड़ी चली, 15 मिनट में एक जगह में भाव खावा रुका, फाकी वगैरह खाता हूँ ना मैं वहाँ, तो फिर से मैंने ठेली टांग दी, फिर से लटका दी और आगे चला गया, पता चला वो ठेली ही नहीं है। हाँ ऐसा हो जाता है कभी, बट इट्स ओके, चलता है कभी कभी। वो कुछ नहीं, अभी सिर्फ आधे घंटे पहले ले आया था, आधे घंटे में चले भी, और दुकान हाँ वाले ने भी नहीं बनाया था। हो जाता है, देखो केयरलेस
इस तरह के इवेंट से ही बंदा सीखता है। क्यों पता है कि ऐसा इवेंट होगा ना, फिर आप नेक्स्ट टाइम केयरफुल हो जाओगे उस चीज के लिए। अभी मेरा एक दफा आईडी कार्ड जो है गुम हो गया था। मैं उससे पहले आईडी कार्ड के मामले में बहुत केयरलेस था। एक बार आईडी कार्ड, एक बार वॉलेट गुमा, उसके बाद आज तक मेरा आईडी कार्ड और वॉलेट नहीं गुमा। और चीजें गुम जाती हैं, बट कीज भी गुमी मेरी, बहुत चीजें गुमी, बट एक एक बार गुमी। उसके बाद से मुझे ऐसे आदत पड़ गई कि निकलने से पहले सब कुछ चेक करो, और ये चेक करो कि वो आपकी, जैसे आपने कोई चीज लटकाई है तो वो अच्छी तरह से लटक गई है, उड़ तो नहीं रही। बाकर भाई आपकी गेम नहीं लोड हुई अभी तक? नहीं, मैंने हाँ वापस क्लोज कर दी। अब सही मैं है, कुछ नहीं, अब थक गया हूँ यार। बहुत थक गया है। दोपहर से 12 बजे तक तो रशिया पूरा खत्म कर लिया। एफ फ्लोर एक भी जगह नहीं होगी जहाँ पे बाकर भाई मैं मुझे बता तो दो कोई अच्छी सी जगह, वो जहां पे पहले गए थे, मुझे जगह तो बता दो, मेरा एक्स्ट्रा भाई को भी दिखा दो। वो जगह आपको हर एक रोड पे मिलेगी, बट आपको ना हंसी पे चलानी पड़ेगी, हंसी से नब्बे मुझे पे तब मुझे जाके मिल गई लोड होगी। मुझे मिल गई मुझे मिल गई वो एक्सप्लोर नजर आ गया मुझे। हाँ हाँ, एक्सप्लोर है और स्पॉन तभी होगा जब हंसी 90 पे चलाओगे। मैं समझ गया। एक्स्ट्रा भाई हाँ देखोगे जगह थोड़ी सी, हाँ हाँ इतनी चलो, नहीं है। मैं जब टाइम से चलता हूँ आप ले लीजिए अपने। आने ले लिए, हाँ ली है, लेकिन मुझे पता नहीं है ना कहाँ से क्या कर, तो वैसे ले ली मैंने। ओके ओके। तो जालिम भाई क्यों नहीं बोल रहे? अरे आप लोग जो बोल रहे थे यार, हाँ हाँ तो हम बोल रहे हैं तो तुम भी बोलो ना मेरी जान, बोलते क्यों नहीं? गेमिंग कर रहे हो ना अभी? नहीं हम तो डांसिंग कर रहे हैं। अच्छा, वीडियो तो भेजो। अभी इसका जवाब नहीं दे सकता क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा ओह अच्छा, हूं। वो 18 माइनस हो जाएगा फिर। सही। कौन वाला ज्वाइन करूँ ना? कर नहीं सकते क्यों? क्योंकि हमने बहुत इसमें मोड लगाए, सब कुछ लगाया है। फिर कैसे करूँ ज्वाइन? फिर वो चीजें डाउनलोड होने में तुम्हारी सुबह हो जाएगी। अच्छा वाकई में? हाँ उसमें प्रो मॉड लगाया हुआ है, फिर प्रो मॉड रशिया लगाया हुआ है। मैं तो आप लोगों की वजह से आया बस, फिर वरना चला जाता हूँ मैं। अभी क्या करें, रशिया एक्सप्लोर कर रहे हैं। कर लो डाउनलोड कर सकते, तुम्हारा तो इंटरनेट फास्ट है, मे बी हो जाए। से करूं वो तो सारी चीजें बताओ ना। रेक्स्टर भाई भी अगर हैं तो बस फिर आता हूं मैं, वरना बस फिर बैठा हूं। एक्स्ट्रा भाई ये साथ ही बैठे हैं, बस मैं और एक्स्ट्रा भाई हैं और तो कोई भी नहीं है, बाकी तो वैसे ही गपशप तो मार फिर आ जाओ, ये बंद कर दो ना मोड वोड, ये बंद कर दो, सिंपल वाला चलाओ यार। रहे हैं। ये इस बात का फैसला एक्स्ट्रा भाई करेंगे। हाँ देख लो, अगर बंद है तो सही है, वरना फिर बस मैं सोलो खेल रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप स्ट्रीम कर रहे होंगे जैसे आप। तो यार मैंने तो वो जगह देखी भी है, स्ट्रीम नहीं की, देखी भी तो है बट आपको दिखानी थी। ये कल सुबह देख लेंगे फिर वो हाँ बाद में देख लेंगे, ये आया बैठा। बादशाह भाई नहीं आया वापस, तो मेरी स्टोरी सुनानी थी मैंने नहीं अब वो सो गए। वो गोली करवा के सो गया, अपनी स्टोरी सुना के चले गए, मेरी सुनी नहीं। थे अब हम तो सीखते। आप अभी रात के टाइम पेट्रोल पंप में बैठे हुए हो तो आपको डर लगेगा। तो मुझे तो कोई डर नहीं लगता, अच्छा क्या नहीं तीन सौ नहीं मेरी वाली इससे कम डरावनी है, मेरी इससे इतनी स्केरी नहीं है। वो ऐसे था ना कि हम 10 12 साल के थे, तो मेरे चाचू है ना, जैसे वो मामा होते हैं ऐसे चाचू भी होते हैं। चाचू पता है आपको क्या होता है? उसका चाचा के लड़का हाँ हूँ चाचा चाचा चाचा, यहाँ पे उसका चाचू भी के। बोलते हैं। तो यार भाई का बेटा बोल दो ना। हाँ भाई का बेटा नहीं होता, वो भाई अब्बू का भाई होता है वो। नहीं
कि आप अच्छा अच्छा बस हो ना। बस बस बस, लंबी नहीं जाड़ो, लंबी नहीं जाड़ो, बस सिंपल ए एक लूप, ए शिट शिट, किसने किसने बोला शिट, किस पे बोला शिट? मैं बोल रहा हूँ एवरीथिंग अभी आज एक लड़के ने पीसी बनाया है, उसने मुझे पिक्चर भेजी है, बोलता है ये कैसा है, मेरा दिल कर रहा था इसको बोल दिस इज शिट, बट नहीं ऐसे नहीं बोलते, फीलिंग्स हर्ट होती हैं, मजाक कर रहा हूँ, मजाक, भाई किसके हट हो गए। किसी की भी नहीं, किसी की भी नहीं, मजाक कर रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ जिशान का। नहीं, रेक्स्टर पे कंटेंट अपडेट हो रहा है अभी। रेक्स्टर भाई आप बनाओ। अच्छा सुनो ना यार, यार मेरी स्टोरी तो सुन लो, छोटी सी स्टोरी है। अच्छा, तो वो मेरे चाचू एक रेस्टोरेंट में जॉब करते थे, और मतलब उनकी नई नई जॉब लगी थी, तो वो रेस्टोरेंट था और ऊपर फ्लैट्स थे, और उन्हीं फ्लैट्स में ना उन्हें एक फ्लैट मिला हुआ था फैमिली के लिए, तो वो नीचे रेस्टोरेंट था सारा जहाँ पे वो शेफ थे, और ऊपर फ्लैट था, तो वो सबसे टॉप फ्लोर का फ्लैट था, सबसे टॉप फ्लोर मतलब उससे ऊपर कुछ भी नहीं था, छत थी सिर्फ। ये कौन आया? कैंडीमैन कैंडीमैन भूत को भी मक्खन लगा देगा गोश्त मक्खन इतनी रात तक क्यों जाग रहे हो आज कम? हाँ F1 आज F1 का रेस चल रहा है ना, GP। वाह भाई, इतनी दिमाग, इतनी गेम्स में कैसे दिमाग लड़ा लेते हो? गेल नहीं रहा, अभी देख रहा आज। मैं तो एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करता हूँ उमर बस। भाई बनाओ यार, जल्दी बनाओ। यार ये अपडेट हो रहा है ना, ये बाकर भाई के कांड है सारे, रशिया मैप डाल दिया, प्रो मोड डाल दिया, अब इतना टाइम लग रहा है कंटेंट चेंज में, क्या बोल? 2 मिनट वेट करो, तब तक स्टोरी सुनो। चलो ठीक है। आया क्या? एक केली ले आया। ये कैंड, इसका नाम कैंडी मैन है, बट इसने नाम जानबूझ के गलत रखा, इसका नाम, रियल नाम मुझे पता है, इसका रियल नाम है क्या है बोलो? अच्छा इसका रियल नाम है मिस्टर अमूल द मक्खन मैन। पकड़ लिया यार आज। ग्रेट, फाइनली। ऐसा रिवील मत करे यार स्ट्रीम पे। अच्छा लाइव स्ट्रीम चल रहा है, आपका सीक्रेट रिवील हो गया। बाकर ने शाम को मेरी लाइव स्ट्रीम में 18+ कंटेंट बोल दिया सारा, बट चलो खैर है, अभी मेरे इतने व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स नहीं है। स्टार्टिंग में नहीं थे रसिया, 19+ सीन भी दिखा देता मैं। नहीं मैंने नहीं देखना फ्यूचर में देखी है 18+ वाली बात, आ जाओ। नहीं वो ऐसे है ना कि वो उसका उसका ड्रेस ऐसे लगता है, बट वो है ड्रेस ही है, ऐसा नहीं है। तो एनीवेज वो स्टोरी पे वापस आते हैं, तो स्टोरी ऐसे है कि वहां पे, मैं अबे सोने जा रहा हूँ। तू जा, तुझे वैसे ही सुन के डर लगेगा नहीं, आदित्य भाई आ गया। तुम्हारे तुम्हारे उस रूम। बंदे जो आदित्य भाई हाँ हाँ जो डर मेरे गया, से अधिक जो दूर रह जो गया जो जो डरेगा वो भाग जाएगा, देखो लुच भी भाग गया है। अरे मुझे कोई जरा स्टोरी था। हाँ अभी 1:30 बज गया ना। अच्छा तो बस शॉर्ट सी स्टोरी है कि हम लोग उन अच्छा बाकर बादशाह भाई को नहीं सुनाई दी होगी, दोबारा से सुनानी पड़ेगी प्लीज प्लीज। इतनी लंबी करेगा, इतनी लंबी करेगा, दुखा दुख कर देगा। छोटी सी स्टोरी है, बट आप लोग पूरी नहीं करने दे रहे मुझे 1 घंटे से सुना लो कि एक स्टोरी सुनो। शुरू में छात्रा का नाम आता है, पता नहीं कहाँ से लगा। अच्छा सुनो, अभी बादशाह भाई आए तो, शुरू से शुरू करना पड़ेगा। देखो मैंने मैं शुरू सुना कॉन्वॉय ठीक। कॉन्वॉय कॉन्वॉय बना दिया, रेक्स्टो पे ज्वाइन करो। अच्छा अरे भाई रेक्स्टर भाई वाला मैंने ज्वाइन कर दिया है, अभी अभी किया है। क्या मैं फिर आपके उसमें आ जाऊं? चलो हाँ। आता अभी हूँ, दो तीन बंदे बचते हैं इसमें। चलो मैं आता हूँ। अच्छा सिंपल सी स्टोरी, मेरे चाचा शेफ की जॉब लगी उनकी नई नई, ठीक है, उनको रेस्टोरेंट पे, बादशाह भी सुन रहे हो ना? हाँ, बट आप 10 साल के थे ना।
हाँ 10-12 साल का था। तो रेस्टोरेंट पे उनकी जॉब लगी और उस रेस्टोरेंट के ऊपर फ्लैट्स थे, तो वो नीचे रेस्टोरेंट में जॉब करते थे और ऊपर फ्लैट्स में उनकी फैमिली को फ्लैट मिल गया, और सबसे टॉप फ्लोर का फ्लैट मिला। ज्यादा फ्लोर नहीं थे, बस 3-4 थे। टॉप फ्लोर का फ्लैट मिला, अच्छा उससे ऊपर कोई घर, ऊपर और कोई फ्लैट नहीं था, बस ओपन छत थी। तो क्या ओके होता ओके था कि शाम के 8 बजे होते थे, हम फर्स्ट टाइम उनको विजिट करने गए ना उनकी नई जॉब पे, तो हाँ शाम के, उस दिन हम सुबह गए और सुबह से शाम तक हम वहीं पे थे। फिर शाम के 8 बजे, और 8 बजे के बाद क्या हुआ कि छत में से ना आवाजें आने शुरू हो गई, मतलब जैसे ना कोई पत्थर छत पे गिराता है तो वो डस डस हाँ होती है, या कोई कुछ भी काम करता है उछलता कूदता हाँ है, उस चलते तरह की, रहता है उस वो दौड़ता और रहता है। बहुत लाउड आवाजें, मतलब ऐसे भी नहीं कि हल्की फुल्की के इग्नोर कर, लाउड आवाजें। वो ओके थोड़ी देर आती थी और फिर बंद, थोड़ी देर आती थी और बंद। हम लोग ये सोचते थे कि ऊपर छत पे कोई रहता नहीं है, अगर कुछ रहता होता तो हम अंडरस्टैंड करते कि कोई बच्चे कूद रहे हैं, कुछ हो रहा है, हाँ बट कोई भी ऊपर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और एक दिन तो मेरे चाचू ने हिम्मत करके छत पे भी गए और कुछ भी नहीं था, छत कंप्लीटली एम्प्टी। ओके बट वो डेली बेसिस पे रात 8 से लेके सुबह जिस टाइम तक अंधेरा रहता था, मतलब अंधेरे के टाइम पे वो चलती थी, आवाज आती थी। हाँ आवाजें आती थी, और वो आज तक, मतलब वो जितना टाइम उधर रहे उन्होंने इग्नोर कर दी, और उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ एक्टिविटी, बट सिर्फ वो आवाजें सिर्फ आती थी, उसका आवाज आती थी। सिर्फ आवाजें आती थी। बट ये सोचो कि रात को हम उस दिन सोने की कोशिश कर रहे थे और सोते सोते आवाजें आती थी, आवाजें आती थी, तो कितना वो डर, हमें डर लगता था लगता कि कुछ होगा कुछ होगा, बट कुछ होता नहीं था, किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, किसी के साथ कोई एक्टिविटी नहीं हुई, बट सिर्फ आवाजें आती थी। अब ये एक मिस्ट्री है, बट ये हुआ, ऐसा होता था। ओके ओके और ऐसे ही ठीक। मेरा सेम ऐसे ही एक मेरे साथ भी एक दोस्त है। वो मुझसे काफी बड़े हैं, मतलब मुझसे 3 4 साल बड़े हैं। उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो पुलिस में काम करते हैं तो उनको क्वार्टर्स मिलता है। तो ऐसे क्वार्टर्स में उनके क्वार्टर्स एक एक घर उरो हाउस की तरह लगे हुए रहते हैं। तो लाल उनको भी एक ऐसे ही घर मिला था जिसके मतलब आसपास इतना कोई रहता नहीं था, बहुत जगह खाली था। और ऐसे 3 घर लगे हुए थे। तो एक सही तरफ एक बंदा रहता था और दूसरी तरफ और एक बंदा रहता था। तो बीच वाला घर खाली था। तो जब भी रात को मेरे वो दोस्त के यहाँ सब खाना वाना खा के सो जाते थे, जब शांति हो जाती थी तब उस घर में से ना ऐसे रोने की आवाजें आती थी। तो उन लोगों ने पहले तो इग्नोर किया ये सब चीजों को कि क्या पता कौन रो रहा है, जाने दो कोई होगा। बट लेटर उनको धीरे धीरे पता चलने लगा कि हमारे घर के आसपास तो घर भी नहीं है, और एक ही जन है जो हमारे घर से थोड़ा दूर रहता है। उनसे भी पूछा तो उन्होंने भी बताया हाँ हमने भी सुना है। तो उन दोनों के पूछने के बाद उनकी हालत खराब हो गई। उनको लगा यार ये भी नहीं कर रहे, हम भी नहीं कर रहे, तो ये रो कौन रहा है। तो उन्होंने बहुत मतलब ऐसे ढूंढने की कोशिश की। वो घर खोला, पूरा घर खोल के चेक किया। उस घर के अंदर बस ऐसे सामान वगैरह हैं बट कोई रहता नहीं है। तो एक दिन उन्होंने ऐसे कुछ एक जो पुजारी काइंड ऑफ होता है ना, जो तांत्रिक वगैरह, उनको बुलाया। और वो घर के पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ पे कुछ तो भी धागा वगैरह बंधवा दिया। तो उसके बाद से वो सब चीजें होना बंद हो गई। होता है। अच्छा अभी ये स्केरी स्टोरीज बंद करते हैं, अगर कोई यूट्यूब पे भी देख रहा हुआ रात के टाइम लाइट्स ऑफ करके, बोलेंगे ये क्या चल रहा है, हॉरर मूवी लगा के बैठ गए। नहीं मैं एक और स्टोरी सुनाता हूँ आपको, बट वो हॉरर इतनी नहीं है लेकिन वो थोड़ी सी शॉकिंग है। और क्या, इसके बाद मैं भी एक स्टोरी सुनाऊंगा। चलो सही, चलो आज मैं स्टोरी स्टोरी सुनाओ सुना सुनाओ, और क्या उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। ये स्टोरी सुना के ये क्या है भाई, कॉन्वाय करो यार आप लोग। साला भाई ऐसा क्यों परेशान कर रहे हो रे।
अरे यार अपना गेम खेलो ना, गेम खेलते नहीं खेलते बातें भी करो। अब गेम नहीं खेल रहे, सिर्फ स्टोरीज पे फोकस कर रहे हैं। नहीं भाई, वो मैं मॉड्स डिसेबल करना भूल गया था, अभी फिर से लोड हो रही है। ये बहुत बड़ा मसला है प्रो मॉड्स का, कि ये लोडिंग में बहुत टाइम लेता है। ये अच्छा आपको चलो, बताता आता था प्रोफाइल लगा रखो, 8 मिनट नहीं लगता। कुछ करना पड़ेगा यार इसका, प्रोफाइल वो का। एक्स्टर बाय वाली जो अपनी प्रोफाइल है उस पे सिर्फ सिंपल गेम चलाओ, दूसरों पे मोड्स चला लो। हाँ ओके सर, मैंने ऐसा कर ओके सर, दिया। थैंक यू, जैसे आप बोले सर ऐसे ही हम करेंगे। कोई बात नहीं, पता जीता रहे। हाँ अच्छा सुनो, स्टोरी अभी होता हूँ, ज्वाइन होता स्टोरी हूँ, स्टोरी कंटिन्यू। स्टोरी कंटिन्यू करो। वो हॉरर नहीं है, तो ऐसे है कि हमारा होम टाउन है ना, जहाँ हम रहते हैं, ये तो मेन सिटी है, यहाँ से 45 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर हमारा होम टाउन है, बट वो होम टाउन भी सिटी है, ठीक है। मतलब हमारे सिटी और उस सिटी के दरमियान कुछ गांव आते आवाज हैं। चली गई, आवाज अबे यार गई, आवाज गई। ये तुम बोलते हो यहाँ पर मसला नहीं सकता होता। रेक्सटर भाई कहाँ चलना है? अब आ रही है। कहाँ आ रही है? अच्छा, तो हमारे अरे सिटी और उस सिटी के दरमियान में गांव होते हैं, और बट वो भी एक सिटी है, हमारा होम टाउन, बट अभी आप जहाँ रहते हो उससे छोटी सिटी है। हाँ वो छोटी सिटी है ना, हमारा मेन सिटी है, तो फिर यहाँ से आप कहाँ पे 40, रहते हो? हम ये कैपिटल है ना इधर, इस्लामाबाद रावलपिंडी, ओके वहाँ रहते हो आप। हाँ उधर रहते हैं हम, ऊपर वाली ओके साइड ठीक में। है ठीक है, कंटिन्यू। मैं, मेरे गांव में ना मेरा कजन रहता, गांव नहीं है सिटी है, बट होम टाउन में ना मेरा कजन हाँ रहता है, जो कि मतलब उसको बाइक रिपेयरिंग का ना काफी काम आता है ना, तो मैंने और उसने सेम बाइक रखा हुआ है, तो मैं यहाँ किसी मैकेनिक से नहीं काम करवाता, हम कभी कोई काम हो ना तो गांव चले जाते हैं, ट्रिप भी हो जाती है, और कोई काम वगैरह हो तो वो मुझे कर देता है ना। तो मैंने क्या करना था कि मैंने लाइट्स की मॉडिफिकेशन करानी थी ना, कि लाइट्स मुझे रात में, क्योंकि मेरी सिर्फ नाइट ड्राइव होती, मेरी नाइट शिफ्ट जॉब है ना, तो मैंने बाइक की लाइट्स को ना कुछ इनहेंस करना था ना, नॉर्मल वाली लाइट्स बहुत कम थी, तो मैं गया गांव लाइट, यस एनहांस। हाँ तो अभी तुम्हें नहीं, उसको बढ़ाना था, उसको अच्छा करना था, मतलब रोड विजिबिलिटी इंक्रीज करनी थी, नॉर्मल लाइट की विजिबिलिटी काफी कम थी, तो मैं गया लाइट्स यहाँ से सिटी से परचेज करके चला गया, हमने दिन में लाइट्स लगाई, फिर हमने बोला शाम को टेस्ट करेंगे, और आपको पता है ना कि ऐसे गांव में, वो तो सिटी था बट वैसे आप देखो गांव में तो ना स्ट्रीट लाइट्स होती है ना कुछ होता है, और ऐसे खेत हाँ होते हाँ हैं, कम कुछ भी होता नहीं, है। फुल फुल डार्क सीन होता है ना, तो अब वैसे तो हम उस गांव से बाहर नहीं निकलते, बट लाइट्स टेस्ट करनी थी प्रॉपर, तो फुल अंधेरे में सही प्रॉपर टेस्ट होनी थी ना, कि कितनी दूर तक इसकी थ्रो जा रही, कितनी फैल रही है, तो वो लाइट्स हमने सारी लगा ली, और मैं ने दूसरे कजन के साथ लाइट्स टेस्ट करने हम उस सिटी से बाहर निकल गए, एक गांव वाली साइड पे चले गए, और उस गांव में दोनों साइडों पे खेत थे, तो क्या हुआ कि हम अब वो गांव में, पहले तो वो बोलते हैं रात को जाओ मत, ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत साइलेंस होती है, कोई बंदा ही नहीं होता, गाड़ियों वाले भी नहीं जाते, कि डेंजरस होता है, क्योंकि गांव के लोग होते हैं वो, बस उनके पास गाड़ियां वगैरह नहीं होती, वो शाम को अंधेरा पड़ता है तो वो बस गांव में रहते हैं, वो घरों में अपने जाते हैं, तो हम वहां पे गए, दोनों साइडों पे फील्ड्स थी, तो लाइट तो बहुत जबरदस्त थी, उसकी थ्रो बहुत अच्छी थी, तो अब मैंने क्या किया कि एक तो वहां कोई था नहीं, बिल्कुल कोई भी नहीं था, तो मैंने क्या किया कि उस वीरान रोड पे मेरे साथ मेरा कजन था, मैं अकेला नहीं था, अगर मैं अकेला होता तो फिर मुझे कुछ ज्यादा डर लगता, बट मैं अकेला नहीं था, कजन था मेरे साथ, तो वहां पे हमने बाइक रोक दिया रोड के दरमियान में, और क्योंकि गाड़ी कोई नहीं थी इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं थी, तो मैंने उसकी लाइट्स की हाइट, उसका थोड़ा सा स्क्रू लूज रखा था, साइडों पे ऑक्सिलरी लाइट्स नहीं होती, उनको मैंने एडजस्ट करना शुरू कर दिया, कि इसकी हम मुझे कितनी दूर तक थ्रो चाहिए ये वो, तो मैं उसको एडजस्ट कर रहा था, और इतने एडजस्ट करने करने में मुझे एक आवाज लड़की, गई, आवाज गई, आवाज गई। ओ आवाज गई। उमर भाई की आवाज गई।
लगता है पीसी बंद हो गया इनका। नहीं नहीं बंद हुआ, नहीं बंद हुआ। चाइनीज बोल रहे हैं। उमर भाई। हाँ भाई। हाँ अच्छा रजिस्टर भाई ये सुनो, आपके पास कौन सा ट्रक है? नहीं कितने हॉर्स पावर वाला है? सही है, ठीक है ठीक है। यार ये मेरे हाँ बताओ मॉड्स उमर भाई। ये मेरे मॉड्स डीएक्टिवेट क्यों नहीं हो रहे? मैं डीएक्टिवेट करता हूँ फिर से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। व्हाट द हेक, ये गेम रीस्टार्ट करना अभी क्या पड़ेगा। कर रहा है? अच्छा मुझे तो लगे है स्टोरी कास्टर हो रहा है। नहीं नहीं उसमें कोई गोस्ट नहीं है स्टोरी में ना, बट वो हमें ऐसे लगा कि कुछ गोस्ट सीन है। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं वहां पे लाइट एडजस्ट करने शुरू हो गया और इतनी देर में मुझे एक हम दोनों को एक लड़की के चीखने की आवाज आई बहुत ऊंची ऊंची ना। तो क्योंकि हम ऑलमोस्ट 4-5 किलोमीटर चला के आए थे, हमें पता था रास्ते में कोई हमें नजर नहीं आया, तो ऐसे हमारे बैक बैक साइड से स्क्रीमिंग की वॉइस आई। तो हमने वहां से पीछे मुड़ के देखा बट पीछे तो फुल डार्क था तो हमें तो कुछ नहीं नजर आना था, लाइट्स तो आगे की तरफ थी, आगे कुछ भी नहीं था। तो मतलब ऐसे ना वन वेरी रेयर कोई वहां उस रोड पे गाड़ी गुजरती है ना, तो हमें बहुत दूर से आगे से एक गाड़ी आते हुए नजर आई, उसकी हेडलाइट्स ना हमें बहुत दूर से नजर आई। तो बट हमें लड़की के चीखने की आवाज आई तो हमने बोला कि कोई सीन है, तो हमने ना यू टर्न लिया। उस वक्त गोस्ट नहीं आया हमारे माइंड में, गोस्ट नहीं आया, हमें कुछ ऐसा लगा कि कोई लड़की के साथ कुछ मतलब हो रहा है, हाँ जोर जबरदस्ती हो रही। तो हमने क्राइम पेट्रोल वाला सीन यार आसान लफ्जों में, चलो आगे बोलो। सुनो यू टर्न लिया और हमने यू टर्न लेके तो बाइक चलाना स्टार्ट किया और चलाते चलाते हम आगे आए। ज्यादा स्पीड नहीं थी, बस 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। तो फैजर रहमान भाई भी हमारी स्टोरी सुन रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट आया उनका। तो सीधा आया और थोड़ा सा आगे आए तो लेफ्ट साइड में ऐसे थोड़े ऊंचे खेत होते हैं ना जिनका ग्रास थोड़ी ऊंची होती, उस खेत के आगे एक लड़की खड़ी हुई थी बट वो फुल कवर्ड थी। आपको पता है मतलब जो बुरका नहीं होता जैसे मुस्लिम्स का, फुल वो फुल कवर्ड थी सिर्फ उसकी आंखें, तो वो तो मतलब नॉर्मल था ना हमारे लिए। तो उस लड़की ने हमें यूं इशारा किया ना रोकने का, बट मेरे दिमाग ने उस वक्त काम किया कि रोकना नहीं है, जो भी हो रोकना नहीं है, क्योंकि उस वक्त हमारे माइंड में गोस्ट नहीं था, उस वक्त हमारे माइंड में क्राइम था कि कुछ क्राइम चल रहा है, मतलब सिचुएशन ड्रावनी थी बट क्राइम भी था। तो उसने तो हम स्लो स्पीड पे थे और जब उसने देखा कि ये नहीं रुक रहे मतलब चल रहे हैं, तो उसने इतने इतने में हमें ये बोला कि कोई गाड़ी वाला पता नहीं कुछ छीन के गया मुझसे या कुछ इस तरह बोल रहा था, उसको जाके पकड़ो, ठीक है। तो अब उस तरफ से जो गाड़ी आई थी ना वो गाड़ी भी हमें ओवरटेक करके चली गई। तो अब हम गाड़ी को चेस करने, मैंने बोला ये लड़की बोल रही है गाड़ी को चेस करो तो हम चेस करें, बट हम क्यों चेस करें, हम पुलिस थोड़ी हैं। तो उसने मेरे कजन ने बोला और मतलब मेरे माइंड ने भी काम किया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो हम वहां से सिटी की तरफ वापस चले गए, सिटी की तरफ वापस गए और वहां पे सिटी के बॉर्डर पे ही ना वहां पे पुलिस खड़ी हुई थी। तो पुलिस को हमने जाके ये सारी स्टोरी बता दी कि ऐसे लड़की खड़ी, और पुलिस वालों ने बोला हमारे साथ आओ आप लोग, ठीक है। तो हम साथ चले गए, हम साथ गए और उस स्पॉट से वो लड़की गायब। मतलब हमने 4 किलोमीटर उधर कवर किया, 4 किलोमीटर इधर, वो लड़की गायब, फुल गायब। हमने बोला यार आसपास कुछ भी नहीं है, जंगल है, लड़की गायब कैसे हो गई? तो या तो ये था कि वो कोई गैंग था या कुछ इस तरह। सबटाइटल भाई। हाँ
अरे चाइनीज आईटीबीटी में जॉब गिनी जाती है, चाइनीज बोल रहे हैं क्या बोले? 100 किलोमीटर के नीचे की स्पीड होती है तो ही। हाँ क्या हुआ उसे? सो नहीं, सो नहीं, सो फोर में था सुबह, नहीं कल शाम, हाँ कल दोपहर को मैं टॉप फोर में था, कल टॉप एट में आया रात को, ठीक है। हाँ, वो मैंने आपने बताया पहले, हाँ आज देखा तो टॉप टेन में, अभी देखा तो टॉप इलेवन में, और मैं सुबह से खेल ही रहा हूँ ना, आपको पता ही है दोपहर से खेल रहा हूँ। नहीं तो खेल रहा होगा ना तो, बट मेरे से ज्यादा, बट आप मतलब कंटिन्यू खेल रहा हूँ ना, और कंटिन्यू गेम के अंदर भी माइनस में जा रहा हूँ, और आज को आपको उमेर भाई को भी पता है से, मतलब 120-140 से ऊपर नहीं गया था मैं, और लास्ट जो आप लोगों के साथ किया ना वही 200 पे गया था, वरना 140 से ऊपर नहीं गया। लवली, और मतलब हर एक बार माइनस माइनस होता है। अब मैं जब इंसानों को पूछता हूँ ना तो हर बार ऐसे ही बोलते कि आपका ग्लिच हुआ था तो मतलब हर बार मैच ही होता है, तो फिर ड्राइवर है बनी स्टोरी सही है। अनइंस्टॉल कर दिया आपने? और तो क्या करूँ यार, इतनी मेहनत तो मेरा गेम प्ले स्टार्ट करने से पहले मैं 10 बार देखता हूँ कि मेरा इंडियन ट्रकर वो चला कि नहीं, रन हुआ कि नहीं। नहीं अनइंस्टॉल मतलब वैसे आप इंस्टॉल होते हो तो कितने मसला है इसका ना यार, उनका ना इश्यूज बहुत है, उनकी वेबसाइट का भी इश्यू चल रहा होता है। मैंने अब देखना इसलिए मैंने भी छोड़ दिया है कि अब उसको देखते रहो तो बंदे को वैसे ही टेंशन होती है ना, देखो उसको। मेरा तो आज वैसे ही दिमाग खराब हो गया कि मेरा ट्रकर एमपी भी नहीं चल रहा, ट्रकर एमपी की आईडी नहीं लॉग इन हो रही यार। बंदा सिंपल खेले कॉन्वॉय में बस, बाकी टेंशन पाले ही नहीं। ये सही है, तो फिर तुमने ड्राइविंग लाइसेंस क्यों लिया आईटीबीटीसी का बताओ? रैक्सटर भाई इसका लाइसेंस कैंसिल करो, चलो कैंसिल करो इसका, कैंसिल। तो एडवाइस दे रहा हूँ, लायक ही नहीं हो ना यार उमर भाई, फसाद फैलाना सर। खाली 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 वो लाइसेंस लेके नहीं बैठना होता ना भाई, कुछ करना भी होता है ना। अरे तो फिर ये क्या फायदा करने का जब वो चीज रिकॉर्ड में ही नहीं आ रही। हाँ रेक्स्टर भाई यार समझाओ यार, मतलब अबे आती है रिकॉर्ड में, बट लाइव स्ट्रीम में मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कितनी जॉब मैंने 140 से ऊपर ना की है। तुम मुझे ये बताओ तुम अभी तक सोए क्यों नहीं है? तुम उस वक्त के बोल रहे हो मैं सोने वाला हूँ, अभी तुम ये सोच रहे हो कि मेरा जॉब नहीं रिकॉर्ड हो रहा। नींद उड़ गई है भूतों की कहानी सुन सुन यार। ये अपना रेक्स्टर भाई जॉब तो ले, आपने लेनी है, बाकी नहीं ली हुई। बताया तो सही रेक्स्टर भाई, बताया नहीं आपने, तभी तक बैठेगा। मैं जब बोलूंगा तभी जाएगा सोने। वो क्यों बात हो तुम उसके? ये क्या उससे छोटा बाप तो नहीं हो तो बाप जैसे रोल क्यों निभा रहे? चलो एक स्टोरी इसकी भी रहती थी। अरे उसका हुआ क्या फिर पुलिस वालों के साथ तुम गए फिर क्या? हाँ फिर यही हुआ ना कि उन्होंने हमारे साथ दोनों साइडों पे कवर किया 4-4 किलोमीटर, बट वो लड़की भी गायब, वो गाड़ियां भी गायब, सब कुछ गायब। पुलिस वाले तुम्हारी कुछ वाड़े लाल नहीं किए? नहीं नहीं उन्होंने बस ये बोला कि आपने अच्छा, उन्होंने नहीं नहीं इतनी तो नहीं है कि वो, अगर ऐसा होता उन्हें लगता कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम उनके साथ क्यों जाते हैं, हम उनके साथ गए थे तो, बट हमने उनको डिटेल भी दी ना कि ऐसे ऐसे एग्जैक्टली हुआ, तो उन्हें हम पे बिलीव हो गया, उन्होंने ये नहीं बोला तुम झूठ बोल रहे हो। ओके ओके तो प्रैंक कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तो बस फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला कि आपने ये अच्छा किया कि खुद नहीं रोकी, क्योंकि वो कोई गैंग हो सकता था जो आपके साथ कोई सीन, मतलब हाँ मतलब स्टोरी बना के ना आपको कुछ, जैसे नहीं होता कि ऐसे आप रात के टाइम चला रहे रोड के दरमियान में कोई मरा हुआ बंदा पड़ा हुआ है, आप जैसे गाड़ी रोकते हो साथ ही वो गन निकालते हैं, हाँ भाई पैसे निकाल वो वाला सीन ना हो जाता हमारे साथ। तो फैज भाई ऐसे आपके साथ क्या सीन हुआ बताओ? क्या सीन हुआ ऐसे आपके साथ?
ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ ये काम देखो भाई, ठीक है, मेरे साथ हुआ है, ये सीधी बात है। हाँ, इनकी 40 साल जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे असल में उमर भाई, आप जहाँ रहते हो ना इधर पिंडी के साइड पे, वैसे भी ज्यादा है। अब जैसे हमारे इधर स्टील टाउन में है, उस साइड पे हाँ इलाके का या बहुत ज्यादा फर्क होता है। मैं पिंडी आया हूँ ना, मैं घूमा हूँ, मुझे मालूम है नहीं इस साइड भाई, पे। इस्लामाबाद पिंडी में कुछ भी नहीं होता, पिंडी में कुछ भी नहीं होता। की बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की, राजस्थान हरियाणा साइड भी ज्यादा होता है। यार देखो, हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, क्राइम हो ना तो वो सिक्योर से सिक्योर एरिया में भी हो जाता है। हाँ क्राइम की बात नहीं कर रहा, ये इन्हीं असरात की बात कर रहा हूँ, अच्छा, जो कि असरात, कहीं भी फैले हुए हैं। गोस्ट गोस्ट वाली उसकी बात कर रहे हो? जी, नहीं, लेकिन ये मेरी लास्ट वाली स्टोरी गोस्ट तो नहीं थी, वो तो क्राइम रिलेटेड थी। एक ऐसे नॉर्मल यार बात कर रहा हूँ। रेक्स्टर भाई, क्या जॉब कर रहे हो आप लोग? नहीं, हाँ हाँ जॉब कर रहे हैं। मैंने भी जॉब ले ली, वो ट्रक थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा था। वाइस भाई, जॉग क्यों रहे हो? सुबह जाना नहीं है स्कूल, भूख लगी यार, यूनिवर्सिटी? कल एग्जाम लेना है। हाँ, तो अभी आप ये तो स्टूडेंट्स वाले काम तो आप कर रहे हो। हरकतें अली लग नहीं रही, हाँ, देखने को तो बहुत सारे हैं। मतलब जैसे होता है ना, क्लास में स्टूडेंट सो रहे होते हैं कि अबे सो भी तो जग रात। रहे हैं, उनको कल पेपर देना है। अच्छा, आपने उन पे नजर रखी हुई है। आज मुझे बहुत क्या बड़ा मजा आया। जिगर भाई, क्या बोल रहे हो? बहुत मजा आया मुझे। आज आपके साथ 3,000 का नुकसान भी हुआ, आपको मजा भी आया, ये क्या कैसा कॉम्बिनेशन है? मैं पीछे के पीछे भागता ही नहीं हूं। अच्छा, तो आपके साथ आपको मजा क्यों आया, ये भी बता लड़की के पीछे भाग, दो। ऐसा नहीं है यार, फ्रेजर भाई आप दिमाग वाले हो, वो मुझे पता है। आप जो अब भाई वो क्लास टीचर में सीरियस हो जाओ ना, है, तो मैं यूनिवर्सिटी का टीचर है, ऐसा वैसा कोई बात नहीं है। क्यों भाई फाइज भाई, जरा जरा इनको इंग्लिश बोल के दिखाओ। फाइज भाई, इनको यकीन नहीं आ रहा कि आप टीचर हो, या इनसे कोई आईटी का सवाल पूछो, फिर ये सब खामोश हो जाएंगे। वागर से पूछते हैं ना, वागर वाले से भी डरते हैं। बादशाह भाई, उस दिन पता क्या सीन, बाकर से इसने सवाल पूछा फैज भाई ने, कि वो लैन केबल की, इथरनेट केबल की कितनी लेंथ, रक्षा भाई 1 मिनट रुकना, लैन केबल की कितनी लेंथ तक हम वो केबल यूज कर सकते हैं ना, तो अनलिमिटेड उसको तो जवाब नहीं आता था, वो पता नहीं 5-10 मीटर कुछ इस तरह बोला ना, तो इसने, हमने बोला कि थोड़ा बढ़ाओ, तो हमने बोला बढ़ाओ इसको ना, 5-10 मीटर तो बहुत कम है, तो कहता है 15-20 होगा, मतलब 5-10 से 15-20 पे गया वो, ऊपर ज्यादा नहीं गया। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मैंने गैस मारा, मुझे भी इतना कंफर्म नहीं था, मैंने गैस मारा कि 100 मीटर होगा, तो वो सही जवाब था ना, मैंने भी। और अब स्पेनिश बोल रहे हैं, स्पेनिश। अबे यार, इधर हाँ बहुत अब मसला है ये इंग्लिश वाला, पे आ गया, इधर बहुत मसला है यार ये वाला। ग्रामर प्रॉब्लम होता है हमारे भाई का। अच्छा ये रेक्सटर भाई, ये डे तो करो यार। अभी नहीं कर सकते, अभी जॉब चल रही है। ड्राइव सेफ। कैंसिल हो जाएगा क्या चीज कह रहे हैं? जॉब, कैंसिल हो जाएगा। दिन करने से जॉब कैंसिल हो जाएगी? अच्छा उस पे वो जॉब का टाइम बता, जो होता है ना फिर फर्क नहीं पड़ना। होता है ना, एस्टिमेटेड टाइम होता है ना। सही है, अब आवाज आ रही है? हेलो, चल हाँ, देता हूँ भाई, अब आ रही है आपके कहने आवाज? पर आ देता हूँ थोड़ा। अब आ रही है? हाँ हेलो, भाई की आवाज गई, इतना मेरी आवाज नहीं आ रही? परेशान क्यों है? कुछ ना, मैंने गद्दी लिख कटा हुआ सब कुछ मेरा। क्या हो गया? मैंने गद्दी लिख कटा हुआ कुछ,
डिलीट कर रहे हो ड्राइवर आप। ये उमर भाई का चैनल का नाम क्या है? माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक। नहीं नहीं मुझे दिख नहीं रहा। माइक माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। ये तुम्हारे नीचे जो मेरा सर्वर है ना उसके ऊपर होगा। माइक टेस्ट, माइक टेस्ट, माइक टेस्ट। अब आवाज आ रही है? हाँ 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 अब भी दिख रहा है उमर भाई का चैनल। तो बाकर भाई तो आज गुस्से में है, और वही वो मेरा गुस्सा थोड़ा डिफरेंट है, बट गुस्से में आज मैं भी हूँ। फायज भाई आज आपने वो अटेंड किया कॉन्वॉय आईटीबीटीसी का? हाँ क्या हो गया? यार वो मैं कॉन्वॉय अटेंड करने लगा, मैंने उसके आज लिए फायर सारा सुनाए थे लेकिन तुम्हारी वो खुल नहीं ना, रही। अच्छा ना वो लॉग आईटी नहीं लॉगिन हो रही, मैंने पूरा थंबनेल शंबनेल बना लिया था, इतना गुस्सा आया मुझे। बट उसमें खैर इंसानों की तो कोई गलती नहीं है, बट वो क्या ट्रकर जेम्पी का कोई इश्यू है। चलो चलो सब रेडी सही है? है, देखो प्रॉब्लम लेट्स यही है ना, गो एक्चुअली प्रॉब्लम सब में नहीं है कि उनकी वो यार। रिटायर हो चुकी यार है बहुत ना, इश्यूज है, बहुत इश्यूज है। होस्टिंग उनकी हाँ स्लो ले रखी है उसने। पहले उसकी होस्टिंग सही थी तो अभी वो उसने होस्टिंग कम वाली दे रखी है तो पैसे नहीं है कर पा, तो प्रॉब्लम ये सब है तो वही बोल रहा मैं उस दिन बाकर भाई को यही बता रहा था। बाकर भाई बोलते हैं देखो उनकी कितनी कितनी डोनेशन आती हैं, ऐसा नहीं होता भाई। हूँ भाई। ऐसा नहीं होता कि मान लो तुम्हारी ऐसे अच्छी होस्टिंग के लिए साल के कम से कम 12-13-14 हज़ार तो चाहिए सिर्फ होस्टिंग के। वो तो चाहिए ही ना। वह मैं यही इन्हें बता रहा था कि वो इतने पैसे कमाते नहीं, अभी वो अपनी जेब से ही लगा रहे हैं। और वो ऐसे होता है ना कि ब्रैक्स्टर भाई ने मुझे Keep बताया था कि वो writing लोग आपस and में return. जो स्टाफ होता है वो स्प्लिट करता है, तो वो जो डोनेशन शो हो रही होती है ना वो जस्ट एक्चुअली जस्ट ये शो हो रही होती है कि इस बंदे ने इतने पैसे मिलाए, इस बंदे ने इतने पैसे मिलाए, बट वो एक्चुअली बस स्टाफ ही अपनी जेब से पैसे डाल रहा होता है। तो हम लोग जो सब फ्री में इंजॉय कर रहे होते हैं ना, वो हमसे थोड़ी मांगते हैं पैसे, वो अपने ही पैसे लगाते हैं। वही आप लगा सकते हो, उन्होंने हाँ पेट्रियन वो डाला है ना पेट्रियन। वो तो, बट वो बोलते तो नहीं है ना कि करो करो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अब उनका वेबसाइट का इश्यू है, वेबसाइट पे मेरा नहीं लॉगिन होता, स्लो होता है, बट वो अपनी तरफ से जितना स्ट्रगल कर सकते हैं कर रहे हैं। उनका उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी देखो ना, वो अपनी जगह सही है। हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई? हाँ ना तो देखो ना वो भी अरे तो बाघा भाई ने कहाँ कुछ बोला यार, मैंने कुछ अभी बोला ही नहीं, मेरे पे उठा मतलब उठा हाथ पे अभी कुछ। 5 मिनट पहले तो तुम गुस्सा कर रहे थे ये जान तो पूछ कैसे करते मैं हैं तो ये। अपने हाँ उसमें भाई टॉक टेक नहीं हुई तो मैं जॉब का बोल रहा हूँ, मैं क्या किसी को नाम बोल रहा हूँ तो भाई? उसमें, जॉब तो देखो हमारी भी नहीं हुई थी, देखो हाँ मैंने वो तो ट्राई देखो, करी थी, मैंने किसी का नाम ना हाँ लिया, मैंने कुछ ना बोला, अब आप अनइंस्टॉल ना करो, बट उसकी टेंशन हाँ लेना छोड़ दो, उसकी टेंशन लेना छोड़ दो, बस जो होगी होगी, भाई जो नहीं होगी नहीं होगी। आपका भाई कितनी कितनी भाई जगह मैं पे तो, अपना कितनी जगह हाँ पे तो आपका अभी टॉप लीडर पे नाम है ऑलरेडी, तो और क्या चाहिए आपको? नहीं टॉप पे नहीं होता था कोई बात नहीं, जो है वही तो लेना था। मतलब वो जो मतलब हर बार ग्लिच ही होता रहता है, मतलब टॉप 8 में आ गए तो भी वापस टॉप 11 मतलब बाकर वो भाई ट्राई कर देखो रहा था फिर बच गया। मेरी बात सुनो, वैसे एक एक, एक बात है कि अब जैसे आपका चलो इश्यू जेन्युइन है, बट जो भी है उनका जो मेन पर्पस होता है ना वो ट्रकर जेम्पी के कॉन्वॉयज और ट्रकर जेम्पी में खेलना होता है, ठीक वही है? वही वही अब आ रही है, हाँ मैं बोल रहा हूँ कि उनका जो मेन पर्पस होता है ना काम होता है, रैक्स्टर भाई से पूछ लो, उनका मेन फोकस होता है ट्रकर जेम्पी और उसके कॉन्वॉय में खेलना। बट ये भी देखो कि जो लोग नहीं खेलते उनको वो कुछ बोलते तो नहीं है। अब आपने एक बार भी कोई कॉन्वॉय अटेंड किया बट उन्होंने कुछ आपको बोला? बोला है, वो भी तो बहुत बार बोलते हैं कौन अटेंड करने का। नहीं वो बोलते हैं, फोर्स तो नहीं करते। बॉस की बात नहीं, वो तो उसको पता है कि नहीं चल रहा है मेरा। हाँ तो बट ये तो नहीं है ना कि आप नहीं करते तो आपको निकाल दिया, या ऐसे तो नहीं है ना। वो उनकी अपनी जगह पे मेहनत है, उनको वो मतलब उनकी पोजीशन अपनी है हमारी अपनी है, उनको कुछ नहीं कर सकते। बट मैं उसके बारे में कुछ बोला ही रैक्सटर नहीं हूँ। भाई जल्दी जा रहे तो हो, खाली अरे खाली कैंसिल ही हो जाते हैं भाई। यार। सुना यार कोई स्टोरी सुनाएगा क्या? सुनाओ जल्दी। स्टोरी कोई कौन सी स्टोरी सुनने? भी सुना
भाई आदमी ने भाई, बोला अब स्केरी स्टोरी कोई नहीं सुनाएगा। हाँ वो मेरे पे पता नहीं क्यों अपने आप पे सब कुछ ले रहे हैं। मैं उसके किसी के बारे में कोई उसको बोला ही नहीं हूँ नहीं, कि भाई मैं भी जनरल नहीं बात कर, मैं भी जनरल बात मतलब जनरल नहीं, आप भी दूसरे सुन रहे हो तो यही बोलेगा ना, बाकर कि किसी के बारे में कुछ बोला होगा इसलिए ये समझा रहे हैं इस कर। अबे नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं। नहीं है। एग्जिट राइट। रेक्स्टर भाई हमारे वो हैं, क्या बोलते हैं, विटनेस विटनेस है। नहीं वो तो वैसे बात बता रहा था ना तेरे जो मसले हैं जो हाँ, समझ जो रहा जो छो इस तरह के मसले होते हैं तो वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, बट उनका भी कोई लिमिट होगा ना, कि मतलब हम इतना ही खर्चा कर सकते हैं या ये। बट हमने कब कहा कि वो खर्चा करे भाई ये पैसे खर्चे वाली चीज है ना, ये जो बग्स इश्यूज हैं ये सब पैसे पे चलता है ना। अब जो उनका सर्वर है, जो इनकी ये लॉगिंग वाली एक बुक बात है, वेबसाइट है, तो सब बात कुछ। खत्म करो, खत्म खत्म करो बात। करो। भाई फेसबुक नहीं पे तो सामने ही बैठे सब लोग, मैंने कुछ भी खर्चा करना बोला, मैंने कुछ भी ना, मैंने तो सिर्फ यही बोला कि मेरे को अबे ऑफिस यार, निकल रहा है तो उससे भी क्या फायदा हुआ मेरे में, हर बार ग्लिची हो रहा है तो मैं सिर्फ आपका नहीं हो रहा ना भाई, हाँ सिर्फ देखो, सिर्फ बाकर भाई सिर्फ आपका हो ना, तो फिर बात है ना कि वो आपको स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, अब नहीं सबका इश्यू है ना, मेरी भी नहीं लॉग हो रही। अपने को टारगेट कर रही है, कोई भाई अपने खुद खुद भी मेरे को बदनाम कर रहे हो, नहीं ये क्या बट बोल रहे हो भाई, अभी 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 आप गुस्सा कर रहे थे ना कि वो मेरा जॉब लॉग नहीं हो रहा, ये वो। मेरा भी नहीं हुआ है भाई हाँ तो ऐसा। यही बोल रहा हूँ ना कि मेरा भी नहीं हुआ, सिर्फ आपका नहीं, किसी का भी नहीं हुआ। कोई कोई इश्यूज चल रहे हैं और एक्स्ट्रा भाई वो बता नहीं रहे हैं। बट वो नहीं मेरा लोग नहीं हुआ वो तो समझ में आया कि मेरा ऑफलाइन पढ़ा होगा, बाकर ऑनलाइन पढ़ा होता है तो कि मतलब प्लस में जाने के बदले माइनस में जाता है हर बार, भाई समझ रहे इसमें कोई भी मैं चीज ड्राइवर हो हब वाली सकती। चैनल, आप ड्राइवर हब वाली चैनल में देखना, मैंने आज कितनी बार सुनो डी डी आई करके देखा है, तो समझ रहे सुनो भाई सुनो, ये एक चीज काम है। करना, सुनो एक काम करना, कल दोबारा से रिफ्रेश करके चेक करना, मे बी डिले हो, कोई इश्यू हो। डिले वाली बात नहीं है, डिले वाली बात नहीं है, आप जी अजी के मैंने पूरा रिपोर्ट देखना, डीआई डाल के मैंने कितनी बार देखा, कभी मैं टॉप 4 पे होता हूँ, कभी टॉप 8 पे होता हूँ, कभी टॉप 10 में होता हूँ, तो आज हाँ तो नाम से बाहर टॉप 11 में चला गया, फिर ग्लिच होता है हमारे साथ। तो मैं सन्नाटा आगे वाले स्टेशन पे रोक रहा हूँ, वो बेबी बैकअप वगैरह लोड करता होगा इंसानों तो होता होगा। हेलो गाइस, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीवन, आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम हियर विद अस। गेम में बोल रहा हूँ उनको, पता नहीं कौन कौन लोग है रैंडम। वो स्लो हो जाए थोड़ा, उन्हें एनर्जी था तो पीछे रहे ना। ओके ओके, अबे मैं ही हूँ, कौन है, मैं हूँ आप कौन से हैं, आप किधर हैं गेम में, आदित्य भाई, कहाँ ना बोल रहा है कुछ क्या आप तो मुझे आदित्य भाई, फाइज भाई, आपकी आईडी का नाम चेंज किया। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मुझे लगा कहीं और बोल रहे थे। नहीं, मैं गेम में बोल रहा हूँ, गेम में। फैसल भाई आगे निकल जाओ, हमको लास्ट में जाना है। क्या कह रहे हैं यार, बहुत ज्यादा शोर आ जाता है, यहाँ पर ही बात कर रहा हूँ ना। अच्छा तुम्हारे 8,500 वाले हेडसेट में शोर भी आता है, फिर तो बेकार है, पैसे जाया हो गए। करोगे तो शोर कैसे नहीं आएगा, वहां इंग्लिश पूरी झाड़ते हो और इंग्लिश बंद कर दो, क्या है भाई ये। ये एक हमारा है इधर रोने वाला बच्चा। कौन है वो, ये बस कोई है जो कभी कभी आता है और बस छा जाता अच्छा है बोलो बोलो। अच्छा और फिर वो डेवलपर वाला है लग रहा है, जो बस जिसको सिर्फ डेवलपर मारना ये आता फैज भाई बोल रहे हैं जिसको जिसको चलाना नहीं आता, डेवलपर चलाना आता है सिर्फ। आज मैंने अभी डेवलपर बिल्कुल भी नहीं चलाया। चलो कंग्रेचुलेशंस, हम इस बात पे आपको कंग्रेचुलेशंस देते हैं। कौन
ये किससे बात कर रहे हो बादशाह भाई? गोस बूथ से तो नहीं बात कर रहे? ये इस वक्त रात के 2 बजे तो बूथ से ही बात हो सकती है बादशाह भाई? ये क्या चल रहा है? वाइफ सोई थी उठ गई। कौन? वाइफ सोई थी उठ गई अचानक। आप भूत की स्टोरी सुनाओगे तो उठ ही जाएगी ना वो। क्या हो गया? अरे नहीं, वो सो गई। वो कब की सो गई है? मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ, आप वो भी स्टोरी में नहीं सुना रहे। वो भागकर को तभी चला लॉल। मैंने देखा भाई, मैंने नहीं किया, मैं सब सैंड पे था, मुझ पे ना इल्जाम डाला। कौन था सही सही बताओ? ये जेत या जे नहीं, ये जेत था, ये जो उधर HPR है, मुझे मैप में नजर आ रहा है वो HPR उधर मैप से बाहर हुआ है। ओए हेलो, इधर किसको बोल रहे हो तुम? इधर में से कोई भी नहीं है गेम में। इधर में से मैं हूँ, रेक्स्टर है वो, उन्होंने नहीं ठोका। गेम में बोलो ना एक्स, वो देखो, सॉरी बोल रहा है, सॉरी। अरे वो डिस्कॉर्ड में नहीं है, वो गेम में है। नो प्रॉब्लम ब्रो, दिस गाय इज ही डिजर्व्स टू बी हिट। He uses developer mode and teleports all the time. पूरा ट्रैक मेरा खराब। रैक्स्टर भाई ने वो कॉन्वॉय भी रियलिस्टिक वाला बनाया, डैमेज भी ऑन रखा है। लवली। बट रैक्स्टर भाई कॉन्वॉय को साथ लेके चलो, आप इतना आगे जा रहे हो ये। अच्छा स्टोरी किसकी रहती है? जिगर ने तो नहीं सुनानी, जिगर तो मुझे लगता है जिगर इधर ही है। काफी देर से खामोश है। खामोश नहीं, कोई कोई अच्छा सुनो स्टोरी सुनाओ, बट शॉर्ट सी स्टोरी सुनाना, ठीक है? मैंने बोला था ना आपको मैं आज खुश हूँ, बट आपने पहले ये भी बोला था कि मेरा आज 3,000 का नुकसान हुआ है। मैं उस को पैसे को नहीं लड़की को देख रहा है, उसी बात से हम चले गए दूसरी बात पर। अच्छा अच्छा सही है सही है। बादशाह की भी आवाज, इसकी जालिम की भी आवाज कट रही है। कट नहीं रही थी, वो साथ बात करोगे तो ऐसे ही होगा ना, हर वक्त बस बोलते रहते हो, दूसरों को बोलने का मौका ही नहीं देते। चलो चलो अच्छा तुम सुना दो अरसलान अपनी कहानी। मैं नहीं सुना रहा, मैं सुनाऊंगा फिर आप लोग बोलोगे ये नहीं नहीं झूठी थी झूठी, नहीं करोगे मुझे पता है ना। हम ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसे नहीं बोले। नहीं नहीं देखो, जो बंदा हर वक्त डेवलपर यूज करता है वो झूठ कैसे बोल सकता है, वो तो सच ही बोलेगा। रैक्स्टर भाई एक बात बोलूं, आज आज काफी दिनों बाद ना सही वाला ट्रक चलाने का मजा आ रहा है नॉर्मल इंजन पे। और मैंने ही बोला कि ऐसे वो ऐसे हाँ ये जो एक है बंदा, उसका सर्वर भी है, अमर नाम है, वो मोड्स पे बस बच्चों बोलता है मोड्स चलाओ मोड्स। तुम उसमें से तुम उसमें से बच्चा नंबर वन हो। मैं तो पहली बात मैं मोड्स पे कोशिश करता हूँ कि आऊं ही ना। चलो अच्छा सुनाओ जिगर भाई की स्टोरी बीच में रहेगी, जिगर भाई शॉर्ट सी सुनाओ और खत्म करो, आगे और लोगों को भी सुनानी है।
अच्छा सुना दिया आपने, मुझे मुझे समझ नहीं आई। नहीं। हाँ तो सुनाओ ना, कब सुनाओगे? तो मैं बता रहा था कि वो पहली तारीख से आज 7 तारीख हुई ना, मेरा काम ऐसा बिगड़ गया था, मैंने कुछ करा ही नहीं था, कुछ कुछ नहीं। आज आपके साथ बात करते करते मैंने 7 तारीख का काम 8 तारीख तक पूरा दिया। वाह, अब स्टोरी सुनाओ। यस, यही स्टोरी थी ना, वो इसलिए क्या खुश है। यही स्टोरी थी, बताऊं, यही स्टोरी मैं थी। क्या कर उसमें से 5 दिन का काम मैंने कर दिया, मुझे पता भी वाह नहीं चला। अरे वाह वाह, आपने गलत बंदे को जॉब दे दिया यार। नहीं बट ये अच्छी बात है ना, उसके लिए अच्छी बात है। ऐसा हो जाता है, देखो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मुझे कभी कोई काम करना हो, मैं टेंशन लेता हूँ ये कैसे मैं जल्दी करूँ, बट कभी कोई साथ, अभी जैसे इधर कैंडी मैन इधर ही बैठा हुआ है, नहीं चला गया, चला गया ना चला वो, गया। मे बी वो यूट्यूब पे सुन रहा हो। तो ऐसे ही हुआ था कि उस दिन मैंने 4,000 किलोमीटर की जॉब ले ली थी, अकेले, कोई बंदा नहीं था मेरे साथ, और मैंने पहले तो गाने लगाए हुए थे, बट वो कैंडी मैन आया और उससे इसी तरह बातें चली, और 4,000 किलोमीटर की जॉब मैंने ऐसे कर ली खत्म, मुझे पता ही नहीं चला। अभी भी मैं आपको बताऊं, लिटरली मुझे 10:30 बजे इतनी ज्यादा नींद आ रही थी, बट लास्ट वीक के पता नहीं, उससे लास्ट वीक ना रैक्स्टर भाई को मैंने बोला रात को खेलेंगे ना 10 बजे के बाद, रैक्स्टर भाई ने काम नहीं है बोला लगे, फिर नहीं, आज संडे है भाई, संडे को कौन काम पे जाता है। से क्यों सॉरी बोल रहा है, फिर से किसको टोक दिया इसने? मुझे तो नहीं ठोका, कौन था जी? कोई सूरदास का भाई लग रहा है। भाई सुविधा, पूछ रहा हूँ, वैसे अगर किसी के साथ सुविधास ऐड है ना, जाके देखना उसने अपना नाम बदल लिया है, आईडी का नाम बदल लिया, नाम बदनाम हो गया था ना उस सुविधास, जैसे नहीं एक ब्लैक लिस्ट हो बदनाम। जाता, ब्लैक लिस्ट हो जाता वो वाला सीन हो गया था, बट अगर हरकतें ऐसी करोगे तो ऐसा ही होगा ना। हर सर्वर में बदनाम था वो। हाँ हरकतें ही ऐसी करता था, एक तो उसको ड्राइविंग नहीं आती थी, ऊपर से वो हर किसी को बदतमीजी भी करता था, और क्या बोलते हैं, किसने उसका क्या हुआ? स्टोरी सुनानी थी? जालिम बादशाह भाई। हाँ वो उस मैं सुना देता हूँ, देखो भाई ऊपर सुन लो, स्केरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके गोस्ट स्टोरीज टाइम खत्म। बस फिर छोड़ दो ना, वो ही स्केरी तो थी। नहीं स्केरी नहीं नहीं सुन, नहीं सुना सुना सुना। और ये वाकई मतलब मेरे साथ ये नहीं, पेशा वाला मेरे मामू के साथ आया है ये। अरे बस सुना हाँ, सुना, तो ये बादशाह भाई के ने भी मामा की स्टोरी सुनाई थी ये सारे मामुओं को ही भूत लगता अपने। हाँ मेरे भी यार। चाचू गई तो वो कुछ ऐसा था कि वैसे रमजान का महीना तो आप सबको मालूम होगा कि वहां पे इंडिया में भी ऐसे ही सेम पे लोग अक्सर रातों को भी जा रहे होते हैं मस्जिद में इबादत कर रहे होते हैं, तो ऐसे इमाम बारगाह में भी जा रहे होते हैं। तो मेरे मामू इमाम बारगाह जा रहे थे, वहां से वो रात को उनको काफी देर हो गई, तो मतलब बस वो फिर फजर की नमाज पढ़ के फिर ही आना चाह रहे थे, लेकिन किसी काम की वजह से और वैसे भी उन्हें सारी घर पे वो आवाज गई, आवाज गई, आवाज गई, आवाज गई। बादशाह, भी ऐसे बचता नहीं रात। हाँ मैंने सुन लिया, मुझे पता है, देखो ना अब ये खाली मेरा तो इश्यू नहीं है ना, ये जेन्युइन इश्यू है। ये असल में ज्यादा बात करने से भी होता है। नहीं, ज्यादा बात करने से नहीं होता भाई, तो उम्र वाले सर्वर में चले जाओ, वहां पे दस लाख जो मिलते हैं। ये लोग पूरा दिन बात करते हैं, इनका तो इंडिया वालों का एक बार भी नहीं होता, ये हमारा पाकिस्तान के साथ कोई पनौतीपन है। पता नहीं यार, पर
अब तो बताऊं आगे हाल, तो फिर उनके साथ यही वाक्या हुआ था, जैसे उमर भाई आपने बताया ना कि वो लड़की के चीखने की आवाज आई थी, पर मामू ने तो लिटरली एक औरत को देखा था और वो बिल्कुल सफेद लिबास में थी और उसका चेहरा ना दूसरी तरफ था, और वो मामू बताते हैं रात को 4:30 बजे का वो वक्त था। भाई ये इसने आधी स्टोरी मेरी स्टोरी में से उठाई है और आधी स्टोरी इसने मूवी मूवी में से उठाई है कि सर घुमाओ। ये अच्छा वो तो मैंने रोकने का वो उसने लड़की ने बोला भी सही कि रोको और उसने आवाज भी दी, पर मामू मतलब कि वहां से चले गए और वो बता रहे थे कि ना वो औरत मतलब ऐसी थी कि मैं जब गुजरा था उसके सामने से तो एक बहुत ज्यादा ना जैसे एक बदबू आती है, एक अजीब किस्म की जलने की बदबू। हो गया गिटार 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 गया गया आवाज ले हाबला स्पेनियोल। ऐसे ही एक बार स्टोरी चल रही थी ठीक है, रात के 2 बजे ETS में सबाद भाई की जो हालत खराब हुई, भाई मैं अकेले सोना, मेरे को आज छोड़ दो मुझे। हाँ नहीं मैं इसीलिए बोल रहा हूँ उस वक्त का कि आप लोग ये चला रहे हो, तुम्हें बदबू आए तो तुम समझ लो वो तुमसे ही आ रही। अच्छा तो मैं ये बोल रहा था कि वो जिगर भाई जो बोल रहे थे ना बातों बातों वाली बात, तो ऐसे हुआ कि लास्ट वो 4,500 किलोमीटर वाली जॉब में कैंडी मैन से गप वो हो गया। हाँ तो इसी तरह फिर ये हुआ कि अब आज मुझे 10:30 बजे इतनी नींद आई हुई थी कि क्योंकि मैं आज सुबह जल्दी उठ गया था, तो लास्ट टाइम लास्ट वीक या उससे लास्ट वीक मैंने रेक्स्टर भाई को बोला था कि मैं 10:30-11 बजे खेलेंगे और लेट नाइट तक खेलेंगे, तो उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है, और फिर मैं सो गया इसी तरह 10:30-10 बजे सो गया और सुबह उठ के मैसेज देखा रेक्स्टर भाई का 12:30 का मैसेज आया था तुम आए नहीं। मैंने कहा यार मैं सो गया था, तो आज मैंने ये सोचा था कि सोना नहीं है, बस 10:30 बजे मुझे नींद आ रही थी बट मैंने माइंड को ये बोला कि सोना नहीं, और जब बैठा स्टार्ट किया गेम खेलते हुए अभी इस वक्त तक अभी तक मुझे नींद नहीं आई। तो वो ऐसे ऐसे होता है कि आपको बातों बातों में या गपशप में गानों में फिर भी बंदे को टाइम गप ऊपर से इतने सारे लोग हों तो फिर ज्यादा हो जाता है। और हाँ और एक बात ये भी बता दूं कि इसका टाइम से भी बहुत लिंक होता है, अब दिन में हम लोग बेशक सारा दिन गपशप करते रहे उसका माहौल डिफरेंट होगा, रात की गपशप का एनवायरनमेंट डिफरेंट। सुने गया क्या? वो सो गया। नहीं नहीं बाकर नहीं सोया होगा, नहीं वो सो गया, अब तो सो गया पक्का। वैसे तो वो लेट ही सोता है, आज तो टाइम काफी हो गया। विशाल पिताजी बुला रहे हैं उठ जाओ। लॉल आज वो थक गया होगा ना। बच्चों भाई आप सुन रहे थे ना, वो बोल के गया बाय बाय मैं चला जाता हूँ मुझे काम है। आप थे कभी? आपको लिंक था तभी उसकी लाइव चल रही थी मैं और आपको कोई हाथ धोने गया था कंप्यूटर के बाद हमने करने से पहले भाई जान
भाई जान इधर आवाज का बहुत ज्यादा मसला आ रहा है यार अब। हाँ सही है, सो जाओ भाई सो जाओ। बाद में सोने जाएंगे, 3 बजे तक बैठो। कौन सो रहा है? ये फाइज भाई, भाई वो टीचर है, उसको सुबह एग्जाम लेना है। फैजू रहमान भाई, फैजू भाई, हाँ फैजू भाई टीचर है। हमें ना दिखे कभी टीचर बने हुए। वो टीचर बन गए ना तो आप फिर कौन से सब्जेक्ट के टीचर है? लव आईटी के। मुझे तो लगा लव के टीचर। नहीं भाई, वो इनका साइड बिजनेस है। बहुत ज्यादा लगते हैं। रैक्स्टर भाई की बैटरी डाउन हो गई भाई। हाँ सही बोलना, क्या हुआ? बैटरी डाउन है ना। बैटरी डाउन है तो उसको चार्ज में लगाओ ना। टर्न राइट। रेमन भाई, हाँ भाई, अब धंधे में कितने आगे बढ़े? क्या बोले? अच्छा लड़की वाले धंधे में। अब तो समझो, मैंने तो सिर्फ धंधे में बोला। हाँ हाँ वो तो मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारा इशारा उधर ही है। मैंने कहा है कुछ बोला अच्छा भाई, मैंने कुछ बोला, मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बिजनेस में कैसे कहाँ पर पहुँचे वो बोला ना। बिजनेस आया कहाँ से जब मैं प्रोफेसर हुआ वाली बात है? फिर तो तुम्हारा इशारा तो ही था। लब गुरु लब बोला बस यार, साल दो साल में कर लेंगे शादी। हाँ करने तो पहले, अभी उनकी एंगेजमेंट भी हुई है, देखते हैं उसके बाद हम। नहीं मेरा एग्जैक्टली एक साल है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 8 महीने हो गया एंगेजमेंट का ना। तब मैं भी बात जल्दी करूँगा। अरे यार एंगेजमेंट ऐसे रहोगे कि 2 महीने ही बचे हैं, उसमें भी 7 दिन कम। सही, कोई बात नहीं। उसके बाद यार ये एक्टिविटीज बहुत कम हो जाएंगी, पता है जी लो अपनी। नहीं वैसे मैं एक बार बताऊं, मतलब मुझे बोलते बहुत लोग हैं, मैं उनको बोलता हूं कि भाई गेमिंग का शौक नहीं खत्म होगा, क्योंकि ये बचपन से है, कल आपको बताया ही है, खत्म तो नहीं होगा बट इतना मुझे पता है कि टाइम कम हो जाएगा इसके लिए। नहीं ना वो देखो ना कि अब टाइम हमारे पास लिमिटेड होता है ना, ऑब्वियसली अगर शादी करनी है तो उधर भी टाइम देना, कुछ ना कुछ तो टाइम देना होता है ना, तो अब जॉब भी करना ये भी करना। हाँ बादशाह भाई बताएं जरा क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? How are you managing your game life? And your marriage life, Rockstar भाई। Married life क्या सब अच्छा चल रहा है? कल इंशाल्लाह खेलेंगे, ठीक है जा रहा हूँ मैं। Okay। और भाई बोल रहा है ना थोड़ी activity game वाली कम हो जाएगी उस बात। मतलब at least इतना होगा कि शुरू में तो कम हो जाती है, कुछ साल बाद में जाके शायद फिर से सेट हो जाएगी। Depends on you कि आप किस चीज को कितना टाइम देते हो। हाँ आप जिसके साथ शादी करोगे उनको भी टाइम दोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास टाइम रहेगा नहीं। हाँ ये तो है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी। हाँ प्रायोरिटीज चेंज होती है ना। वही एक चीज मैंने भी किया है। अब जैसे ये देखो ना कि फॉर एग्जांपल कि आप तो भाभी स्ट्रीम देखती है नहीं देखती? नहीं अभी नहीं देखती, और मैंने अभी शेयर भी नहीं की। अभी मैंने अपने रियल सर्कल में किसी को अपना यूट्यूब का नहीं शेयर किया। हाँ हाँ वो तो पता चल ही जाता है, 40 वरना थोड़े उतने थोड़ी होते हैं। हाँ ये जेन्युइन वो ऑर्गेनिक मिला लो तो वही 500।
घर वाले और मेरा मतलब यहाँ पे काफी है सोशल सर्कल मेरा एक उसमें हूँ मैं गेमिंग ग्रुप में उसमें 150 बंदा है ऑलमोस्ट। बट मैं अभी इसमें से सिर्फ ये जालिम बादशाह जो नहीं गया ये सिर्फ उस गेमिंग ग्रुप में से है बट बाकी लोगों को नहीं मैंने किसी को एडवर्टाइज नहीं और हो किया। जाएगा तो फिर भेजना एक ही बार। हाँ यही मैंने सोचा ना कि जब हो जाएगा तो और अभी मतलब इतना मुझे पता नहीं है ना अभी थोड़ा कंट्रोल नहीं है शुरू में तो फैमिली और ये इन चीजों को भी नहीं इन्वॉल्व कर सकता ना क्योंकि ये अभी सब नया नया है मेरे लिए। सही बात है। वो बोलेंगे क्या पागल बंदा है ट्रक चलाता रहता है पूरा दिन। जब वो बाद में देखेंगे कि इतने लोग इसे देखते भी हैं फिर कहेंगे चलो ठीक है। हाँ सही है। हो गया हो ठीक है ना मत बता। ये क्या हुआ? ये अभी भी आवाज नहीं आ रही। मैं डिस्कनेक्ट होके दोबारा आनी पड़ेगी। हाँ आ जाएगी वेट आ जाती है बट आ गई रेक्स्टर भाई व्हाट टू डू नाउ इसको बस डिस्को हम तो चले आप सोने। बताओ भाई मैं बस तो भाई ये बोलो मेरी चार्जिंग तो अभी 50% है अपनी तो चार्जिंग वाला थोड़ा मतलब लेट अभी। मुझे तो कोई मसला नहीं है भाई। आप लोग जाओ सोने भाई आप लोगों का बहुत लेट हो गया आप लोग हमारे से आधा घंटा आगे हो वैसे ही। लेट तो हो हो गया गया है बट वो भी है ना कल 2 घंटे ही जाना है मुझे। 2 घंटे बस एग्जाम लेना है फिर वापस। रेक्स्टर भाई ये लोग जो है इनको डिस्कॉर्ड में बुला रहे हैं फेसबुक को। आप लोगों ने पार्टिसिपेट वो गेम में है ना लोग उनका बोल रहा हूँ कुछ गेम में चैट हाँ पे गेम वाले पूछ से रहे। बात की है मैंने। हाँ नहीं वो फाइज भाई पूछ रहे कौन लोग मैंने कहा गेम वाले एक बंदा है वो पूछ रहा है FPS ड्रॉप हो रहे हैं ये वो कुछ बोल रहा तो मैंने कहा उसको डिस्कॉर्ड पे बुला लो। रेक्स्टर भाई यार एक और जॉब ले लो यार छोटी सी। स्ट्रीम मैसेज हो भी जा हाँ रहा है मेरा रिक्वेस्ट कर दो फायज भाई तो आपने मेरा थैंक यू मैसेज देखा ही नहीं। मैं चल जाऊंगा। कहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको नहीं वो कुछ और बोल रहा है कुछ और बोल रहा है। फायज भाई आपको थैंक यू मैसेज किया था मैंने एक डिस्कॉर्ड पे और कहाँ पे बट वो मैंने अपने सर्वर के चैट में किया था। ओके जरूर पढ़ो जाके अभी पढ़ सकते हो वही बस पढ़ो। लैपटॉप में स्ट्रीम तो लैपटॉप में चली। चैट में यार आज मेरी टांग में दर्द हो गया। अच्छा भाई हाँ बोलो कोई लाई कर रहा है। क्या कर रहा है लाई लाई कुछ किसी का लाई चल रहा है। लाइव मेरा मेरा चल रहा उमर है लाइव बोल रहा है लाइव यूट्यूब पे यूट्यूब पे। तो नहीं बोलने का मेरे को कुछ कुछ नहीं बोलने। फोन चार्जिंग ये डिस्कॉर्ड में लाइव मांग रहे बहुत लोगों नहीं पता होता फिर वो लेके जाते हैं वो चेंज करा के आ जाते हैं। ओके ब्रो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टेक केयर वी विल सी यू लेटर। हाँ वो क्या होता है वो लूज भी हो जाता है ठीक है। अगर तुम पूरा साफ कर दो ना फिर तुम फोन लगा के अगर तुम वायर पकड़ के फोन को वही साफ कर मैंने देते हो किया तो वो भी वही हो जाता है। अभी मैंने रेक्शन भाई आप बताएं मैंने इसके आने से पहले क्या बोला। कान में दर्द हो रहा मैंने यही चार्जिंग जैक के बारे में क्या बोला था इसके फाइल्स के आने से पहले वो होते साफ हो जाए और मैंने टेस्ट और क्या किया। इसके वो चीजें निकली थी अंदर से। हाँ मैं सोच रहा था इसके अंदर इतनी चीजें आई कैसे अरे पूरी जाती है चार्जर के पिन में नहीं होती है फोन में रहता है बहुत जरूरी नहीं काम है। मेरा नहीं पता क्या मैंने और मेरी मदर ने ना एक साथ फोन लिया था उनके फोन में नहीं था कचरा मतलब। बट ये उनका मेरे फोन में डिफरेंस है कि मैं
ऑफिस जाता हूँ ना, तो मैंने बाइक पे फोन होल्डर लगाया हुआ, तो बाइक पे लगाए रखता हूँ, तो रोड्स पे जितना कचरा धूल मिट्टी, तो मेरे में से इतना ज्यादा कचरा निकला, उनका कुछ भी नहीं निकला, उनका जैक अभी तक गुड एज न्यू। बट वो कचरा सही, पहले तो मुझे, पहले मैंने टिश्यू से वैसे ही साफ किया ना, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट फिर मैंने वो सेफ्टी पिन नहीं होती शार्प वाली पिन, उससे वो इतना गंदा जमा होता है ना ऐसे उसके और अंदर। ऐसा नहीं होता कि मतलब वो लोगों को लगता है कि पिन डालेंगे खराब हो जाता है, ऐसे कुछ नहीं होता नहीं नहीं। होता, बस वो उसके केयरफुली उसके किया, तो फिर मैंने सब का किया, मुझे मजा आया वैसे, पता है एक बार तब मजा आया, मैंने कहा कि चलो निकल रहा है बहुत, और वो सिर्फ तो इतना मतलब साफ होता है ना, वैसे अगर तुम ऐसे जब लूज हो जाए ना, जब चार्जर लगाओ अगर लूज लगता है तो फिर वो समझ जाओ कि अंदर गंदगी है इसलिए लूज लग रहा है, कि ऐसा नहीं होता कि चार्जर के पिन दब जाते हैं लूज वगैरह हो जाता है, वो गंदगी हो जाती है तभी लूज रहता है वो, और जो साफ हो जाता है तो हाँ फिर उसको वायर पकड़ के अगर फोन उल्टा भी करोगे टांग हाँ दोगे ना तो फिर वही गिरेगा फोन। वही मैंने आज वही टेस्ट किया, जब सही साफ किया तो उसमें वायर लगाया, वायर भी आज मैं नई लाया ना, कॉपर वाली जो फास्ट चार्जिंग करती है, पहले में तो वो, अभी मेरा इतना खुश हुआ ना मैं कि मेरा मसला हल हो गया, कि स्ट्रीम पे चार्जिंग इतनी जल्दी डाउन होती थी ना, तो अभी यह है कि अनलिमिटेड मैं खेल सकता हूँ, स्ट्रीम कर सकता हूँ, जब फोन बस सात चार्ज पे लगा दिया, और क्योंकि मेरा ये भी इश्यू होता था, चार्जिंग डाउन होती थी, फिर मैं फोन यूज भी नहीं कर सकता था, फिर मुझे चार्ज करना पड़ता था, तो अब वो इश्यू ठीक हो गया। ओह सॉरी 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 सॉरी, ठोक दिया बंदे को, तो बस वो सीन फिट हो गया, अभी मजा आ गया। चलो कोई कहानी सुना रहा है, मैं सोने जाऊं। शट डाउन मैं तो मार दी। कहानी, कितनी कहानियां सुनोगे? डिस्कॉर्ड अरे जब तक ये बना है तब तक सुनूंगा और क्या। राइट अब बस हो गई ना आपके पास, बैठे हुए हैं मेरे कहानी सुनाने के लिए, सुनाओ मुझे। आपके पास और कोई कहानी होगी? नहीं होगी ऐसी, नहीं नहीं मेरे पास है। तो बहुत सारी है। बट स्केरी से निकलो ना, स्केरी को छोड़ दो, अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, हाँ वो कोई भी है। कोई फनी इंटरेस्टिंग या फनी कहानी सुनाओ ना। कहानी हाँ मुझे सुनाओ। हाँ सुनाओ। आप बोला के रहने दो हमें नहीं सुनने की। हम साला पेट्रोल पंप से बाहर निकले कहानी भी बोलो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। लाइव स्ट्रीम फ्रेंडली होनी चाहिए बस कहानी। हाँ ये क्या एक्स्ट्रोवर्ट ट्रेलर लेके क्यों खड़े हुए? आपने डाला छोटा जो अपने मैं उस वक्त कैसे ही घूम रहा हूँ खाली, अभी जॉब लेके आता हूँ, रुको। हाँ जॉब ले लो और F9 का बटन दबा देना, यहीं पे आ जाओ। F9? कंट्रोल F9 मतलब। अच्छा फ्यूल भरने जाते हो क्या करने? फ्यूल भरने? करते फ्यूल से बाहर निकल ही नहीं रहा, उसका फ्यूल फंस गया। अबे तेरी जिंदगी में पेट्रोल पंप को छोड़ के और कुछ है? फैज भाई आपने सीन पूरा मिस कर दिया बहुत। अरे बात सुनो मुझे, क्या करते हो मैं आपको बताता हूँ, आपको सुनकर बड़ी हंसी आएगी। चलो फिर सुनाओ, फिर सुनाओ, हंस, अभी तक तो रोना ही आ रहा था, अभी हंसाओ हमें। मुझे तो आगे भी रोना दिख रहा है। चलो सुनाओ ना, मे भी कोई हंसी हो इसमें। बंदे आते हैं अच्छा करते हैं, पहले बोलेंगे 3 मिनट डाल दो ठीक है, फिर हम उससे पूछेंगे कि आपके पास चिलर होगे, कॉइन कॉइन होगा तो नहीं तो क्या करें, तो बताओ फुल कर दे, तो पहले क्यों बोलते हैं 3 लीटर डाल दो। अच्छा समझ गया, मतलब पहले बोलते हैं 3 लीटर डाल दो हमको, हम क्या करेंगे 3 लीटर डाल लेंगे।
तुम देते क्यों उनको ऐसे, वो नली बस सुना देना लिए लो तुम लोग जाओ। ऐसे नहीं चलता ना यार, सभी हम सुबह में जब बाहर जाता हूँ ना फिलरमैन के पास तभी जिगर भाई एक सेकंड ये क्या बोलते हैं फैसल भाई, वी सिंक ऑन ही रखो बट उसको 30 से 60 एफपीएस पे कर दो, 60 एफपीएस से ज्यादा जरूरत नहीं है, अनलिमिटेड एफपीएस मत करो, उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होती है और आपका सीपीयू जीपीयू ज्यादा यूज होता है। डिस्कॉर्ड है आपके पास? डिस्कॉर्ड? हाँ बोलो जिगर भाई बोलो। जब मैं सुबह काम करके फिलामेंट के पास जाता हूँ ना, तभी अमुक बंदे ऐसे आते हैं सुबह सुबह, बंदा अकेला ही होता है सुबह तो, मैं थोड़ी भाग करने जाता हूँ उसकी सुबह सुबह, तो अमुक बंदे ऐसे आते हैं क्या बोलते हैं मुझे फास्ट कर दो, मुझे फास्ट कर दो, मुझे फास्ट कर दो, फिर मैं बोलता हूँ थोड़ी धीरज रखो फुर्सत में निकलो। हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ऐसा करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा होता है कि माइंड फ्रेश होता है, तो ये सब चीज लिख के आते वगैरह थोड़ा टेंशन फ्री होके बाहर मस्त, अभी ठंडी मस्त पवन चल रही है तो उधर 15-20 मिनट बैठूंगा। जिगर भाई आप उसमें मेरे डिस्कॉर्ड के सर्वर में हो? हाँ उधर आ जाओ, मैं ये कहना चाह रहा था, मैं ये कह रहा हूँ ये जिगर भाई है उधर, बादशाह तो है, मैं लिंक भेज रहा हूँ जिगर एक्सेप्ट कर लेना। हाँ जिगर भाई ये देखो आपको लिंक भेजता हूँ, इधर आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, मेरे को नींद आ गई। हाँ चलो ठीक है सो जाओ, मैं क्या ही बोलूँ अभी, मतलब मेरे दिमाग में अभी बस वो पेट्रोल पंप का। आप लिंक भेजो मुझे, मैं भेज रहा हूँ, तुम करो पेट्रोल पंप मालिक के साथ बातें। मालिक तो सो गए हो, वो अभी आपको ही मालिक समझ रहा है। रेक्स्टर भाई इसको डीएम कर दो और फैसल को भी वीसी में बुला लो। स्टोरी के नाम पे धब्बा था। एक कैंडीमैन फिर से आया। अब रेस खत्म हुआ भाई, सो नहीं पा रहा हूँ आज। क्या हुआ कैंडीमैन? जीविन भाई कैसा, उमर भाई कैसा, सब सब रात को क्या कर रहा है इतना? सब ठीक है, तू कर क्या रहा है? अरे वो आज फार्मूला 1 का रेस था ना, वो देख रहा था। वाह अब भी खत्म हुई, सही बात है। अच्छा उधर मेरे डिस्कॉर्ड आया जिगर भाई मेरे डिस्कॉर्ड का? उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें ना रूल्स वाला एक होगा, रूल्स पे ना ऊपर ऐसे थम्स अप पे क्लिक करोगे ना, फिर आपको लेफ्ट साइड में वॉइस चैनल नजर आएगा उसका स्ट्रीमिंग वाला, उसमें आ जाओ, वहां पे दुबई का सर्वर है ना तो उसमें आवाज बिल्कुल नहीं ब्रेक होती। बादशाह भाई आपने सोना सो जाओ, कैंडी मैन तुमने आना है उधर। हाँ उधर आ जाओ, इसे अच्छा भाई उधर आ जाओ, स्ट्रीमिंग में जहाँ पे रेक्स्टर बैठा हुआ है, मैं भी उधर जा रहा हूँ, ये स्ट्रीमिंग का वॉइस चैनल है। हाँ आपके इसमें क्या? नहीं मेरे वाले डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीमिंग में नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, इसको क्या बादशाह भाई को बोल रहा हूँ कि आप भाकर को निकाल के जाना, निकाल
अच्छा किक कर देता हूँ उसमें, क्या है किक नहीं करो, डिस्कनेक्ट करो भाई, डिस्कनेक्ट। फैसल भाई डिस्कॉर्ड में आपको वीसी अगर नहीं शो हो रहा तो आप उस पे रूल्स में जाओ और उस पे थम्स अप का रिएक्ट पे क्लिक करोगे तब वो वॉइस चैट शो होगा स्ट्रीमिंग वाला, उसको ज्वाइन कर लो। अच्छा ठीक है, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। आ जाओ आ जाओ। और भाई सब आ गए? हाँ तो गए, अब वो पता नहीं जिगर को कोई मसला ना हो। अच्छा वो ना आए उसका पेट्रोल का स्टोरी ने तो मका दी अरे उसकी जिंदगी पूरी पेट्रोल पंप में ही है। हाँ बीबी को भी वही सुनाएगा, उसकी बीबी भाग जाएगी उसकी बीवी बोलेगी यार कैसे बंदा है दिन भर पेट्रोल पंप पे रहता है भाई वो सुन रहा है, सुन रहा है और क्या सुनने दो, उसने थोड़ी कुछ बोला हाँ जिगर भाई ये क्या बोल रहा है? हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या, ब्रेक हो रही है क्या? नहीं नहीं सही है, क्लियर है क्लियर क्लियर। पहले आई नहीं क्या आपका आवाज? मैं पहले भी कुछ तो बोला, आप हंसे थे कुछ बोले तो नहीं थे? एक्स्ट्रा में मुझे लगता है इसके पास फैसल के पास माइक नहीं है कुछ, वीसी में नहीं आ रहा ना। बस 800 किलोमीटर की है और ट्रैफिक नहीं है तो जल्दी हो जाएगी। एक्स्ट्रा भाई लास्ट ही है ना फिर ये? मेरी तो आज चार्जिंग हाई है भाई, मुझसे तो जो करवाना करवा लो बट आपकी बैटरी लो हो जाएगी। और बादशाह भाई दिवाली कैसी थी? बढ़िया भाई। चकली खा ली कि नहीं दादा? आए ना अजून आए घरी आले ना पर दररोज चार पाच खाते लाडू। हां बेसनचे लाडू आणले ना? अरे फेवरेट आहे भाई आपले। हां मला पण आवडतं। अबे ये कौन सी जुबान है मैं भी बताओ? अरे ये मराठी है। मराठी महाराष्ट्र में बोलता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो होते हैं तेलुगु लोग होते हैं ये ऐसे जब जो हिंदी या उर्दू बोलते हैं तो उनका मतलब ऐसे परफेक्ट नहीं होता, वो ऐसे रुक रुक के बोलते हैं। हाँ मतलब ऐसे उनका डिपेंड है। हाँ उनका तो अभी देखो जो हिंदी बोलता है बचपन से बोल पाता होगा, मतलब वो वर्ड्स को ब्रेक कर करके बोलते हैं। जैसे ये लेलूच है इसको भी तेलुगु आता है, और वो मिस्टर स्ट्रेंज है और एक और उस दिन आया, तो उन तीनों में मैंने सेम चीज नोटिस किया। जैसे आप लोगों का हिंदी बिल्कुल स्मूथ है ना, अब आप एक जगह से हो और बाकर गुजराती है बट उसकी हिंदी कितनी स्मूथ है, उस तरह उनकी नहीं होती, वो ऐसे वर्ड्स को तोड़ तोड़ के बोलते हैं, उनकी समझने के लिए बात पे फोकस करना पड़ता है। सही है भाई, आप कौन से किलर हो अभी रशिया में? नहीं नहीं भाई जब से वो नया अपडेट आया मैंने खेला ही नहीं, सब डीएलसी लगा के बैठे हैं भाई, कितने डीएलसी। वो बेचारा समझ रहा था क्यों पूछ रहा है कि सच में रशिया में हूँ क्या नहीं अभी रशिया, और अभी लिटरली कोई भी मॉड नहीं डाला कैंडी मैन भाई, अगर आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, एक भी मॉड नहीं डाला तो भाई। बट एक बात बताऊं, बहुत दिनों के बाद मॉड के बगैर चलाने का मजा आ रहा है, रियलिस्टिक फीलिंग आ रहा है। व्हील पे तो फुल फन होगा भाई। हाँ बट मैं एक बात बताऊं, वो 2000-4000 इंजन पे ना फन खराब हो जाता है। क्यों ऐसा? मतलब बगाते हैं ना सब लोग, उसका थोड़ा मजा डिफरेंट होता है, उसका अपनी जगह मजा है बट इसका का मतलब ही
बिगड़ जाता है। हाँ स्पेशली स्पेशली लेलुच को देखो तो, लेलुच भाई तो भाई लगता है कॉन्वॉय में खाली हमारे प्रैंक करने आते हैं। उसका तो क्या प्रैंक करते हैं, उसका उसका अपना अकेला कॉन्वॉय चलता है, वो हम लोग एक साथ जा रहे होते हैं, वो एटलीस्ट हमसे ना कोई 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आगे जा रहा होता है अकेला। और और एक बात भी अगर उसे कोई बोलो ना बात करने के लिए तो वो बोलता है कि मैंने पुश टू टॉक पे लगाया हुआ है तो बटन दबाने के लिए मुझे कष्ट करनी पड़ती है, तो मैंने उसे बोला पुश टू टॉक हटा दो सिंपल, बट वो बोलता है नहीं पुश टू टॉक भी नहीं हटाना और पुश टू टॉक के लिए बटन दबाते हुए भी तकलीफ होती है। मैंने भी माउस पे रखा है ना पुश टू टॉक, तो कीबोर्ड अगर पीछे लेके बैठ के खेलेंगे तो वो बहुत दूर पड़ जाते हैं। ओके हाँ तो वो बस ये सीन है। फोर्ज़ा होराइज़न भी ट्राई कर लो यार, वो मैंने करनी है और मैं पहले खेलता था बट अभी ये मसला है कि उसमें ऑनलाइन प्लेयर्स का क्या करूं, अकेले खेलूंगा फिर मैं उसमें फायदा नहीं। मेरे पास परचेस पड़ी हुई है बट ये ऐसे मजा नहीं आता ना, गपशप मजाक स्टोरी ना। और अभी हर रात लेके आते हो भाई, स्टोरी तो बस आ जाती है। मैं रात को अभी ये आधे लोग तो सुनाते नहीं, ये बोलते हमारी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। अरे तीसरा टाल दे टाल देते दो मिनट बाद, क्या टाल दे टाल देते दो मिनट बाद मुझे छुट्टे। चलो ये कौन गया? हाँ जिगर आया था ना, आया है जिगर इधर चुप चुप करके बैठ नहीं जिगर में जिगर खामोश रहता है बट जब बोलना स्टार्ट करता है तो फिर वो ऐसा बोलता है कि क्या बताऊं। अच्छा जिगर को बोलते हो तो नहीं सुना भाई, आज आपने नहीं सुना बादशाह भाई इसको बताओ ये नहीं बोलता क्यों बोलता है। तुमने कौवा सुना है? कौवा बस काम करता है, वैसे जिगर है, जिगर वो बस जिंदगी में बस पेट्रोल पंप ही करता है। करता वो जिगर वही है। अभी आपके आने से पहले क्या बोल रहा था ये बादशाह पता है? हाँ बताओ बताओ बादशाह भाई बताओ। अरे मैं बोल रहा था ये कितना पेट्रोल पंप करता है, ये जब शादी करेगा इसकी बीवी को घर जाके फिर पेट्रोल पंप के बारे में सुनाएगा, इसकी बीवी भाग जाएगी। अभी शादी ना, अभी पेट्रोल पंप सुनूं मैं नहीं। वो बोल रहा है जब तक शादी होगी तब तक मैं इस पे अपने पेट्रोल पंप वाली फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लूंगा। नहीं मेरी बात सुनो, अब सब बात सुनो। सुनो सुनो अब बादशाह भाई ने बोला ना कि मेरी बीबी आएगी तो उससे भी पेट्रोल पंप की बात सुनाऊंगा। हाँ ठीक है। हाँ तो आदित्य भाई मैं इधर ही मेरा बिजनेस करूंगा और इधर ही शादी करूंगा मैं। बट एक काम करना, उधर आग मत जलाना, उधर गलती से भी आग मत जलाना वरना। बट सुनो आग मत लगाना उधर वरना फिर उधर पेट्रोल पंप के बजाय खाली जमीन रहेगा उधर, फिर गाली खाली जमीन पे। या बोलो बोलो बात सुनो। एक सेकंड जिगर भाई एक सेकंड। रेक्स्टर भाई वो फैसल थोड़ा पीछे रह गया, ऐसा करते हैं उसको आगे चलने देते हैं, हम लोग पीछे चलते हैं और नेक्स्ट फ्यूल स्टेशन पे रुकना है ये आगे जो आ रहा है। हाँ बोलो जिगर भाई।
यहाँ पहले जॉब देखते हैं बंदा क्या कर रहा है, बाद में शादी वगैरह होगी, उसके पहले जॉब, इसके पास कितनी लैंड है, उसके जमीन। सेम इधर भी ऐसा ही होता है, इधर भी सेम ऐसा ही होता है कि अभी आजकल तो ट्रेंड बन गया है भाई शादी के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हो। फैसल फैसल भाई देख के टर्न शार्प स्लो जगह ही दिया भाई उमर भाई आपने तो क्या आपके स्ट्रीम देख रहा था सीधा जगह ही दे दिया आपने बहुत सारा उसमें ना जगह देता सीधा आके घुसता बीच में वो तेज आ रहा था वो हो गया धीरे हो गया चढ़नी रिस्की ट्रक शायद। अच्छा कैंडी मैन तुम क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हो? स्टीयरिंग कर रहा हूं मस्त। नहीं नहीं मतलब अभी क्या कर रहे हैं? जिंदगी के साथ क्या कर रहे हैं? मजाक चल रही है जिंदगी के साथ प्रैंक कर रहा है प्रैंक ले लो चला प्रैंक कर रहा आगे चल रहा हूं पीछे मेरे जोर में सबसे आगे ये जब वो शुरू में भी ETS 2 में आता था ना तो क्या बोलते हैं उससे मैं और एक्स्ट्रा भाई यही डिस्कस करते थे कैंडीमैन गायब हो जाता है बीच में और उसका वही सीन है एक आता है बस कुछ करता है और गायब हो जाता है। इसी तरह जब ये इसका ITVTC का टेस्ट था। अच्छा अरे ITVTC के टेस्ट के टाइम तो बादशाह भाई भी थे। अरे आप थे ना डिस्कॉर्ड में वो एक बंदा आके बोल के गया मुझे टेस्ट देना कि नहीं। फैसल भाई रुको इधर फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल चाहिए मुझे। हाँ ना फिर वो लॉन्ग टाइम है इतना टाइम नहीं खेल सकता मैं शॉट के लिए सही फन लगता है। हाँ बस बट उसमें यही होता है ज्यादा गपशप का मजा आते हैं बस रास्ते देखते हैं। कॉम्बो वाला तो सही चीज था भाई मेरे को मालूम ही नहीं था मैंने एक दिन ऐसे डाला फिर देखा। हाँ ना मुझे भी गेम के पैसे कॉन्वॉय के बाद पूरे हो गए। पहले बट आज तुम लोग के लिए कितने प्लेड आर्स है मैंने देखा ना बहुत है भाकर भाई के तो अभी दो चार महीने में 300 हो गए मेरा बाप रे मेरे भी इतने होंगे 300। मैंने एक गेम 3 साल खेला तब जाके मेरे 1200 घंटे हुए थे उसपे 3 साल लिया मैंने। एक्स्ट्रा भाई वो पूछ रहा क्या हो गया कौन आपको पूछ रहा क्या हो गया बादशाह भाई नहीं खेल रहे क्या कुछ भी नहीं हुआ उनकी बस थोड़ी बैटरी डाउन है मुझे लगता है उनको नींद आ रही है। बादशाह बारिश हो रही थी कल परसों इधर अब क्या हुई हो रही थी हमारे यहाँ दिवाली के दिन हुई। अरे बाप बहुत जोर से हुई क्या नहीं एक ही ऐसे ही मतलब यहाँ पे बहुत जोर की हो रही थी दो दिन मस्त अभी होगा आज भी होगा और कल भी होगा बारिश किया है क्या है? ये एक तूफान आया है क्या बोल रहे हैं एक्स्ट्रा भाई एक मुंबई के पास एक तूफान आया है। हाँ मैं इसलिए लॉल मैं रॉन्ग साइड पे इसलिए चला रहा हूँ ताकि आप लोग मुझे ओवरटेक कर लें। बादशाह भाई भाई बूज का कुछ किया कि नहीं फिर नहीं भाई अपनी बहन कोई है नहीं अरे हाँ हमारे सब भाई हैं और वो ये भी था ना उस दिन क्या बोलते हैं उसको गुड़ी पाड़वा भाईजान जो भी बोलो ये सोच के बोलना कि लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। इसको बोल रहे हो आप दोनों को हमें पता है क्या बोलना है क्या ना बोलना है। मैंने कहा रात के 3 बज रहे हैं तो कुछ नहीं भाई NNN चल रहा है ना फिलहाल तो चलो बच्चा भाई आरसी में इधर आरसी क्या होता है रिमोट कंट्रोल आरसी क्या होता है समझ गए ना बच्चा भाई
नहीं हम तो नहीं समझे, हमें भी समझाओ। मैं भी नहीं समझा भाई। आरसी गूगल करके देखो, गूगल पे शायद आएगा। या फिर अगर इसका खुद का बनाया हुआ एब्रीविएशन हुआ फिर नहीं आएगा, फिर इसी की डिक्शनरी में मिलेगा। क्या रजिस्टर्ड कंपनी आ रही है भाई? चलो बादशाह भाई जाओ रजिस्टर्ड कंपनी में। रात के 3 बजे कौन सी रजिस्टर्ड कंपनी में जाना है इसने? भाई स्टार्टअप होने वाला है बहुत बड़ा भाई। टर्न राइट। उमर भाई के स्ट्रीम पे बहुत बड़ा स्टार्टअप डिस्कशन हो रहा है। अच्छा सुनो कैंडीमैन भाई, पता क्या हुआ आज सुबह? मैंने स्ट्रीम की 2 घंटे की। हाँ। 500 व्यूज आए उस पे। ओ भाई। अभी सिर्फ 42 सब्सक्राइबर्स हैं। कल स्ट्रीम की थी 45 हो गए ना? अभी हुए होंगे 45। अभी 7 व्यूज है। आज तो आ रहे आपको लास्ट के 2 वीडियो में तो बहुत तोड़ी है। हाँ ना, इससे पिछले में। और उसका वॉच टाइम भाई इतना ज्यादा, 13-14 घंटे वॉच टाइम। वॉच टाइम मेरा बहुत बूस्ट चल रहा है अभी। वो मैंने वो अभी उस पे रूल लगाया ना कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स चैट में मैसेज कर सकते हैं, तो अब जिसको भी चैट में मैसेज करना तो सब्सक्राइब कर लेता है। बट क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़े थे, वॉच टाइम तो बहुत आ रहा था। वो मैंने रैक्स्टर भाई को दिखाया, मैंने कहा बहुत फिट परफॉर्मेंस जा रही है। आपके पाकिस्तान में और भी ETC वाले यूट्यूबर होंगे, बट स्टेयरिंग वाले मुझे कम है बहुत। इंडिया में तो नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ डिफरेंट कंटेंट की बात है ना। अब जैसे प्रो मॉड्स मैं इसी वजह से खेलता हूँ कि उसमें न्यू लोकेशन देखने वाली होती है। अब आज एक लड़का है वो ETS2 खेलता है ना इधर पाकिस्तान का, बट वो ये है कि नहीं खेला नहीं है, वो बस स्ट्रीम देख रहा था। बोलता है कि मैं प्रो मॉड्स देखना है, तो मैंने कहा स्ट्रीम देखो। फिर बैठ के स्ट्रीम देखता रहा है वो, मेरी रशिया का प्रो मॉड दिखाया उसे। सही है ये प्रो मोड वाली चीज, सही लगी मेरे को। हाँ कल की स्ट्रीम 6 घंटे की प्रो मोड से ही तो हुई है, मतलब ना कॉन्वॉय भी कितना बड़ा था। हाँ ना उसमें मैंने बीच में 300 किलोमीटर सिर्फ टेलीपोर्ट मारा। वो भी इस वजह से कि मेरा एक इश्यू था ना पहले, आपको भी बताई, सुनी नहीं सुना होगा आपने। वो मेरा इशू था कि फोन की बैटरी ना स्ट्रीमिंग पे 4 घंटे। मैं था ना। हाँ वो आपने बोला भी कि मैंने फोन बंद होकर दूसरा लगाया था। हाँ क्योंकि बैटरी चली जाती थी ना, तो अभी वो इशू रिजॉल्व, क्योंकि एक फोन साथ अब चार्जिंग, क्योंकि मेरा वो चार्जिंग जैक लूज हो जाता था फोन का। उमर भाई व्हाई फोन इज नीडेड इन स्ट्रीमिंग? तो ये आपने मेरी स्ट्रीम देखी नहीं है? नहीं। देखो ना जाके फिर बताओ ये क्यों चाहिए। समझ नहीं आता, फोन में OBS चलाते हो? नहीं, जाके स्ट्रीम देखो, जाओ बादशाह के प्रमोशन, सॉरी बादशाह बोल रहा हूँ, बाकर के प्रमोशन चैनल में जाओ, अभी लाइव स्ट्रीम खोलो। मैं अभी आपका सब्सक्राइब किया। हाँ सब्सक्राइब करो, देखो वीडियो, फिर बताओ क्यों चाहिए फोन। अभी बादशाह भाई जैसे बोल रहे हैं ना, मुझे कंफर्म पता है कि ये नींद में बोल रहे हैं। नहीं मैं गेम खेल रहा हूँ, खत्म करके जाता हूँ। बादशाह भाई आपको इन लोगों ने वो सीन बताया था? कौन सी? जब एक दिन आप हमारे साथ VC में बैठे थे और आप सो गए थे। अरे मैं भी हाँ इन्होंने जल्दी से आपको डिस्कनेक्ट मार दिया, वरना मैंने इनको आइडिया दिया था रिकॉर्डिंग कर लो बाद में उनको सुनवाना। फोन से आते होगा डिस्कॉर्ड पे बाद में? हाँ कभी कभी। आप फोन से शायद थे उस दिन, आप सो गए थे और आपके सोने की हमें आवाजें आ रही थी। फिर थोराट के रेस्टोरेंट जाओगे? थोराट रेस्टोरेंट का नाम है। थोड़ा तो स्लो चलो भाइयों, मुझे पीछे छोड़ दिया। गए आप? हाँ भाई मेरे को उधर बहुत जाने का मन है।
घराचं जवळ आहे आमचं. हा मेरा आज एक दोस्त गया था, मतलब वो पुणे में था. काय नाही बंकस दे तो मला नाही आवडलं. नाही अच्छा आपने मामलेदार का खाया? मामलेदार का नहीं खाया यार, मैंने काटा कीर खाया है. ओ, उसके बाद मैंने रिसल भी अपना बहुत सब खाया है. ओ, झकास फेमस है. हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि साल में एक बार, अभी तो लॉकडाउन जैसे नहीं आया बट ऐसे आता है, सब टाइप का मिसल मिलता है फिर. अच्छा ओमेर भाई. यस ब्रो. जिगर ब्रो बोलो. गुजराती आ गई आपको? नहीं मुझे क्यों आती है गुजराती. ओमेर भाई आपका फेवरेट डिश क्या है? मेरा फेवरेट डिश मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा है. व्हाई योर फोन इज इन्वॉल्वड इन योर स्ट्रीम? भाई स्ट्रीम वीडियो देखी आपने? मैं देख ही रहा हूं. हां तो उसमें एक गेम चल रही है, दूसरा क्या चल रहा है उसमें? स्टीयरिंग व्हील चल रही है और दूसरा क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा. स्टीयरिंग व्हील दिख रहा है ना? हां स्टीयरिंग व्हील तो दिख ही रहा है. हां तो वो किससे चल रहा है सोचो ना. मोबाइल के कैम से चला रहा है वो. मोबाइल के कैम से चला रहे वो. गेट रेडी टू टर्न राइट. वो डायरेक्ट पीसी में कनेक्ट नहीं होता है क्या? मतलब वो सेम वाईफाई पे रात तो भी होता है. हाँ नहीं मतलब देखो ना सुनो, आपको शॉर्ट टर्म बताता हूँ. मैं ये स्ट्रीमिंग बहुत पहले स्टार्ट कर चुका होता बट मेरे जहन में आइडिया नहीं आया. मुझे उस दिन पता नहीं किसने आइडिया दिया था जब मैंने स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया था. मैंने उनको बोला मेरे पास स्टीयरिंग व्हील है तो मैं ये हमेशा सोचता था कि मुझे एक गोप्रो का, पता है ना आपको, गोप्रो लेना पड़ेगा. उसका फेस वाला माउंटिंग वाला लेना पड़ेगा जिससे वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होती ड्राइविंग ऐसे. हाँ पीओवी. तो मैंने बोला कि वो खर्चे वाला काम है और वो मुश्किल काम भी है तो मैंने उसको नहीं इतना इंटरेस्ट लिया ना. बट फिर जब ETS 2 के कॉन्वॉय आया मोबाइल से आपका कैमरा बना. हाँ लेट समझे बट समझ गए. तो मैं इस उसका GoPro तो बहुत महंगा आता है और फिर मैंने मतलब इतना सीरियस नहीं लिया ना उस टेंशन की वजह से. मैंने कहा यार ये भी करना पड़ेगा वो भी करना पड़ेगा. तो फिर मुझे उस दिन किसी, अबे भाई रैक्स्टर भाई यार कहीं भी स्पॉन हो जाते हो, कहीं भी स्पॉन हो जाते हो. सही है इधर सामने आ? ना मुझे लगता है वो सो गया है. हाँ तो साइड रोड के साइड में स्पॉन किया करो ना, रोड के दरमियान में स्पॉन करोगे. अभी ठोकने लगा था मैं तो. हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि वो पीओवी कैमरा की वजह से कभी मैंने स्ट्रीमिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं सोचता. मैं पहले भी रहता था, बल्कि इवन जब मैंने स्टीयरिंग व्हील बाय किया मुझे घर वाले बोले थे पागल हो तुम इतने पैसे खर्च कर रहे हो, स्टीयरिंग व्हील क्यों बाय कर रहे हो. बाइक मैंने उनको ऐसे स्टोरी डाल दी. मैंने बोला कि यार इससे ना मैं पैसे कमाऊंगा, मैं यूट्यूबर बनूंगा. मैंने उस वक्त बोल दिया बट उसके बाद कभी सीरियस नहीं लिया. तो ETS 2 के कॉन्वॉय जब आए फिर मैंने बोला यार ये अच्छा कॉन्टेंट हो सकता है, ऐसे हम सब लोग गपशप भी करते हैं और जॉब भी करते हैं और शुगल भी लगाते हैं तो मुझे करना चाहिए. बट वहीं पे आके मैं फंस गया कि यार अभी पैसे खर्च करने पड़ेंगे, GoPro बहुत महंगा है, कोई नॉर्मल कैमरा भी लूँ तो बस. वो ऐसे होता है ना कि आपको लगता है काम मुश्किल है तो आप नहीं करोगे. तो वो फिर मुझे किसी ने, मुझे लगता है फैज भाई ने, मुझे याद भी नहीं, किसी ने मुझे आइडिया दिया. मैंने कहा ऐसे हम खेल रहे थे एक दिन तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा यार मैंने भी स्ट्रीमिंग करनी थी बट ये, तो उन्होंने बोला कि आप फ़ोन का कैमरा क्यों नहीं यूज़ करते. अभी मुझे ये नहीं पता था कि फ़ोन के कैमरा से हो सकता है स्ट्रीम ना. आप कौन सा ये यूज़ करते हो एप्लीकेशन? ड्रॉइंग? नहीं वो कोई है एक छोटा सा 4 MB का है, आयरियन के नाम से, IRIUN. मैंने भी वाइवा में यूज़ किया. हाँ तो वो मुझे उसने बोला कि ऐसे आपको केबल भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ फोन को वाईफाई से कनेक्ट करो और पीसी में वो उसकी सर्वर लॉन्च करो और उसको OBS में इंटीग्रेट कर दो तो वो आपका हो जाएगा. फिर मैंने वहां से इंटरेस्ट लिया. फिर मुझे ऑलमोस्ट, क्योंकि मैंने कभी पहले काम किया नहीं ना, तो 4-5 दिन लगे मुझे ये फिगर आउट करने में. फिगर आउट क्या मतलब, बहुत सी चीजें फिगर आउट करने में और ये जो ओवरले बनाया,
इसमें भी वो स्टीम एलिमेंट्स के अंदर ये सेटिंग वेटिंग सारा करने में 4-5 दिन मेरे लग गए, बट अब मुझे आ गया ना, अब एक्सपीरियंस हो गया, मैंने कहा बोलो अच्छा है चलो। तो अभी रोज नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती हैं, एक्सपीरियंस गेन करें, नॉलेज गेन, मुझे अच्छा लगता है एक्सपीरियंस नॉलेज गेन करना किसी भी चीज का। तो बस आइस रोड पर कर देखा है जो हिस्ट्री टीवी 18 पे आता था? नहीं, बहुत से आते हैं, मैंने देखी तो है यूट्यूब पे वीडियोस, बट अभी आपको बताऊं जब से स्ट्रीमिंग स्टार्ट किया ना, तो मतलब या जॉब होता है या स्ट्रीमिंग होता है या सोना होता है या खाना होता है, बाकी सब दुनिया से डिस्कनेक्ट मारा हुआ है अभी फुल। मतलब मैंने अपना फोन भी ऑब्वियसली D&D पे लगा के स्ट्रीमिंग पे लगाता हूँ, तो लोग कोई कॉल्स कर रहे होते हैं, वो आपको बताया था ना उस दिन के मेरा प्रिंटिंग का भी काम है, तो कभी प्रिंटिंग के भी ऑर्डर्स के लिए मुझे कॉल आती है, तो वो मैंने वैसे स्टेटस लगाया था व्हाट्सएप पे कि मैं अभी इन दिनों बिजी हूँ, तो मेरा फ़ोन भी बिजी होता है, तो अगर किसी को अर्जेंट करना है तो भाई को कॉल करे, अगर किसी को वेट कर सकते तो व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दे, मैं बाद में रिस्पॉन्ड करूँगा। तो 2-3 घंटा मुझे वीक के दौरान टाइम मिलता है पर डे स्ट्रीम करने का, और वीकेंड पे ज़्यादा मिलता है, तो उसमें मैं करता हूँ जितना हो सके। बट ये अभी तक ये इश्यू चल रहा था ना वो चार्जिंग वाला, तो मुझे ये करना पड़ता था कि फ़ोन चार्ज, वो भी फ्रस्ट्रेटिंग काम था थोड़ा, बट अब टेंशन फ्री हो गया, अब आपको स्ट्रीम भी ज्यादा नजर आएगी मेरी। उसी तरह फोन तो मेरे यार, फोन का ना मुझे शौक नहीं था, तो फोन मेरे पास है हुआवे का Mate 10 Lite, आज से कोई 4 साल पहले ना नया नया आया था, उस वक्त के हिसाब से अच्छा था, बहुत सही अच्छा कैमरा उसका, कैमरा तो 1080 है उसका, अच्छा लग रहा है आपको स्क्रीन पे देखो, 16 मेगापिक्सल आई थिंक मुझे लगता है, बट आजकल के हिसाब से ये फोन काफी डाउन है। तो फोन का मुझे शुरू में ना जब पीसी का शौक कम था, मतलब पीसी का शौक तो मुझे बचपन से था, बट फोन का शौक मुझे बीच में पड़ा, और वो बहुत गंदा शौक था, पता है उसमें मेरे 2 लाख रुपए ऑलमोस्ट वेस्ट हुए, फोन खरीदता था बेचता था और ये भी नहीं देखता था कि भाई नुकसान हो रहा है क्या हो रहा है, और एक दो दफा तो फोन की मेरा गियर के स्क्रीन डैमेज हो गया, एक दिन 45,000 का फोन लिया, सैमसंग का नोट 4 आया था, और अगले ही दिन मैं फोन यूज कर रहा था, मेरी दरवाजे के साथ जाके टक्कर लगी और फोन मेरे हाथ से ड्रॉप हुआ, गिर गया अगले ही दिन। फिर मैंने उसमें 45,000 का फोन लेके अगले दिन 35,000 की उसमें मैंने स्क्रीन डलवाई एक दिन में, तो वो फोन में मैंने काफी नुकसान खाया, काफी चीजों में मैंने नुकसान खाया, पीसी में भी बहुत नुकसान खाया। कल आपने सुनी नहीं मैंने पीसी की स्टोरी सुनाई थी, कि मैंने पीसी से पहले i7 4th gen बनाया, मेरे साथ वो सीन हुआ कि मेरा प्रोसेसर उड़ गया, और ऐसे ऐसे सीन हुए कि 1 week वारंटी थी प्रोसेसर की, यूज लिया था ना, तो प्रोसेसर के तो चांसेस ही नहीं होते, प्रोसेसर तो लोग जस्ट चेक वारंटी देते हैं कि चेक करो ओके है तो ओके है, उसमें कोई इशू आते ही नहीं, प्रोसेसर की रियल लाइफ 400 years होती है, बट मेरे साथ 1 in a million सीन भी हुआ है कि प्रोसेसर भी मेरा 1 हफ्ते बाद चेक वारंटी खत्म हुई, उससे अगले दिन डेड, चलते चलते पीसी बन डेड। बट मैंने वो बताया था कल स्टोरी में कि जहाँ पे बुरे सीन हुए वहाँ पे अच्छे सीन भी हुए, फिर मतलब जहाँ जॉब करता था वहाँ पे हमें एक हैवी प्रोजेक्ट मिल गया, वो बॉस ने उसमें ऐसा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था ना शुरू में, तो मैंने देखा कि यार इस प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है, मुझे लग रहा था ना। अब जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हम ना CCTV कैमराज का काम करते हैं, तो हमें वो प्रोजेक्ट के लिए लीड के लिए कॉल आई, मतलब नॉर्मल ये चलता है 8 cameras 16 cameras बहुत ज़्यादा हो गए 32 64, बट मुझे एक बंदा कॉल करके बोलता है कि हमें 180 cameras लगाने, वो बहुत बड़ी थी ना, तो बॉस को ऐसे लगा कि कोई ब्लफ कर रहा है ना, कोई प्रैंक कर रहा है, बट मैं उसने बोला छोड़ो, बट मैंने उसके पीछे लगा रहा,
तो वो काफी ज्यादा ना कैमरास के बाद उनके और भी इक्विपमेंट थी बहुत बड़ी है ना एक सोसाइटी टाइप थी, तो वो हमारा हिस्ट्री का बिगेस्ट प्रोजेक्ट था और उसमें उस पूरे प्रोजेक्ट में हमें 8 months लगे, तो बट वो बहुत हैवी अमाउंट का प्रोजेक्ट था तो उसपे मुझे बोनस अच्छा मिल गया। उस पर बॉस ने फिर जब देखा ना कि मतलब इसने मेहनत की प्रोजेक्ट लेके दिया, एंड तक मैंने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करवाया ना, तो उस पर मुझे बोनस मिल गया और उस बोनस की वजह से ये पीसी लिया फिर, वरना मेरा तो ऐसा हो गया था कि सब कुछ बंद हो गया था पीसी, जैसे नहीं बाकर का क्रैश हो गया था तो मैं काफी स्ट्रेस में चला गया था कि यार एकदम से इतनी मुश्किल से जॉब करता था ना, तो पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठा किया और वो फिर एक दिन एक हफ्ते में उड़ा। आपको टेंशन होती है, खुला पैसा हो तो और बात है ना, बट आपको पता है आपने मेहनत से 4-5 महीने 6 महीने लगा के जमा किए और फिर वो एक हफ्ते बाद आपको, तो ऐसे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन, बट वही बात है कि जहाँ बुरे दिन आते हैं वहाँ अच्छे दिन भी आते हैं, तो कुछ टाइम ही बाद वो अच्छा दिन आ गया और फिर मैं इतना खुश। तो लोग सिर्फ फ्रंट लाइन स्टोरी देखते हैं ना कि इसके पास पीसी है या इसके पास ये चीज है, गाड़ी है, बाइक है, ये नहीं देखते उसके बैक पे मेहनत कितनी है, क्या क्या टेंशन होंगी, क्या क्या ख्वारियां आई होंगी। तो वो चीज मैं बोलता हूँ कि बैक स्टोरी, हर चीज की एक बैक स्टोरी होती है। आपको पता नहीं ये स्ट्रगल कहाँ से चल रही है। मैंने बताया था ना 15 years की एज में जॉब स्टार्ट कर दी थी मैंने, 15 years, अभी 8 साल हो गए, ऑलमोस्ट 7-8 साल हो गए जॉब करते हुए। तो कुछ चीजें मैंने बनाई बट उसके पीछे स्ट्रगल है। स्टार्ट में ना इतनी सैलरी थी, एजुकेशन भी नहीं थी ना इतनी है, क्योंकि एजुकेशन तो अर्ली स्टेज पे छोड़ दी मैंने, मेरा सिर्फ वैसे 10th class ही हुआ था, क्योंकि मुझे बस पैशन था, शौक था। तो बट ये कि ग्रो हुआ, अच्छा ग्रो हुआ, लेट ग्रो हुआ, बट पेशेंस चाहिए होती है ना, आपको पता है कि लोग क्या करते हैं, लोग गिव अप करते हैं। एक कंपनी में जॉब किए, 1-2 साल में ग्रोथ नहीं देखा, बोलो छोड़ो बाढ़ में जाए, बट उनको नहीं पता हो सकता है कि उसके 10 दिन के बाद ही उनकी ग्रोथ लिखी हो, बट उनको नहीं पता। तो लाइफ में डिफरेंट डिसीजंस लेता है बंदा और उससे पूरी लाइफ का वो क्या बोलते हैं, पूरी लाइफ का यू टर्न हो जाता है। या तो ऐसा होता है ना, अच्छा आगे लाइफ का पैटर्न चेंज हो जाता है। मतलब मैं सोचता हूँ कि मे बी एक जिस कंपनी में मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, जो मुझे बड़ा बोनस मिला था, इससे कुछ टाइम ही पहले मैं एक बार वैसे ही मेरे माइंड में आया था कि यार इस कंपनी को छोड़ूं, कुछ मूव ऑन करूं, कुछ आगे देखूं, बट देखो आज तक उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मे बी मैं किसी और कंपनी में जाता, देखो दो पॉसिबिलिटीज है, हर चीज की दो पॉसिबिलिटीज है, मे बी मैं किसी और कंपनी में जाता, हो सकता है यहाँ से भी ज्यादा ग्रोथ होती, हो सकता है यहाँ से काफी डाउन ग्रोथ होती। रिस्क होता है ना, जैसे बिजनेस में रिस्क होता है, जॉब में भी रिस्क होता है, आपके डिसीजन से चेंज हो जाता है सारा प्लान, सब आगे का पैटर्न चेंज हो जाता है। बट इसी का नाम तो किस्मत है भाई, और किसको बोलते हैं किस्मत, कि आपको नहीं पता आगे क्या होने वाला है, और ये बात है कि आपके ही डिसीजन से वो आगे का पैटर्न चेंज होता है। तो ये सारी कहानी है भाईजान, और इस कहानी से हमारी जॉब कंप्लीट हो गई। अच्छी है आपकी कहानी। या दिन भी बच चुके हैं, हम जा रहे हैं सोने। सो जाओ, देखना पेट्रोल पंप को लॉक करके सोना। ओ बंदा है मेरे साथ, कर दिया मैंने, लॉक नहीं करना पड़ता। सही हो गया, सही भाई। फिर आप सो जाओ, फिर सारे सो जाओ, अब तो कुछ ज्यादा ही हो गया, आज तो कुछ लंबा ही चल गया। क्यों रिएक्टर भाई, हाँ भाई। ये जो हाँ भाई थी ना, इसमें एक दर्द था।
मुझे एक दर्द सुनाई दिया इसमें वो ऐसे लग रहा था कि जैसे बंदा सो के उठे, बोले हाँ भाई क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे कभी होता है जब सही बंदे को नींद आई है, एकदम ऐसे झटका लगता है बंदे को, ऐसे लगता है एक दिन गुजर गया पूरा। ऐसे होता है मेरे, मैं कई एक दो दफा नहीं काफी दफा मैं चेयर पे बैठे बैठे सो जाता हूँ, और तो बैठे बैठे सो जाता हूँ। हाँ जैसे आप उस दिन सोए थे और फिर हमने आपके सोने के एक्सपीरियंस लिए थे। चलो सही है भाई, फिर सोते हैं, अब क्या करें, इतना तो नहीं जाग सकते। ओके मर भाई मैं बंद कर रहा हूँ। कितना नेचर से फाइट करोगे, ये नेचर है हमारा सोना। कल इतना जगना हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, बस बहुत है, आपकी स्टोरियों से हम खुश हो गए, आपकी स्टोरियों ने हमें जगा के रखा। मेरा तो रोज का है तीन आज के बाद में। कभी कभी बात करने पड़ती है, नॉलेज तो अच्छी रखनी पड़ती है हमारे बारे में। हाँ तो नहीं करना ना, हमें कुछ कोई भी काम हो वो आपको था, उस बंदे को नहीं था ना, तो उसने लिया। लिया या तुमने दिया? नहीं ले, ले लूच तो चस्के लगा रहा था, इतना तो मुझे कंफर्म है, ले लूच फुल चस्के लगा रहा था, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट वो हमें पकाने के लिए वो सवाल पे सवाल सवाल पे सवाल कर रहा था। मैं आता हूँ जब इसी में, तब हम कितने देर, आधे घंटे बाद घंटे, मैं मोस्ट ऑफ तो 12 बजे तक आता हूँ ना, आपको पता है ना आदित्य भाई? हमें भी पता है। हाँ 12 बजे तक आता हूँ, तभी तो मेरा क्या होता है कि मैं काम खत्म करके फ्री होके आता हूँ, तभी मुझे ऐसा कुछ बोलने का नहीं है, वो लाइव स्ट्रीम होता है तो मैं देखते रहता हूँ, बीच में कुछ बोलता नहीं। आज मैंने बोला तो मुझे लगा कि बंदा ऐसा है, ठीक है, मैं बंदे को तो पहचानता नहीं सबको। नहीं वो तो पहचानोगे तभी ना जब बात करोगे ना, ऐसे तो नहीं पहचानोगे। तो अरे वो चुतिया काट के गया, दूसरा कुछ नहीं। हाँ इसीलिए ना आज मैंने बात किया, मुझे पता चल गया कि ये बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है। आगे आगे मुझे कोई सवाल पूछेगा या आगे मुझे कुछ बात करेगा इस, तो मुझे पता चल जाएगा ये क्या कर। इस बात पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने कभी कोई मूवी देखा होगा या कोई ड्रामा सीरियल देखा होगा, ऐसा होता है ना कि आप ड्रामा सीरियल या कोई मूवी देखना जब स्टार्ट करते हो, आप उसमें कैरेक्टर्स देखते हो, आप उनको नॉर्मल देखते हो, बट जब उनकी आगे स्टोरी चलती है ना, जब उनकी बातचीत होती है, स्टोरी चलती है, तो आप उस कैरेक्टर में ऐसे घुस जाते हो, उसको थोड़ा सा मतलब उसके बारे में इंटरेस्ट आ जाता है आप में। तो वही सीन होता है रियल लाइफ में भी कि आप जब लोग एक बंदे को देखते हो बस ठीक है एक बंदा है, बट जब आप उनसे लंबी गपशप लगाते हैं फिर आपको पता है इंटरेस्ट आता है कि यार इसकी लाइफ में ये चल रहा है, इसकी लाइफ में ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, इसका ये एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। अब जैसे आज हमें जिगर भाई का पूरा पेट्रोल का हिसाब किताब पता लग गया। तो वो ऐसा होता है। तो चलो अच्छा लगा, आज बहुत मजा आया, ऐसे ही हमने कल भी ऐसे ही जॉब किया 6000 किलोमीटर का गपशप में, बहुत मजा आया। तो अभी लेकिन लेवल एक्सट्रीम हो गया सोने वाला, मुझे भी अब आ गई है नींद और स्ट्रीम बहुत हो गई है लंबी, फजूल में स्ट्रीम कर रहा हूँ। अभी मेरा लिंक्डइन में लिंक्डइन आईडी में अपडेट कर रहा हूँ कि पेट्रोल पंप मैनेजर। अब तो बहुत सही है करो अपडेट करो, उसमें लिंक्डइन में जिगर का लिंक भी डाल दो। हाँ। कि कोई सवाल हो तो इससे पूछ। चलो भाई ठीक है, हम जा रहे हैं, तो बताना फिर मिलेंगे कल खेलेंगे। बट ये होता है ना,
मेरा यही होता है कि मैं वीकेंड पे रात में आता हूँ, वीक में जॉब होता है, कल दिन में खेलूंगा। तो फिर मिलते हैं, कल मैं भी दिन में खेलूंगा। चलो सही है भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, बाय बाय। एक्स्ट्रा भाई पीसी को ऑफ कर दो, सो जाओ। क्या? हाँ हाँ नहीं, स्ट्रीम बंद कर दिया। नहीं, गेम तो अभी नहीं बंद किया, स्ट्रीम बंद कर। अच्छा एक सेकंड। जिगर का मैसेज आया कुछ। क्या बोल रहा जिगर? एक सेकंड, एक सेकंड। नहीं आ रहा स्ट्रीम, रुको रुको रुको, नहीं लोडिंग ही कर रहा है। दोबारा से चलाओ, एक सेकंड में यूट्यूब का ये स्टॉप कर दो। अभी तो नहीं आ रहा लाइव आपका, बंद हो रहा है।